হ্যালো হ্যালো দুর্গাপুর বিগ ব্যাস ধামাক হাজার চব্বিশের চতুর্থ দিনের খেলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা দর্শকদের মাঠের ভেতরে প্রবেশের জন্য অ্যালাউ করেছি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু নিয়ম আমরা বলে দিই কোনোভাবেই আপনারা মাঠের ভেতরে কেউ প্রবেশ করবেন না प्लेयार्स डागआउट दूटी बनाना हो छाओ बसबे प्लेयार्स जे टीम खेला है जो टीम का गेम चलेगा वही टीम प्लेयार्स डाग आउट में बैठेगा और प्लेयार्स बैठने के लिए जो चेयर्स एलोटेड है उसमें कोई भी वॉलेंटियर कोई भी दर्शक उसमें नहीं बैठिएगा

बार दुर्गापुर धमाका का बिग बैश का दूसरा सीजन और दूसरे सीजन का आज डे नंबर फोर और आज के दिन सुपर के मुकाबले खेले जाएंगे मेरे साथ जुड़ चुके हैं वेस्ट बंगाल के एक बड़े कमेंटेटर सुमंतोदा बैनर्जी सुमंतोदा आज सुपर सिक्स के मुकाबले होने वाले पहली मैच में एक बड़ा मुकाबला हमें देखने मिलेगा

दुर्गापुर की टीम नाइट वॉरियर्स हालांकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं लेकिन दूसरी तरफ संबलपुर वो कहाडिशा से से तो ये फाइट भी बंगाल वर्सेस ओडिशा में होने वाला है और दोनों कप्तान एक तरफ योगेश पिनकर काफी तजुर्बेकार कैप्टन है तो दूसरी तरफ अंकुर सिंह जो कि एक टाइम पे इंडिया को भी कैप्टनशी कर इंडिया के लिए कैप्टनसी कर चुके हैं तो एक टफेस्ट फाइट होने वाला है जरूर टफेस्ट फाइट होगा एक तरफ योगेश पेनकर के साथ कृष्णा सातपुते है एजाज कुरेशी है और दूसरी तरफ थॉमस डायस अजीत मोहित जैसे बड़े बड़े नाम और आ, एजाज कुरेशी को हमने एक तरफ दो तो मैच मैन ऑफ द मैच लेते हुए देखा है राजेश सोटी इस टीम में है दूसरी तरफ कल की रात में प्रवीण शिखंडे जिन्होंने भी दो मैच में मैन ऑफ द मैच का किताब लिया है तो ये मुकाबला काफी कड़ा संघर्ष देखने मिलेगा टेनिस क्रिकेट विश्व के बड़े बड़े सितारे इन दोनों टीम में शामिल है और इसी के कारण सभी के नजरे लगी हुई है की सुपर सिक्स का पहला मुकाबला कब शुरू होगा तो कुछ क्षणों में सुपर का पहला मुकाबला तो देखिए दो टीम में ऐसे दो खिलाड़ी हैं जो कि टीम के हर गेम को चेंज कर सकते हैं। एक तरफ है तो दूसरी तरफ आपको चुके हैं, हम लोग टॉस की तरफ जाएंगे एक तरफ है अंकुर सिंह और दूसरी तरफ योगेश और ये है टॉस कॉइन द स्पेशल टॉस कॉइन वन साइड होगा यानी कि दुर्गापुर क्लब समन्वय तो दूसरी तरफ दुर्गापुर बिग बैज धमाका 2K24 का लोगो तो पहला मैच का कॉइन उड़ेगा अभी कौन फ्लिप करेगा और कौन, करेगा, कौन करेगा। का कॉल करेगा योगेश का स्पिन और अंकुर का कॉल दुर्गापुर से कॉल एंड इट्स दुर्गापुर 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 धमाका बिग बैच का ये दूसरा सीजन है पिछले साल आप चैंपियन रहे थे फाइनल में मैन ऑफ तो द मैच भी आपको मिला था और सुपर सिक्स का पहला मुकाबला है टॉस जीतकर पहले फैसला क्या होगा और आ, क्या कैसा परफॉर्मेंस कर रही है पहले एक मैच हारने के बाद फिर एक बार अच्छा कम किया है और आज किस तैयारी उतरेंगे योगेश पेंकर के सामने एक्चुअली सर हम लोग सिंपल क्रिकेट खेलेंगे सर और हम टॉस जीते पहले फील्डिंग करना चाहेंगे क्योंकि ये फ्रेश विकेट है और हमारे सामने एक अच्छा टारगेट सेट रहेगा तो थोड़ा इजी हो जाता है बैटिंग करना तो सर हम पहले फील्डिंग करेंगे

होगा। तो क्या ये थोड़ा बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है नहीं दिक्कत तो नहीं होगी क्योंकि अभी 15 मिनट में मेरे को लगता है इधर शाम हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी मजा आएगा मैच में और सुपर सिक्स के लिए कोई खास प्लानिंग कोई चेंजेस ट्रीम कहना चाहेंगे सभी से कि देखिए ग्रुप स्टेजेस के जितने सारे मैचेस थे वो आठ ओवर के मैचेस थे आज से नॉकआउट चालू हो रहा है और अच्छा सिक्स टेन में शुरू होगा मैच शुरू होगा सिक्स टेन पे और आई थिंक टेन ओवर का मैच आज से आठ ही ओवर का मैच होगा ओके तो आठ ओवर का मैच और सिक्स टेन में शुरू होगा पहला मैच

हेलो तो फिर एक बार आप सभी को हार्दिक स्वागत है नेहरू स्टेडियम में दुर्गापुर धामा का बिग मैच सीजन टू ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय एंड मिस्टर हेमंत बनियल सुपर सिक्स का तीन मुकाबला खेला जाएगा आज चौथा दिन में और पहला मुकाबला एमयूसीसी यू और सामने होंगे डीजीपी दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स टॉस हो चुके हैं और टॉस का बॉस कौन बने एमयूसीसी संबलपुर पहले गेंदबाजी करने का फैसला आमंत्रित किए बल्लेबाजी करने के दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स को में डे फोर फर्स्ट मैच ऑफ द डे फर्स्ट क्वार्टर फाइनल ऑफ़ द टूर्नामेंट एक तरफ संबलपुर और दूसरी तरफ दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स तो, तो नाइट वॉरियर्स ग्रुप बी से क्वालिफाई कर चुके हैं सुपर सिक्स के लिए और पहला जो मुकाबला था नाइट वॉरियर्स का वो मुकाबला था एम एस धोनी गंगावती के खिलाफ जीत प्राप्त किए थे दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स और ग्रुप सी से क्वालिफाई कर चुके हैं पहला जो मुकाबला था के खिलाफ जीत प्राप्त किए थे उसके बाद सुहाना सफर दोनों टीम के लिए और पहला टीम के रूप में सेमीफाइनल में कौन टीम पहुंचेंगे वो तय होगा कुछ देर में फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं हमारे साथ मिस्टर चंद्रकांत सेठे वेलकम पहले सुपर सिक्स के मैच में यमयू संबलपुर जिन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फ़ैसला लिया है और उनके खिलाफ दुर्गापुर नाइट औरियर्स टीम पहले बैटिंग करने के लिए मैदान के ऊपर उतरेगी दूसरे मैच में शिशिर साथी फाउंडेशन और उनके खिलाफ नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के बीच मुकाबला होगा ये भी मुकाबला काफ़ी कड़ा होगा क्योंकि हका चिंदारिया एक तरफ है और करण अम्बाला भी इस मैच में खेलते नजर आएंगे दूसरी तरफ शिशिर साथी फाउंडेशन में सुमित ढेकड़े ओमकार देसाई जैसे खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे उसके बाद तीसरा मुकाबला एंजल कोलकाता जिसमें सरोज प्रामाणिक जगत सरकार फरदीन काजी जैसे खिलाड़ी नज़र आएंगे और उनके खिलाफ डी जे इलेवन सरकार जिस टीम में है जिस टीम में पीकू पॉल जिस टीम में हलचल यादव जैसे खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं और कल के रात में हमने देखा छः बॉल और छ रन के मैच में जिस तरह से गेंदबाजी की थी फिरोज ने तो आज की जो टीमें हैं और छ के चे टीम काफी जबरदस्त संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची है और सभी भारत के टेनिस बॉल क्रिकेट के चाहने वालों की नजरें आज फिर एक बार ये वेस्ट बंगाल की स्टील सिटी दुर्गापुर पर लगी हुई है क्योंकि आज सुपर सिक्स के मुकाबले यहाँ खेले जाएंगे

फोर व्हीलर कार मैन ऑफ द सीरीज के लिए दी जाएगी इस टूर्नामेंट के जरिए टू व्हीलर बाइक बैटर के लिए बॉलर के लिए और 70-70 की ये गेम जिससे ये टूर्नामेंट खेल रही लगा तो सिक्स और इस पूरे टूर्नामेंट में काफी मात्रा में सिक्स भी जड़े हुए हैं हमारे तीनों सभी अंपायर जी हां मिस्टर गोपाल साहब मिस्टर रंजीत परिथा मिस्टर राजा मुखर्जी और सुभदास मंडल और अब देख पा रहे हैं सेवेंटी सेवेंटी का वो खास बॉल लगा तो सिक्स उनतीस अप्रैल शुरुआत हुआ था सीजन टू बिग बैस धमा का दुर्गापुर के नेहरू स्टेडियम में ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी उसके बाद तीस अप्रैल कॉरपोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट आप देख चुके हैं फिर अब देखिए पहला दिन का खेल ग्रुप ए का चार टीम था पांच मुकाबला जहाँ से दो टीम क्वालिफाई कर चुके हैं शिशिर छी फाउंडेशन और नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स फिर अगला दिन यानी डे टू में ग्रुप बी का मैच देख चुके हैं अपने चार टीम पांच मुकाबला जहाँ से एंजल कोलकाता और दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स क्वालिफाई कर चुके हैं सुपर सिक्स के लिए और तीसरा दिन खास था हमारे सबके लिए ख़ास करके तीसरा दिन से जो दो टीम आए हैं सुपर सिक्स में डीजे जे और एम यू सी सी और खास बात यह है कि हर दिन पहला दिन अब आप देख चुके हैं ग्रुप ए का जो आखिरी मुकाबला था कितना दिलचस्प था वो मुकाबला नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स कितना बढ़िया वापसी की है और दूसरा दिन में ग्रुप बी से आखिरी मुकाबला में दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स बहुत ही बढ़िया वापसी और कल भी आप देख चुके हैं एम यू सी जो कि तीसरा मुकाबला में डी जे से हारे लेकिन बढ़िया वापसी की है इस टूर्नामेंट में आखिरी मुकाबला था ग्रुप सी का कल बसंतिया मोहम्मद स्पोर्टिंग के बीच वो मैच भी कभी जबरदस्त मैच था तो कुल मिलाकर कई सारे अच्छा मैच आपको देखने के लिए मिले यहाँ पर ख़ास करके कल ग्रुप सी का तीसरा मुकाबला जहाँ पर डी जे इलेवेन छः रन डिफेंड किए हैं और फिरोज से का वो खास ओफार फिलहाल आप देख पा रहे हैं सेवेंटी सेवेंटी ये खास गेंद है लगा तो सिक्स बहुत बहुत स्वागत है हमारे सारे दर्शकों का और आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त पूरे टीम तैयारी कर रहे हैं एम यू सी सी संबलपुर एक से बढ़कर एक सितारा दोनों टीम में और हमारे चंद्रकांत सेठ जी ने कल आपको बता चुके हैं कि मुंबई का क्रिकेट का डर भी ये मान लीजिए ये मैच ये मुकाबला आपके लिए और बंगाल का डार भी जो वो होगा तीसरा मुकाबला जहां पर अंजिल कोलकाता और डीजे जे इलेवन खेलेंगे बीच में दूसरा क्वार्टर फाइनल फाउंडेशन के साथ नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स तो हर ग्रुप से दो-दो टीम आए हैं सुपर सिक्स में और फिलहाल दिलचस्प मुकाबला होगा आज चौथा दिन में छह टीम कौन वो थी टीम होंगे यहां से सेमीफाइनल में पहुंचेंगे सब कुछ तय होगा आज उसके लिए हमारे साथ बने रहिए स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग में और और देखिए धीरे धीरे कृष्णा सतपुते और इजाज कुरेसी आगे बढ़ रहे पीच की ओर आठ ओवर का ये मुकाबला पहला क्वार्टर फाइनल मैच और एमयूसीसी संबलपुर जो लिस्ट आ चुके हैं थॉमस डायस अजित मोहिते बंटी पैटल हितेंद्र जडेजा इम्पैक्ट हो सकते हैं हितेंद्र जाडेजा नदीम धनोडी प्लेइंग लेवल में बिलाल राजपूत सुनील चावरी मंसूर अंकुर सिंह राजदीप जडेजा अंदर है प्लेइंग इलेवन में प्रवीण सिकांडे कभी खास खिलाड़ी है खास प्रदर्शन था इस टूर्नामेंट में और राजेश नायडू और इम्पैक्ट कौन कौन हो सकते हैं हितेंद्र जडेजा सराफत साहिल ढिलोन और सुनील नैन ये था दोनों टीम का प्लेयर लिस्ट एक महत्वपूर्ण सूचना आज के छह टीम के लिए इस टूर्नामेंट में इंडिविजुअल प्राइज के तौर पर फोर व्हीलर कार है दो टू व्हीलर बाइक भी है और पॉइंट्स इस तरह रहेंगे और इंडिविजुअल प्राइज़ के लिए छः के छे टीमें एप्लीकेबल रहेगी इंडिविजुअल प्राइज़ के लिए आज जो छः टीमें यहाँ आज के दिन खेलने वाली है यहाँ से जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा हर एक रन के लिए एक पॉइंट दिया जाएगा और हर एक विकेट के लिए सात पॉइंट कुल मिलाकर जो टोटल होगा जिसको भी ये जो क्वालिफाई होगा एप्लीकेबल रहेगा उसी को ही इंडिविजुअल प्राइज दिया जाएगा और सुपर सिक्स के सभी टीमें उसी के लिए पात्र हैं धीरे तो धीरे हमारे सारे दर्शकों ने आ चुके हैं मैदान में नेहरू स्टेडियम और कितना बढ़िया सा नज़ारा आप देख पा रहे हैं चंद्रकांत जी खास ये मैदान है और जब भी आपको आउटफील्ड में इतना ग्रेस दिखता है इतना अच्छा नज़ारा दिखता है तो दिल को एक अलग सा सुकून फील होता है जरूर सभी की निगाहें लगी हुई है इस सुपर सिक्स के मैच पर और आज इस टूर्नामेंट का चौथा दिन चौथे दिन का पहला मुकाबला सुपर सिक्स, एक तरफ है संबलपुर जिन्होंने टॉस जीता टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया आमंत्रित किया दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स को बैटिंग के लिए और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर स्ट्राइक पर है कृष्णा सातपुते नॉन स्ट्राइक पर है एजाज कुरेशी और गेंदबाजी के लिए राजदीप जडेजा गुजरात के जादूगर राजदीप जडेजा जिन्होंने पिछले साल सार्फी भी न... दिन सार्फी लाइट कर दिन पिछले साल भी जिन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था राजदीप जडेजा और स्ट्राइक पर है कृष्णा सात पुते दुर्गापुर धमाका बिग बैश सीजन टू दुर्गापुर स्टील सिटी वेस्ट बंगाल और पूर्वी भारत के पूर्वी राज्यों का एक बड़ा शहर नाम है दुर्गापुर के बाहर इस गेंद को किया पहले गेंद पर अंपायर ने अपने हाथ फैलाए और ये पहली गेंद वाइट बॉल करार दी तो देखिए थोड़ा सा बाहर था अफ्ट से जिसके चलते करार दिया और सीधा गेंद अजीत बैदे की दस्तानों में और फिर एक बार थोड़ा बैक फुट पे आए पंच करने के प्रयास था पहला रन कृष्णा की बल्ले से टीम के लिए ये दूसरा रन काफी अच्छा क्रिकेट खेला है एजाज कुरेशी ने कृष्णा फॉर्म में नहीं नजर आए मगर एक ऐसे खिलाड़ी है पिछले 20 साल से टेनिस बॉल क्रिकेट में अपना नाम बड़े लेवल पर लेके गए वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे टूर्नामेंट खेले उन्होंने कृष्णा साधपुदे पूरे भारत के भारत में एक अलग पहचान है टेनिस क्रिकेट में खेलते आ रहे हैं और इस टूर्नामेंट में बैक टू बैक दो मैन ऑफ द मैच की किताब भी हासिल की है वही एजाज कुरेशी स्ट्राइक पर और सामने है राजदीप जडेजा काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में विकेटों के विकेट के दोनों तरफ गेंद घुमाने में कामयाब रहते हैं राजदीप हो 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 हो। राजदीप की जी हाँ इसका खासियत है क्षमता रखते हैं और वही करके दिखा पर राजदीप जडेजा तो शुरुआती तौर पे राजदीप जडेजा को कैसे अब संभालेंगे वो सवाल है फिलहाल एजाज कुरेसी सामने राजदीप जडेजा फिर एक बार यहाँ पर सफल रहे राजदीप जडेजा एक और बिंदी गेंद तो शुरुआती तौर पर आप एक एक सिंगल खेलेंगे मिडलिंग करेंगे एक अच्छा शॉट खेलेंगे वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा ये आठ ओवर का मुकाबला एक बड़ा मुकाबला है और इस मैदान में हमने देखा है सिर्फ सिक्स या फोर से काम नहीं चलता सिंगल डबल्स भी आपको निकालने होते हैं और एक अच्छा प्लानिंग किया है यहाँ कप्तान अंकुर ने पहले ओवर के लिए राजदीप को लाया और पहले ओवर में भी काफी अच्छी गेंदबाजी टूर्नामेंट में भी किए राजदीप जडेजा ने इजाज के लिए राजदीप अच्छी गेंद जड़ में किया इस बार थोड़ी सी रफ्तार थी ऑन साइड में खेला के वहां आए, एक रन किया। दोनों सिंगल की जिक्र कर रहे थे आप वो मैच याद होगा आपको ग्रुप बी का आखिरी मुकाबला नाइट वॉरियर्स वापसी करने वाला मैच था एम एस धोनी गंगापति के खिलाफ और वो मैच में कितना अच्छा साझेदारी था उनके अंदर एक था एजाज कुरेसी मैदान में ऑफ प्ले इस बार बड़ी शॉट और गेंद जाएगा बाहर स्कूल लगी ऊपर से छह रन के लिए कृष्णा सतपुते ऑन फायर की बहुत बार थी ज्यादा सफल हुए गेंद को लिया और भेज दिया स्क्वायर लेग फाइनले के जोन में इनका नाम है कृष्णा सातपुते और काम है इसी तरीके से छक्के चौके लगाना कृष्णा सातपुते और इसीलिए टेनिस क्रिकेट की दुनिया दीवानी है इनकी बैटिंग की कृष्णा इज्जत है सब कुछ कमा चुके हैं टेनिस क्रिकेट की दुनिया में एक अलग सा नाम है अलग सा पहचान है डेडिकेशन है तो आज फिर एक बड़ा मंच बड़ा मुकाबला

जोड़िया है प्रारंभिक बल्लेबाजी की उसमें ये दोनों खिलाड़ी पिछले बहुत सालों से ओपनिंग करते आ रहे हैं जब बिल्कुल एक खास जोड़ी है और हाथ की बाए हाथ की कॉम्बिनेशन जब होता है आपके अंदर सूझबूझ होना चाहिए बहुत दिनों से खेल रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को जानते हैं हमिया भी जानते हैं खुबिया भी जानते हैं तो इसलिए ना इतना आगे बढ़े है ये जोड़ी एक ने शुरुआत सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के माडा तहसील के कुरडुवाड़ी गांव से की थी एक ने शुरुआत पुणे जिले से इंदापुर गांव से की थी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं दोनों खिलाड़ी वेस्टर्न महाराष्ट्र से और वहां से उनका सफर शुरू हुआ था उसके बाद डिंगडोंग पूना प्रतीक ऐसी टीम तो खेलते खेलते मुंबई से लेकर दुबई तक का सफर उनका रहा है इंग्लैंड तक का सफर रहा इन दोनों खिलाड़ियों का आज देखना होगा क्या करेंगे और ये अच्छी गेंद रही थी आखिरी गेंद कड़म पैर का डिसन यहाँ आया हुआ है कि ये अच्छी गेंद थी और इसी के कारण एक ओवर के समाप्ति के बाद नौ रन बने हैं हर किसी को यहाँ अपना बेस देना है सोमरेज जी क्योंकि अब इस पड़ाव पर आ चुकी है टूर्नामेंट अब नॉकआउट स्टेज है यहाँ से अगर आप गलती करेंगे अगर हारेंगे तो फिर इस टूर्नामेंट से आपको बाहर जाना है तो इस टूर्नामेंट में आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होगा और क्योंकि इनाम 25 लाख अब तक का प्रोफेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा इनाम जी हाँ बिल्कुल हारना कोई नहीं चाहेंगे यहाँ पर आगे बढ़ना चाहेंगे सारे टीम और उनके लिए हर खिलाड़ी यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे हमारे साथ बड़े तादाद से लोग जुड़ चुके हैं नेहरू स्टेडियम में और लाइव स्ट्रीमिंग में सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स में आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया बने रही हमारे साथ और अब तक अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बने रहिए क्योंकि कल फाइनल मुकाबला बिग बैस धमाका सेमीफाइनल मुकाबला भी आप देख पाएंगे। फिलहाल अंकुर सिंह। गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान अंकुर सिंह इजाज के लिए एजाज ने उठा दिया है सामने की दिशा में इस गेंद को खेला एजाज के बल्ले से आता हुआ ये स्ट्रोक जाएगा सीमा पार चार गेंद थी और उसका फायदा उठाया और स्वागत किया है अंकुर का ये कड़ा संघर्ष होने वाला है हर कोई अपना बेच देने के लिए तैयार है नेहरू स्टेडियम में दुर्गापुर में दायरे के अंदर खिलाड़ी था मिड ऑन और पूरी तरह से फायदा उठाया फिर एक बार मिड ऑन के खिलाड़ी के पास तेज भागे और क्या ये सीधा हिट है जी हाँ तीसरा अंपायर के लिए भेजा गया ये मामला तो क्या लग रहे हैं आपको क्या सुरक्षित है बल्लेबाज पहुंच गए फिफ्टी फिफ्टी देखना होगा थर्ड अंपायर ही तय करेंगे आउट है या नहीं है सेलिब्रेशन थोड़ा बहुत तो करना शुरू भी किया है मगर यहाँ आत्मविश्वास दिखा रहे एजाज कि मैं पहुंच गया हूँ और तीसरा अम्पायर की फैसला आ चुके हैं ओ यू टी यानी बड़ा झटका यहाँ पर टीम के लिए दुर्गापुर नाइट वॉरियर्सने के बाद पहला झटका और इसके बाद दूसरा मुकाबला दूसरा क्वार्टर फाइनल आप देख पाएंगे साथी फाउंडेशन के साथ नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स और फिर तीसरा क्वार्टर फाइनल एंचेल कोलकाता के साथ डीजे 11 कड़क होगा वो मुकाबला भी हर मैच आज चंद्रकांत जी दिलचस्प होगा क्योंकि यहां से वापसी करने के लिए आपके पास कोई मौका नहीं मिलेगा लीग स्टेजेस का मैच था इससे पहले वहां पर एक मौका था वापसी करने के लिए यहां पर वापसी करने का कोई मौका आपके पास है नहीं तो सबसे उम्दा प्रदर्शन आपको करना होगा बड़ा मंच बड़ा मुकाबला चैंपियन की ओर और, और आगे बढ़ने के लिए एक कदम आप आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर इस मैच को संभालना होगा आगे जाना होगा और फिर एक बार आपको बता दूं सब्सक्राइब कीजिए सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स बने रहिए हमारे साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फैसला आ चुके हैं तीसरा अंपायर का ओ यू टी आउट तो बैट्समैन को जाना होगा डाग आउट थो 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 का जो राय है मानना होगा तीसरा अंपायर से जो फैसला आ चुके हैं टेलीविजन अंपायर से आउट तो डिसीजन फैसला आ चुके है प्लीज मैच को कंटिन्यू कीजिए आगे बढ़ाइए जो फैसला था वो आ चुके है प्लीज मैच को आगे बढ़ाइए कंटिन्यू कीजिए मैच खास दिन होगा आज सबके लिए नेहरू स्टेडियम पिछला साल सीजन वन आप देख चुके हैं शहीद भगत सिंह स्टेडियम में फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि तीसरा की फैसला आ चुके हैं प्लीज डिले मत कीजिए मैच को कंटिन्यू कीजिए डिसीजन आ चुके हैं फैसला आ चुके हैं आउट यानी मैच को आगे बढ़ाना होगा नए बल्लेबाज आएंगे मैदान में

तो किस तरह से वापसी कर पाएंगे डीजीपी दुर्गापुर नाइट रजत मुंडे और कृष्णा सतपुते आगे दो तीन ओवर क्या पारी को संभाल कर आगे ले जा पाएंगे सवाल हजार है और जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स में कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलना होगा जिस तरह से पिछली रात इन इस टीम ने क्रिकेट खेला था कृष्णा सातपुते कुछ अलग तरीके से खेलना चाहते थे स्ट्रोक को थोड़े से झुके थे और गेंद को शॉर्ट शॉर्ट लेग की दिशा में खेला वहाँ एक रन पूरा किया कृष्णा सातपुते ने स्कोर एक रन से आगे पर फिलहाल पे एक दूसरा ओवर की खेल जा रहे फिर एक बार आपको बता दूं आप अभी आए हैं इस मैदान में या लाइव स्ट्रीमिंग में पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला सुपर सिक्स का मैच शुरू हो चुके हैं धमाल एमयूसीसी संबलपुर टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला आमंत्रित किए बल्लेबाजी करने के लिए डीजेपी नाइट वॉरियर्स को आठ ओवर का यह मुकाबला दूसरा ओवर की खेल जा रही फिलहाल चौदह फेक अंकुर सिंह ऑफ चम के बाहर गेंद की वाइड ऑर्कर करने का प्रयास था है अंकुर का थोड़ा सा दबाव बढ़ाना चाहते हैं जज का विकेट आया है और नए बल्लेबाज नए बैटर मैदान के ऊपर आ चुके हैं रजत और उतना आसान नहीं होता मैदान पर आने के बाद तुरंत बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना और ये इस खिलाड़ी के पास टैलेंट है काफी मगर अच्छी गेंद की ऑफ के बाहर किया इस गेंद को जी हाँ शुरूआती तौर पर इजाज कुरैसी का विकेट आपको मिलेगा तो फिर आप चाहेंगे ये जो लय अब पकड़ चुके हैं ये लय से वापिस ना जाए टीम फिलहाल अंकुर सिंह अपनी बोलिंग मार्ग पर और सामने होंगे यहां पर रजत मुंडे एक ही गेंद खेले अब तक अंकुर सिंह रजत के लिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था और यहाँ चुक गए विकेट हासिल जरूर किया है यहाँ अंकुर सिंह ने बड़ा विकेट रजत मुंडे का सुनील चौधरी ने पकड़ा कैच विकेट

उसी भूमिका में नजर आएंगे योगेश पेनकर जो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के महाड़ से बिलोंग करते हैं फाइटर जेट इस नाम से भी जाने जाते हैं योगेश पेनकर और फाइट करनी होगी अब जीतने के लिए इस मैच को अपनी टीम के पास लाने के लिए एक अच्छा टोटल खड़ा करने के लिए फाइट करनी चाहिए जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर जिम्मेदारी लेना होगा योगेश पेनकर को इससे पहले इस टूर्नामेंट में आप लेख चुके हैं अनुभव आपके पास है तो फिर एक बार दोहराना होगा वो यादगार रात की यादगार पारी फिर एक बार तालमेल में कमी चंद्रकांत जी शुरुआती तौर पे इस तरह की तालमेल में कमी नहीं होना चाहिए जैसे खास करके पिछला विकेट अब गवा चुके रनआउट के रूप में एजाज कुरेसी का विकेट अंपायर डिसीजन यही फाइनल डिसीजन होगा सभी टीम से ये विनती है और यहाँ देखिए इस बार आते ही पहली गेंद को पॉइंट की दिशा में ढकलने की कोशिश थी और थोड़ा सा चुक गए थे और ये देखिए सेवेंटी सेवनटी स्पोर्ट्स काफी मात्रा में सहयोग पूरे बंगाल से हमें मिल गया है दुर्गापुर से मिल गया है पूरे भारत से मिल गया है मगर आने वाले दो दिनों में भी आपको इसी तरह से सहयोग करना है सेवन टी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है आने वाले सभी टूर्नामेंट के नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे अगर आपको ये टेलीकास्ट पसंद आया हो तो सेवेंटी सेवनटी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है जी हफिल हाँ, छह लाख छियासठ हजार एक सौ तीन लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस परिवार के साथ सेवेंटी सेवन स्पोर्ट्स

और उनके साथ है कृष्णा सातपुते टेनिस क्रिकेट विश्व के दो बड़े नाम मैदान के अंदर मगर हरियाणा के ऐसे गेंदबाज जिन्होंने कल के रात दो मैन ऑफ द मैच की किताब लिए प्रवीण सिकंडे योगेश कल के हाथों से कवर्स की दिशा में सिर्फ ढकेला इस गेंद को स्ट्राइक को रोटेट किया कृष्णा सातपुते इनको स्ट्राइक पे लाया और जो एक भूमिका है इस मैदान में बड़ा माट है बड़ा मैदान है आपको इसी तरह से बैटिंग भी करनी है जब मौका मिलेगा बड़े स्ट्रोक भी लगाना है मगर सिंगल डबल्स इस मैदान में काफी अहम है यहां दिखाने की कोशिश योगेश पेनकर इनकी बिल्कुल प्रवीण सिकांडे के जिक्र कर रहे थे आप अब तक तीन मुकाबला खेले इस टूर्नामेंट में तीन मैच से सात विकेट सात सफलता उनके नाम पर है प्रवीण सिकांडे वो तैयार हो रहे हैं अपने बोलिंग मार्क पर सामने कृष्णा सतपुते फिर एक बार मिस टाइमिंग हवा में गेंद कुछ देर के लिए रिटर्न कैच विकेट नंबर थ्री एक और झटका बड़ा झटका यहां पर नाइट वॉरियर्स के लिए अधूरे मन से खेला था ये स्ट्रोक टाइमिंग नहीं कर पाए और प्रवीण शिखंडे अब पहले पायदान पर आ चुके हैं सरोज के साथ जिन्होंने दोनों गेंदबाजों ने आठ आठ विकेट लेकर शीर्ष स्थान पर है अभी और जी हाँ प्रवीण सिकांडे के जिक्र कर रहे थे आप आठ आठ विकेट दो गेंदबाज के नाम पर है एक सरज प्रमाणिक और दो प्रवीण सिकांडे सरज प्रमाणिक वो आपको नजर आएंगे आज की तीसरा मुकाबला में क्वार्टर फाइनल की तीसरा मैच वो

सोलह पर तीन अच्छी गेंद हाथों से सिर्फ ढकेला उसे कवर्स की दिशा में एक रन पूरा किया गेंद अच्छी थी लेन से थोड़ी सी उछाल भी थी और एक रन पूरा किया महेश ने आते ही पहली गेंद पर रन लेने में कामयाब रहे जी हाँ आते ही एक सिंगल खेलेंगे आप मिडलिंग अच्छा होगा एक कॉन्फिडेंट शॉट खेलेंगे वो आपको कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास दिलाएंगे ये एक बार नहीं कई बार हुआ है इस टूर्नामेंट में आप देख चुके इससे पहले कल का वो मैच का जिक्र कर रहे थे हम लोग एमयूसीसी और डीजे इलेवन का जो मुकाबला छह रन भी डिपेंड होते हुए देखा है हम लोग इस मैदान में तो साठ पैंसठ सत्तर के अंदर भी संघर्ष कड़ी संघर्ष हो सकता है कड़ा संघर्ष ही यहाँ चाहिए बेस्ट आपको देना है अब तक की बेस्ट टूर्नामेंट है 25 लाख की इनामी राशि है तो आपको बेस्ट यहाँ देना ही है और टीम की जरूरत क्या है उस तरह से आपको खेलना है उस तरह से आपको गेंदबाजी करनी है बैटिंग करनी है और फील्डिंग भी करनी है नेहरू स्टेडियम दुर्गापुर प्रवीण शिकंडे योगेश पेनकर के लिए बैक फुट पर गए हल्के हाथों से गेंद को हो, सिर्फ स्लीप से स्लीप में ढकेला और वहां एक रन पूरा किया योगेश पेनकर थोड़ा सा संयम से खेल रहे

फिर एक बार देखे, पूरी तरह से चकमा दिया रफ्तार था गेंद में, और बार आपको बता दू, विल विल जो फैसला होगा उसको मान्यता देकर आपको आगे जाना होगा सम्मान देना होगा पंचन निर्णय हाच अंतिम निर्णय आयोजन कमिटी या और, और एक अच्छी गेंद प्रबिद ऑफ स्टम्प के बाहर किया इस गेंद को भी महेश के लिए खुद को साबित करने का मौका प्रवीण के पास भी है और महेश के पास भी है बैटिंग के लिए महेश कामले ओ हो 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 यहाँ थोड़ी सी धीमी गति से इस गेंद को किया था बल्ले में आई नहीं ये गेंद और देखते देखते तीन ओवर का खेल खत्म हो चुका है इस ओवर में विकेट भी आया सिर्फ तीन रन आए और तीन ओवर के बाद रन बने हैं अठारह जब पहले बैटिंग करने के लिए उतरी है दुर्गापुर नाइट ऑरियर्स जी हाँ आपका थ्री ओफोर्स एटीन फोर थ्री फिलहाल जो वर्तमान रनों की रफ्तार है छः दशमलव शून्य शून्य प्रति ओवर इसमें बदलाव आ सकते हैं चंद्रकांत जी वक्त आपको मिलेगा थोड़ा सा संयम दिखाना होगा जैसे दिखाए थे आप. आपका लीग स्टेजेस का आखिरी मुकाबला में एम एस धोनी गंगावती के खिलाफ इस टूर्नामेंट के और सभी टूर्नामेंट्स के सेवनटी सेवेंटी के आपको अगर अपडेट्स चाहिए इंस्टाग्राम पर तो ज़रूर इंस्टाग्राम को भी सेवनटी सेवेंटी पेज को भी आपको फॉलो करना है धमाका बिग बैस पेज को भी आपको फॉलो करना है सेवनटी सेवनटी स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम पर इस टूर्नामेंट के और पूरे भारत के जितने भी टूर्नामेंट्स होते बड़े बड़े उसके अगर आपको अपडेट चाहिए तो सेवनटी सेवेंटी स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना नहीं भूलेगा और थैंक्स टू द उइज रूम जो कंट्रोल कर रहे पूरी तरह से इंस्टोग्राम सोशल मीडिया रूम तो फिलहाल अंकुर सिंह अपने कोटे का ये आखिरी ओवर पहला ओवर में रन खर्च किए हैं एक सफलता उनके नाम पर और सामने होंगे इस बार योगेश पेनकर योगेश के लिए आते ही पहली गेंद जड़ में की उसे कवर्स की दिशा में फिर योगेश ने खेला और स्ट्राइक पर फिर एक बार महेश को आमंत्रित किया है यहाँ अच्छी शुरुआत रही है फिर एक बार इसके पहले ओवर में भी छः रन उन्होंने खर्च किए थे एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया था यहाँ जो काफ़ी अहम था साबित हुआ था रजत मुंडे को उन्होंने वापस भेजा था यहाँ थोड़ा सा दबाव जरूर है मगर दबाव यहाँ से सिंगल डबल्स और एक दो चौके छक्के भी आ जाएंगे आने वाले समय में दबाव हट सकता है टोटल 70 से 80 के बीच का अगर भी हुआ तो मैच अच्छा बन सकता है यहाँ से सामने की दिशा में इस गेंद को खेला और पिच गेंद थी सीधे बल्ले से सामने की दिशा में खेला एक रन पूरा किया दूसरे की कोशिश महेश और योगेश पेनकर दो रन काफी जबरदस्त दौड़ लगाई दो रन पूरे की इसी का जिक्र आप कर रहे थे कुछ देर पहले जो कारनामा आप लीग स्टेजेस का आखिरी मुकाबला में किए हैं वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ी आपके साथ है योगेश पेनकर तो महेश कामले क्या यहाँ पर योगेश पेनकर के साथ ये बात कर रहे हैं कि लो आ चुके हैं हम लय पे ये जो किए हैं यही करना है आपको आगे दो तीन ओवर ये कैलकुलेटिव क्रिकेट है यहाँ से जितना बड़ा मैदान है इस मैदान में आपको हर एक गेंद पर आप सिक्स फोर नहीं मार सकते सिंगल डबल्स भी निकालने होंगे ओ काफी रफ्तार इस बार और इस बार बड़ा हिट भी लगाना चाहते थे अंकुर सिंह अच्छी लाइन और लेन पे गेंद की बल्ले का किनारा महेश पेविलियन की तरफ विकेट नंबर चार से लौट गए थोड़ा सा बाहर था पीछा करने के लिए गए एज था बाहरी किनारा और सीधा विकेट कीपर स्थानों में अजीत मोहिते एक अच्छा कैच यहां पर अजीत मोहिते द्वारा फिलहाल 21 पे चार और नए बल्लेबाज के रूप में आप मैदान पे आए हैं उमर खान बड़ा मैदान है और इस बड़े मैदान में आपको आठ ओवर के मुकाबले में एक अच्छा टोटल खड़ा करना है इक्कीस रन हो चुके हैं चार विकेट वापस जा चुके हैं मैदान के अंदर और एक बड़ा सितारा टेनिस क्रिकेट विश्व का उमर खान आ चुके हैं इस परिस्थितियों के एक बड़े सितारे हैं और बैटिंग के लिए आ चुके हैं साथ में ही योगेश पेनकर खुद कप्तान मगर अंकुर बार, बार बार बैटर को गलतियां करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उसी के कारण महेश वापस लौट चुके हैं चौथा ओवर प्रगति पर है 21 रन बने हैं चार विकेट का नुकसान दुर्गापुर धमाका बिग बैस सीजन टू उमर खान पॉइंट की दिशा में इस गेंद को ढकेला एक रन लेने की कोशिश थी कामयाब रही जैसे ही गेंद को पॉइंट की दिशा में ढकेला कॉल दिया था उमर ने और यस तुरंत वहां योगेश करने कहा था ये रन लेना चाहिए और रन पूरा किया बहुत पहले से मन बना लिए थे योगेश पिनकर करके हमको निकालना है आगे जाना है थोड़ा देर में शुरू करते तो काम तमाम हो जाता है यहाँ पर ये खासियत है इनके अंदर विकेटों के अंदर ये जो दौड़ते है ना रेस कोर्स जैसा आपको लगता है कि आप रेस कोर्स में बैठे हैं, वो नजर आप इससे पहले भी देख चुके हैं ग्रुप बी का आखिरी मुकाबला में कितना दौड़ते हैं, कितना भागते हैं के बीच, लेवल बढ़िया है इनका योगे स्पेन इस बार जी हाँ ये गेंद भी बाहर जाएगा छह रन के लिए कनेक्शन इस बार बहुत ही अच्छा और लॉग ऑफ उप के ऊपर से छ रन इस्तेमाल टाइमिंग भी उतना ही प्रॉपर था दबाव को किस तरह से हटाना है उन्हें मालूम है और उसी के लिए एक बड़ा स्ट्रोक था और वो खेला खुद कप्तान योगेश पेनकर ने बेहतरीन लाजवाब इस बार कवर पॉइंट की दिशा में और एक बेहतरीन स्ट्रोक ये भी गेंद जाएगी सीमा रे खा पार चारन। 哎呦。So आज के दिन का यह पहला मुकाबला जिस जिस मैच में दो बड़ी टीमें आपस में भिड़त दे रही है एक तरफ एमयूसी संबलपुर टॉस जीता टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया दुर्गापुर नाइट ऑरियर्स को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया शुरुआत अच्छी रही थी एक चौका जड़ा था एक छक्का आया था कृष्णा सातपुथे एजाज कुरेशी द्वारा उसके बाद थोड़ा सा दबाव यहाँ देखने मिला अंकुर ने विकेट हासिल किया प्रवीण ने दो विकेट हासिल किए और एक विकेट हासिल किया उसके बाद जो दबाव था दबाव हटाने का काम कप्तान योगेश पेनकर ने किया आखिरी दो गेंदों में एक सिक्सर और एक फोर भी यहाँ खेला और उसी के कारण चार ओवर के बाद बत्तीस रन बने थर्टी अभी भी चार ओवर आने से देखना होगा आने वाले चार ओवर में क्या होगा पारी को सवारने की कोशिश होगी उमर खान की योगेश पेनकर की और विकेट निकालने की कोशिश होगी गेंदबाज राजदीप चडेजा की और इसी के लिए गुजरात के इस गेंदबाज को आमंत्रित किया गया है पांचवें ओवर के लिए पहली गेंद लेने की कोशिश रन पूरा किया जरिए पहला रन चंद्रकांत जी कई बार ये जो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट है उनके बाद पसा बदलते हुए हम लोग देखा है इस टूर्नामेंट में क्या स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद यहाँ पर वापसी कर पाएंगे नाइट वॉरियर्स क्योंकि योगेश पेनकर पिछला दो तीन शॉट अब देख चुके हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ चुके हैं उनके अंदर तीन चार बड़ा शॉट आएगा तो निश्चित रूप में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस वापिस आएगा बैकफुट पर गए पॉइंट की दिशा में इस गेंद को खेला खिलाड़ी थोड़े से पीछे थे उसका फायदा उठाया एक रन लिया दूसरे की कोशिश उमर ने रोका एक रन पूरा किया रन एक रन से फिर स्कोर आगे चौतीस रन बने हैं चार विकेट का नुकसान पारी को सवारने की कोशिश इनिंग बिल्डअप करने की कोशिश यहाँ खुद कप्तान योगेश पेनकर की जिन्होंने पहले दोनों मैच में में इसी तरीके से बेहतरीन पारी उनके पारी खेली थी सिक्स थे उनके पारी में फोर्स थे और ज्यादा से ज्यादा सिंगल डबल्स थे आज उमर भी उनका साथ देने के लिए मैदान के ऊपर उमर खान ऑन स्ट्राइक जी हाँ फिर एक बार देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए प्रयास था पूरी तरह से चकमा दिया उमर खान को एक और बिंदी गेंद राजदीप जडेजा ये ओवर आपको देख कर संभाल कर खेलना होगा पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी रही थी हालांकि कृष्णा सातपूत इन्होंने एक छक्का जड़ा था उनके खिलाफ मगर कुछ गेंदें काफी अच्छी रही थी और यहाँ भी उसी तरीके की गेंदबाजी करते हुए राजदीप जडेजा उमर खान के खिलाफ ओ हो हो यहाँ भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ ये गेंद मुड़ी शरीर से जाके टकराई डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकता है मगर उमर खाने का ऐसा नाम है इस प्रेशर को हटाने की काबिलियत रखते हैं अब तक इस टूर्नामेंट में मिस्ट्री गेंदबाज के रूप में आप देख चुके हैं लुई को वो भी खास था और संकेत पाटिल को आप देख चुके हैं पवन के ने। राजदीप जडेजा इस बार सॉट ऑफ लेंथ घुमा के ले चका उमर खान ऑन फायर जिक्र किया था ये खिलाड़ी दबाव कैसे हटाना है जानते हैं नाम है उनका उमर खान मुंबई से लेकर दुबई तक का सफर तय किया है कि क्रिकेट के लिए मुंबई अंधेरी वर्सोवा से बिलोंग करते हैं और बड़ा हिट छक्का जड़ा है राजदीप के खिलाफ बल्ली का किनारा गेंद पीछे जाएगी रन लेने की कोशिश थी रोका खुद को बिंदी गेंद डॉट बॉल अच्छा कम बैक यहाँ पिछले ओवर में भी एक छक्का जड़ा था इस ओवर में भी एक छक्का जड़ा दो ओवर किए राजदीप ने मगर कोई विकेट नहीं मगर रन खर्च किए हैं सोलह पांच ओवर के बाद चार विकेट का नुकसान रन बने हैं चालीस मैच में एमयूसीसी यू संबलपुर और फैसला था पहले गेंदबाजी करने का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला सुपर सिक्स का लड़ाई संघर्ष चालू हो चुके हैं तीन मुकाबला आप देख पाएंगे आज चौथा दिन बिग बैस धमाका सीजन टू अगला जो मुकाबला होगा सी साथी फाउंडेशन पूर्व बर्धमान के साथ नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स और तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खास होगा वो बंगाल के लिए डार्बी है एंजेल कोलकाता और डीजे इलेवन एक तरफ नजर आएंगे जगत सरकार पलटन और दूसरी जंटी सरकार पलटन मजा आएगा हर एक मुकाबला उसी तरीके से है हर एक तहसील में, में खेला जाता है जिले में खेला जाता है हर एक गांव में खेला जाता है शायद ही गांव पूरे भारत में ऐसा कोई गांव हो जहां क्रिकेट का खेल नहीं खेला जाता और स्पेशली टेनिस क्रिकेट टेनिस क्रिकेट पूरे भारत में काफी मशहूर है और इन दिनों टेनिस क्रिकेट काफी बदल चुका है बड़े लेवल पे खेला जा रहा है कुछ दिन पहले ही आई जैसा टूर्नामेंट हुआ बिग बैस सीरीज के 11 टूर्नामेंट पिछले तीन साढ़े तीन सालों में हमने देखे है और बड़े बड़े टूर्नामेंट टेनिस राज नंदिनी ट्रॉफी हो सुप्रीमो हो स्वर्गीय रतन बॉड ट्रॉफी रत्नागिरी बहुत सारे टूर्नामेंट है बड़े बड़े टूर्नामेंट जिन्होंने इस टेनिस क्रिकेट को बहुत ऊँचाई पर लेके गए हैं अच्छी गेंद अलके हाथों से डकेला सामने की दिशा में एक रन पूरा किया दूसरे के लिए कॉल दिया है और दूसरा रन 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 पूरा किया दो स्कोर तो तस्वीर बदलते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रकांत जी धीरे धीरे चारों बार के बाद इसी का इसी का चर्चा हम लोग कर रहे थे कि वापसी एक बार नहीं कई बार होते हुए हम लोग देखा है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद ये जो तस्वीर ये थोड़ा सा रिलैक्स मोड देगा डागआउट को दुर्गापुर नाइट तो वॉरियर्स टेनिस क्रिकेट गांव गांव में खेले जाने वाला प्रीमियर लीग हो ग्रामीण क्रिकेट हो में, एक रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश थोड़ा सा और पिच करना चाहते थे और यहाँ भी दो रन पूरे किए इसी तरीके से खेलने के लिए जाने जाते योगेश पेनकर और इसी के लिए उन्हें कहा जाता है फाइटर जेट योगेश पेनकर बहुत खूबसूरत हो खेला टेनिस क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर भी कभी लोग बोलते हैं इनको इनका हाइट के अनुसार में ही पता चलता है कहा तक पहुंचाने की काम कर रहे इसलिए इनका नाम है योगेश पेनकर योगेश पेनकर बैटिंग के लिए सामने है प्रवीण शिकंडे फिर एक बार काफी खूबसूरत खेला एक रन पूरा करेंगे दूसरे के लिए कॉल दिया है और ओहो हो यहाँ फिर एक बार वापस भेजा उमर खान लगा यहाँ कुछ अलग हो सकता है रनआउट की संभावना हो सकती है रोका खुद को और योगेश को भी रोका अगर तीनों गेंदों पर स्ट्रोक थे जिस तरह से मार्ट है ये मैदान है उसी के तहत ये स्ट्रोक थे जी हाँ बिल्कुल और ये जो दौर जब आप उम्मीद कर रहे कि दूसरा रन हो सकता है नहीं रुकना चाहिए ये जो राय ये बहुत ही कम समय मिलता है आपको फिर एक बार प्रवीण सिकांडे और इस बार रिवर्स के लिए के प्रयास था पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद देखिए यहाँ पर जी नहीं नो गेंद की इशारा नो गेंद की इशारा आ चुके हैं यानी अगला जो गेंद होगा वो होगा फ्री हिट थोड़ा सा यहाँ पर गलतियां कर बैठे हैं प्रवीण सीकांडे और फ्री हिट का क्या भरपूर फायदा उठा पाएंगे उमर खान ने शायद यहाँ पर रिव्यू के लिए मांग किया गया फील्डिंग टीम एमयूसी संबलपुर के लिए ये रिव्यू चैलेंज किया है ऑनफील्ड जो फैसला वो था नो बॉल तो जी इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि ये बड़ा मैदान है अच्छा मैदान है विकेट भी काफी अच्छा है गेंदबाज को भी यहाँ कामयाबी मिली है जिन्होंने मिडल किए और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दूध का दूध पानी का पानी और दोनों टीमों ने अपना रिव्यू गवा दिया है प्रवीण प्रवीण सिकंडे कल की रात काफी बेहतरीन बैटिंग की थी और अब है फ्री हीट और खेलने के लिए तैयार है उमर खान टेनिस क्रिकेट का एक सिक्सर किंग के नाम से भी कहे जाते हैं उमर खान जिन्होंने एक छक्का भी जड़ा था और सामने रहेंगे प्रवीण 46 रन बने हैं जबकि इस पारी का छठा ओवर प्रगति पर है दुर्गापुर धमाका बिग बैस सीजन टू उमर खान के लिए अच्छी की और थ्रो और रन पूरा किया एक रन लिया दूसरे की कोशिश है कुछ भी हो सकता है जहां एक भी रन नहीं मिल सकता था जहां रन आउट की संभावना हो सकती थी वहां दो रन पूरे किए कॉमेडी कॉमेडी एरर्स भ्रांति बिलास इसको कह सकते हैं आप बांगला में वो पल देखे है यहां पर दर्शकों ने एक भी रन नहीं होना चाहिए था फिर भी दो रन योगेश पिनकर और उमर खान के बीच जो सोच बुझ उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन आ चुके थोड़ा सा नहीं बहुत ऑक्सीजन आ चुके हैं जी इस क्रिकेट में असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है हमने छे में एक नहीं होते भी देखा है और छे में छत्तीस होते हुए भी देखे ये क्रिकेट है और इसीलिए क्रिकेट को अनप्रेडिक्टेबल गेम कहा जाता है महान अनिश्चित का खेल प्रवीण फिर एक बार अच्छी गेंद जड़ में फिर एक बार गेंद की हल्के हाथों से मिड विकेट की दिशा में इसे ढकेला एक रन पूरा किया

सौ प्रतिशत आपको देना होगा प्रवीण सिका फिलहाल आखिरी गेंद इस बार का और सामने योगेश पेनकर फिर एक बार यह गलत शॉट हवा में गेंद स्ट्रेट टू द फील्डर विकेट नंबर पांच बड़ा झटका गहरा गेंद से बीस रन बनाकर डग आउट की ओर लौट रहे योगेश पेनकर ज्यादा थी अपर कट किया पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे मगर थर्ड मैन थर्ड थोड़, मैन थोड़े से वाइड थे और उसी के कारण आउट होकर वापस लौटेंगे मगर एक काम अच्छा किया है यहाँ विकेट को रोके रखा अपनी इनिंग को बिल्डअप किया और 20 रन की एक बेस्ट की पारी खेली है इस मैच में भी कप्तान योगेश पेनकर ने और जो 20 रन यहाँ पर बनाकर गए हैं योगेश पेनकर वो सिर्फ बीस रन नहीं खोया हुआ जो उम्मीद है टीम का वो उम्मीदों की सूरज पूरी तरह से जगाते हुए यहाँ पर वापसी कर रहे हैं और तालिया बाजार है डग आउट में समर्थकों ने टीम मैनेजमेंट थिंक टैंक, सभी ने खुश है एक सौ अट्ठासी सब्सक्राइबर्स फॉर सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स आप भी जुट जाइए कीजिए और बने रहिए हमारे साथ सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स में मगर सुपर सिक्स का ये मुकाबला बेहतरीन चल रहा है सोमरे एमयूसीसी संबलपुर ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया आमंत्रित किया दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स को और छह ओवर के बाद रन बने हैं उनचास पांच विकेट के नुकसान पर राजेश नायडू आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए गुजरात के खिलाड़ी है और मैदान के ऊपर उमर खान का साथ देने के लिए आ चुके हैं महाराष्ट्र कोल्हापुर के सिक्सर किंग नाम है नितिन माटुंगे बैटिंग के लिए राजेश नायडू भी एक काफी बेहतरीन गेंदबाज है गुजरात क्रिकेट का एक बड़ा सितारा गेंदबाजी का अगर अब यहाँ अच्छी गेंदबाजी करनी होगी एक बड़ा मैच है एक बड़ा प्राइज भी है पच्चीस लाख की इनामी राशि है विजेता के लिए नेहरू स्टेडियम दुर्गापुर वेस्ट बंगाल उमर खान स्ट्राइपर पहली गेंद ऑप्टन के ज्यादा बाहर की और अंपायर चेक करेंगे एक गेंद का हाथी यहाँ पर मामला भेजा गया और फैसला के लिए आपको प्रतीक्षा करना होगा बने रहना होगा हमारे साथ फिर एक बार आपको बता दू चैंपियन टीम के लिए पच्चीस लाख की इनामी राशि और साथ में बता हुआ वो ट्रॉफी आप देख पा रहे हैं हमारे मंच में रनऑर्ट्स टीम के लिए पंद्रह लाख की राशि और मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए फोर व्हीलर बेस्ट बैटर बेस्ट बोलर के लिए टू व्हीलर पिछला साल सीजन वन शहीद भगत सिंह स्टेडियम था वेनु दुर्गापुर बिग बैस धमाका और कौन टीम चैंपियन बने थे पहला सीजन पीरामीटर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा और रनर्स अप बने थे क्लब इंदिरा कोंटाई पिछले साल हिमां जिन्दा, हिमांशु जिंदा हिमांशु जिंदल ने बेस्ट बॉलर का किताब हासिल किया था कृष्णा सातपुते रहे थे बेस्ट बैटर जगत सरकार रहे थे मैन ऑफ द सीरीज फाइनल के मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया था अंकुर सिंह को बंटी पटेल रहे थे बेस्ट फील्डर पिछले साल के और आ, क्या नजारा था पिछले साल भी काफी मात्रा में दर्शक जुड़े हुए थे हमसे इस टूर्नामेंट के लिए और पिछले साल की तरह इस साल भी दुर्गापुर क्लब समन्वय और हेमंत जी बनियाल साहब ने एक बड़ी टूर्नामेंट आयोजित की है वेस्ट बंगाल में और दुर्गापुर में चंद्रकांत जी बिग और फैसला आ चुके हैं इट्स अ फेयर डिलीवरी बिग बैस का जो पहला सीजन था उसका जो अनुभव है आपके पास क्या सोच था थोड़ा सा बताएंगे हम सभी को वाइट बॉल नो के लिए पूछा था नो नहीं है मगर ये वाइड है और स्कोर एक रन रन से आगे रन बने हैं अभी भी गेंदे शेष और मैदान के अंदर नितिन माटुंगे और उमर खान बैक फुट पर गए पॉइंट की दिशा में इस गेंद को खेला रन लेने की कोशिश पूरा किया रन उमर खान और नितिन माटुंगे राजेश नायडू के खिलाफ बिग बैस को लेकर लो हम लोग चर्चा कर रहे थे चंद्रकांत जी जो पहला बिग बैस था इंडिया में तो आप जुड़े हुए थे बिग बैस पहला सीजन से अब तक ग्यारह सीजन गहरा के गहरा तो चार बार हैट्रिक होगा इसके बाद जो बारह माह संस्करण आएगा फिलहाल हल्के हाथों से सिर्फ दिशा दिया फिर एक बच्चे की सिंगल यहाँ पर तो पहला सीजन का क्या सोचता क्या अनुभव था थोड़ा सा शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ बिग बैस बिग बैश का पहला सीजन था जब कोरोना काल था और कोरोना काल के बाद पहला टूर्नामेंट कौन सा हुआ था सोमया ग्राउंड पर जहाँ दर्शकों को एंट्री नहीं था सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स थे फिर भी काफ़ी मात्रा में दर्शक अंदर आने के लिए कोशिश कर रहे थे मगर काफ़ी अच्छा रहा था इलेवन ओरियस ने पहला साल जीता था उछाल थोड़ी सी ज़्यादा थी वो करना चाहते थे हाउ इज दैट एक मांग है यहां पर पुकार है अपील हुआ है तो थोड़ा सा बातचीत कर रहे शायद दोनों लेकिन दोनों टीम तैयार हो जाइए अगला जो मुकाबला साथी फाउंडेशन और नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स सेकेंड क्वार्टर फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट बिग बेस धमाका सीजन टू ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय एंड मिस्टर हेमंत बनियल जी कुल मिला के ग्यारहवा सीजन है इस टूर्नामेंट का दुर्गापुर धमाका बिग बैश सीजन टू दुर्गापुर में स्टील सिटी के अंदर सातवा ओवर की खेल जारी फिलहाल 52 52 पे 5 गार्डन रन रेट 8.28 प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से 66 तक टीम पहुंच सकते हैं वो भी खराब स्कोर नहीं होगा टीम के लिए क्योंकि इससे पहले आप देख चुके हैं इस मैच में 68 रन में 65 रन में बहुत अच्छा लड़ाई होते हुए संघर्ष होते हुए खास करके ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला जब बड़ा रन बना नहीं पाए गेंदबाज को यहां पर जिम्मेदारी लेना होगा और लीजिए हाँ पर उमर खान को जाना होगा आउट, एक और महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट के भिवंडी तहसील के, के, के गोरसई गांव का सितारा जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की है मगर बैटिंग भी काफी अच्छी कर लेते हैं आज टीम को जरूरत है अंतिम नौ गेंदे आने वाले आप कितना यहाँ प्रिडिकाले नौ गेंदों में आसा यहां पर बता रहे थे कि जी हाँ बावन रन बने हैं और मैदान के अंदर पवन के ने उछाल ज्यादा थी पुल किया पवन ने और आते ही पहले गेंद पर वापस भेजा यहां राजेश नायडू ने और एक विकेट का पतन बैक टू बैक दो विकेट हासिल दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स जो मुश्किल स्थिति में था बीच में योगेश थोड़ा सा दिखा रहे थे उसके बाद विकेट आए उसके बाद दबाव उसके बाद एक अच्छी साझेदारी योगेश पेनकर और उमर खान की उसके बाद फिर विकेट और अब बैक टू बैक दो विकेट यहाँ हासिल कर चुके हैं राजेश नायडू और हैट्रिक के कगार पर आ चुके हैं राजेश राजेश नायडू मगर पूरे 11 के 11 बिग बैश में एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने एक ही ओवर में पांच विकेट हासिल किए थे दिल्ली जो बिग हुआ था उसमें बिलाल शेख जूनियर उन्होंने एक ही ओवर में पांच विकेट हासिल किए थे निश्चित रूप में इतिहास के पन्ने पर लिखा रहेगा बिग बैस के इतिहास में यहाँ पर फुटवाक का उतना खास इस्तेमाल नहीं जिग्नेश पैटेल पूरी तरह से चकमा दिया अचित मोहित की दस्तानों में गेंद एक और बिंदी गेंद यहाँ एक अच्छा छह ओवर के बाद अच्छा स्कोर बना था फिनिश अच्छा करना था मगर इस ओवर में राजेश नायडू ने जो गेंदबाजी की है सराहना करनी होगी मगर सामने है जिग्नेश पटेल ओहो, ओहो धीमी गति से लेन पर गेंद गेंद की को के हाथ में भेजा बैक टू बैक दो गेंदे यहां डॉट आई पहली गेंद वाइट रही थी उसके बाद दो रन आए और पूरे ओवर में सिर्फ तीन रन खर्च किए हैं राजेश नायडू ने और दो विकेट हासिल किए देखते देखते सात ओवर का खेल खत्म हो चुका है संबलपुर जी हाँ पे आइए टू फोर सेवन अफ दिन एक तरफ है दुर्गापुर एक तरफ है संबलपुर और संबलपुर के खिलाफ यहाँ दुर्गापुर की पारी थोड़ी सी लड़कड़ा गई है मगर एक और अभी भी शेष है नितिन माटुंगे ऐसे खिलाड़ी है बड़े बड़े हिट लगाना जानते हैं अपने टीम को बहुत बार उन्होंने संकट से बाहर निकाला है और आज नितिन माटुंगे और जिग्नेश को वो काम करना है सोमरित जी जी हाँ आखिरी ओवर आखिरी छह गेंद ऐसा लग रहा था कि प्रोजेक्ट स्कोर छियासठ या सतसठ तक पहुंच सकते हैं आप नहीं लग रहे कि यहां से छियासठ या सत्तर के आसपास टीम पहुंचेंगे फिलहाल 52 फॉर पे ओवर की समाप्ति को लाए हैं कप्तान ने आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी करेंगे सामने होंगे नितिन मतोंगे उतना खास टाइमिंग नहीं की दिशा में पहला रन तेजी के साथ क्या दूसरा के लिए निकल पड़ेंगे जी हाँ रनआउट की एक मौका फिर वापिस गए दोनों बल्लेबाज अपने अपने जगह पर फिर आना चाह रहा था क्या हो रहे यहां पर एक ही रन 53 थ्री तिरपन पे सात सोमरे जी यहां साठ पैसठ तो जरूरी है साठ पैंसठ में भी मैच बन सकता है और आने वाले कुछ गेंदों में बड़े हिट की जरूरत है तिरपन रन बने हैं 53 थ्री रन एक तरफ है जिग्नेश पटेल एक तरफ है नितिन माटूंगे अपनी टीम को जरूरत है यहां चौके की यहां छक्के की एक बड़ा हिट आना जरूरी है इस टीम के लिए सामने है गेंदबाजी के लिए फिर एक बार मंसूर जो केरला से बिलोंग करते हैं गेंदबाजी के लिए केरला के गेंदबाज सामने है जिग्नेश टीम की जरूरत है रन 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 हो, हो, हो और एक और एक और एक अच्छी गेंद और रन आउट के तौर पर और एक विकेट आ चुका है जिग्नेश पटेल आउट होकर पैविलियन की तौर पर विकेट 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 की अहमियत क्या होती है जी? के बाद बाद 49 मगर उसके बाद विकेट ब्रेक हुए, विकेट आना विकेट की दिशा में इस को नितिन ने खेला एक रन पूरा किया दूसरे की कोशिश है और दो रन पूरे किए नितिन माटुंगे और इस वक्त नितिन माटुंगे का स्ट्राइक पर होना बहुत जरूरी है जी वो स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए वो रन आउट जिग्नेश पैटेल सेक्रीफाइस किए हैं तो थोड़ा सा खुशी मिलेगा जिग्नेश पैटेल को यहाँ पर नितिन मतूंगे दो तीन शॉट खेलेंगे अच्छा शॉट थोड़ा सा रन लाएंगे फिलहाल चार रन बनाकर नबाद है नितिन मतूंगे और टीम का स्कोर अब पचपन पे आठ मंसूर दूर वाले छोड़ से अपनी बॉलिंग मार्ग पर अगला गेंद डालने के लिए फिलहाल पारी में तीन गेंद बचे हुए हैं इस सुबह में तीन रन अब तक एक सफलता मतूंगे इस बार ऑन साइड में खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद पहला रन थे जी के साथ क्या दूसरा रन मिलेगा रनआउट की रूप जी हाँ रनआउट की रूप में वापिस जाएंगे राजेश थे एक ही रन जोड़ा जाएगा स्कोरबोर्ड में यानी छप्पन पे नौ और आखिरी जोड़ी अब मैदान में 70 तक पहुंच सकते हैं टीम लेकिन वो उम्मीद अब रहा नहीं आखिरी जोड़ी अब मैदान में दो गेंद आपके पास शेष है इस ओवर में अब तक आप देखे तो लास्ट ओवर में सिर्फ चार गेंद से तीन रन दो सफलता छह ओवर के बाद 49 स्कोर था उसके बाद बढ़िया वापसी यहां पर एमयूसीसी संबलपुर द्वारा काफ़ी बढ़िया वापसी यह हो चुकी है नितिन माटुंगे अभी भी उम्मीदें कायम है क्योंकि ये नितिन माटुंगे बड़े बड़े हिट लगाना जानते हैं कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं और कोल्हापुर काफ़ी मशहूर है कुश्ती के लिए और कोल्हापुर से आया हुआ एक खिलाड़ी देखना होगा अच्छी गेंद मगर इस गेंद को काउ कॉर्नर की दिशा में खेला एक रन पूरा करेंगे दूसरे की भी कोशिश और दूसरा रन भी देखते देखते पूरा कर लिया है और ये स्कोर दो रन से आगे 58 रनों पर इस पारी का अंत किस तरह से होगा कितना टारगेट सेट होगा बताएगा बताएगी ये आखिरी गेंद 58 पर स्कोर नितिन माटूंगे और उन पर ही सभी की निगाह है इस वक्त है टीम को जरूरत है रन की यहाँ रन जरूरी है भले दो आए चार आए आए टीम के लिए रन चाहिए जी हाँ आखिरी गेंद पारी का मंसूर नीतिन मतों के दिशा में पहला रन तेजी के साथ दूसरा रन के लिए निकाल पड़े क्या कंप्लीट कर पाएंगे दूसरा रन जी हाँ तीसरा अंपायर के लिए फिर एक बार भेजा गया मामला क्या इन कर चुके थे क्या आउट है नॉट आउट है क्या दो रन आएगा या एक रन बने रही है हमारे साथ सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स में फिलहाल डिसीजन पेंडिंग फैसला आना बाकी आखिरी गेंद था पहला रन आसानी के साथ था दूसरा रन के लिए निकल पड़े क्या दो रन कंप्लीट हो चुके हैं यहां पर दो रन अगर कंप्लीट होगा तो साठ होगा स्कोर एक रन होगा तो साठ टारगेट होगा फिर साठ पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला सुपर सिक्स और आउट यानी एक ही रन जोड़ा जाएगा स्कोर बोर्ड में आप देख सकते हैं आप इसके स्क्रीन पे बल्लेबाज थोड़ा सा दूर रह गए फिफ्टी नाइन दस विकेट में। और रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए साठ में भी मैच बन सकता है शुरू से थोड़ा सा दबाव बढ़ाना होगा और कुछ विकेट अगर शुरू में आ जाते हैं पावर प्ले में तो दबाव बढ़ सकता है साठ पे भी मैच बन सकता है मगर उसके लिए आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और दूसरी ओर यहाँ एम संबलपुर टीम के लिए एक अच्छी बात रहेगी क्योंकि ये स्कोर जो टोटल है सत्तर के आगे नहीं गया है मगर यहाँ से उतना आसान भी नहीं है मैच मज़ा आएगा दूसरी इनिंग में दूसरी पारी में एक मैच जाएगा मगर पहले पारी पारी में जिस तरह से गेंदबाजी रही है उनकी सराहना करनी होगी उमर खान और योगेश पेनकर के बीच एक साझेदारी जरूर रही थी मगर उसके बाद सभी बल्लेबाजों ने निराश किया और उसी के कारण स्कोर 59 में रुका है साठ रन बनाने हैं यह है स्कोर कार्ड बैटिंग दुर्गापुर नाइट का एजाज कुरेसी पांच रन बनाए पांच गेंद से रन आउट के रूप में लौट गए थे थॉमस ड्रेस बहुत अच्छा थ्रो था कृष्णा सतपुते आठ रन बनाए रजत मुंडे खाता नहीं खोल पाए योगेश पेंकर का बीच में एक बहुत अच्छा पारी था अहम बीस रन इस मैच में गैर अगेन से महेश बहुत तीन रन बनाए उमर खान ग्यारह रन एक अच्छा साझेदारी था योगेश पेनकार के साथ नितिन मतुंग के रन बनाए पवन के खाता नहीं खोल पाए और जिग्नेश पटेल वो भी खाता नहीं खोल पाए एक्स्ट्रा अतिरिक्त रूप में चार रन और गेंदबाजी में था विकेट नहीं आया मगर सात ही रन खर्च किए प्रवीण शिकंडे इस मैच में भी विकेट लेने में कामयाब रहे दो विकेट हासिल किए सिर्फ बारह रन दिए और राजदीप जडेजा उन्हें विकेट नहीं मिला मगर रन सोलह ही खर्च किए और राजेश नायडू इस पारी के सबसे सफल गेंदबाज रहे एक ओवर दो विकेट सिर्फ तीन रन विकेट पहला विकेट गिरा था तेरह पर दूसरा चौदह तीसरा सोलह चौथा इक्कीस पांचवा 49 ये साझेदारी रही थी पांचवे विकेट के लिए उमर और युगेश पेनकर के बीच छठा विकेट 52 पर, बावन पर सातवा बावन तिरपन पर आठवा छप्पन पर नौवा और दसवां विकेट 59 पर हिटलर डब्ल्यू बी फोर जीरो ए जिनका भी गाड़ी है किया वो हटा लीजिए गाड़ी वहां से जो ड्राइवर साहब है डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी फोर जीरो ए पी ये गाड़ी जहां पर है ड्राइवर साहब आपसे अनुरोध है कि आप वहां से गाड़ी तुरंत हटा लीजिए तो जीत के लिए 48 गेंद से चाहिए 60 रन पीछा करेंगे एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा किस तरह से पीछा करेंगे पहला दो ओवर पावर प्ले में किस तरह से गेंदबाज ने गेंदबाजी करेंगे दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स वो सब कुछ आपको बताने के लिए दूसरा इनिंग्स में आपके साथ जुड़ेंगे द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर कमेंटेटर फ्रॉम मुंबई और आईपीएल में भी आप देख चुके हैं मराठी भाषा में कमेंट्री करते हुए हमारे सबके प्रिय मिस्टर कूनल दाते जी और साथ में होंगे हमारे बंगाल का शान ब्यूटीफुल अफाफुल उाउन फाउंडेशन बोथ कैप्टन आप लोग आ जाइए टॉस के लिए नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स एंड शिशी शाती फाउंडेशन द कैप्टन ऑफ नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स आकाश चिंदारिया और शिशी शाती फाउंडेशन ओमकार देसाई दोनों कप्तान से दरखास्त है कि आप लोग जल्द से जल्द टॉस के लिए पहुंचिए अगले मैच का टॉस इनिंग ब्रेक में ही होगा सो प्लीज हरिअप आकाश आकाश चिंदारिया और ओमकार देसाई दोनों कप्तान आप लोग जल्द से जल्द टॉस पे जुड़ी है वन मोर इंपॉर्टेंट मैच इन बिटवीन नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स एंड शिशिर साथी फाउंडेशन आकाश जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ ओमकार देसाई द कैप्टन ऑफ शिशिर साथी फाउंडेशन कीजिए शशि फाउंडेशन द कैप्टन सुमित झेकले सुमित प्लीज ज्वाइन अस आकाश इंदरिया है और सुमित भी ज्वाइन करेंगे ही कर ओके दुर्गापुर क्लब समन्वय प्रेजेंट्स दुर्गापुर बिग बैश धमाका टू के टू फोर आज सुपर सिक्स का मैच बेस्ट टीम से पहला मैच फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुका है और दूसरी इनिंग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले अगला मैच और एक हाई वोल्टेज मैच और एक बेहतरीन मैच दोनों ही कप्तान तैयार हैं एक तरफ है शाती फाउंडेशन के कप्तान यानी कि सुमित ढेकले तो दूसरी तरफ है आकाश चिंदारिया नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के कैप्टन और आप सभी को यह बताना चाहेंगे दूसरा दिन ग्रुप बी से ये दो टीम एक ही ग्रुप से क्वालिफाई किए थे और कल जब लॉटरी हुआ तो दोनों ही टीम फिर से एक बार अपने सामने हुए तो चलिए टॉस करते हैं किसका कॉल और कौन कॉइन को फ्लिप करेंगे ओके okay. सुमित विल फ्लिप द कॉइन एंड द कॉल इज फ्रॉम आकाश आकाश दुर्गापुर दुर्गापुर इज द कॉल एंड इट्स दुर्गापुर बिग बैस धमाका दैट मीन आकाश सिंगारिया है टॉस क्या होगा फैसला फील्डिंग करेंगे तो आठ ओवर का खेल आप दोनों ही एक ही ग्रुप से क्वालिफाई किए हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कोई खास प्लानिंग है आज इस मैच के लिए नहीं अच्छा क्रिकेट खेलेंगे सामने वाली भी अच्छी टीम है तो कम से कम में रन करने की तो ये करेंगे कम से। और पिछले दिन से कोई परिवर्तन टीम में कोई चेंजेस हाँ एक चेंजेस है नाजिम बाये

ऐसा कुछ प्लानिंग ही नहीं है लेकिन आ, क्योंकि ये मैं हमारे तीन चार प्लेयर ही है बाकी सब सबके कोलकाता के, कोल के प्लेयर से तो जैसे पहले दिन ही कहा था कि बहुत आ, मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क है पर कोशिश करूंगा कि उनको लेके और एक मैच अच्छा खेल के सेमीफाइनल तक तो चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द बोथ कैप्टन यहाँ से जुड़ेंगे हम लोग कॉमेंट्री बॉक्स पे जहा पे वेट कर रहे हैं मिस्टर आईपीएल सीधे आईपीएल से आज दुर्गापुर की कॉम बॉक्स पे है कुणाल सर और साथ में रहेंगे अफफुल अंसारी ओवर टू कॉम्बॉक्स थैंक यू सो मच सुमंतोदा एंड थैंक यू सो मच सबरेज जाना एंड चंदू शेट्टी वेलकम बैक आप सभी दर्शकों का स्वागत है दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग 2024 का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट आपके सामने जहां पर एक टारगेट सेट हो चुका है रन बनाने हैं 64 रन बनाने जीत के लिए साठ सिक्सटी और हमारा कॉमेंट्री बॉक्स सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स पर ये सीधा टेलीकास्ट आप देख रहे हो आपके स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर पहली गेंद यहाँ पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था पूरी तरह से चकमा दिया इस बार बल्लेबाज को गेंदबाज राजेश ने और मेरे साथ कॉमेंट बॉक्स में अब अफाफुल अंसारी वेलकम बैक आपका भी स्वागत है थैंक यू सो मच सर फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दूसरे पारे की शुरुआत हो चुकी है सर पहली बॉल से कोई रन नहीं नदीम स्ट्राइक पे जी हाँ पहली गेंद बिंदी गेंद थी ओ इस बार पीछे गई है विकेट कीपर के वहां पर कैच का कॉल किया था विकेट कीपर ने साथ सिंगल लेग बाय के तौर पर नदीम और उनके साथ ही खिलाड़ी थॉमस डायस मुंबई के तूफान के नाम से जाने जाते अफाफुल थॉमस डायस एक बड़े खिलाड़ी है रन चेज में हमेशा से अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन उनका अच्छा रहा है हालांकि आज के दिन का यह पहला मुकाबला सबसे बड़ा मैच क्वार्टर फाइनल और थॉमस का बल्ला अगर इस पूरी सीजन में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पिछले सीजन की तुलना में खामोश नजर आया लेकिन ये अच्छे खिलाड़ी है बड़े खिलाड़ी अफाफुल और खेलना जानते बड़ी टूर्नामेंट में जी बिल्कुल और देखिए साथ में नदीम धनोड़ी है ये राजस्थान से अगर इस टूर्नामेंट में देखिए दुर्गापुर धमा का बिग बैस में हर एक मैच में स्टार्ट दिया है लेकिन जो आप जिक्र कर रहे हैं थॉमस थो थोड़े से फीके रहे हैं तो इस मैच में उनका बल्ला बोलेगा ऐसा उम्मीद है टीम मैनेजमेंट का ओ अच्छी गेंद थी काफी तेज रखा था विक्टों के बीच में ड्राइव करते हुए सिंगल यहां पर जुड़ता हुआ खाते में बल्लेबाज नदीम धनोरी का खाता खुलता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर तीन हालांकि लक्ष्य बड़ा नहीं है लेकिन इसे यहां पर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी के तहत थोड़ा सा डिफिकल्ट किया जा सकता है बस पावर प्ले में विकेट्स लेने होंगे फ्लिक कर दिया पीछे ग्लांस करते हुए खेला है वहां पर खिलाड़ी ने रोका सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया थॉमस ड्राइस ने यह अच्छी बल्लेबाजी सूझबूझ भरी पारी यहां पर थोड़ा सा समय लेते हुए जी बिल्कुल जिसके हिसाब से टारगेट आप देख पा रहे हैं 60 रन चाहिए 8 ओवर में तो उसके हिसाब से ये बेहतर सोच कि शुरुआत में आप विकेट ना दें पार्टनरशिप बनाएं ताकि आने वाले जो बल्लेबाज उनको मौका मिले नदीम धनौरी अब स्ट्राइकिंग एंड पर ले कटर अच्छा डालते राजेश सोटे आम और रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल करते लेकिन इस बार उछाल कर खेल दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ वहां पर खिलाड़ी आते हुए लेकिन यहां पर कैश ड्रॉप गेंद लाइन के बाहर और यह लगता हुआ पहला चौका जिग्नेश पटेल थे वहां पर गलती हुई चारन एक मौका था फील्डर कौन थे जिग्नेश पटेल जो एक बेहतरीन फील्डर है उनसे गलती हुई और टप्पा के, के लिए है। आडरन, पहले ओवर का खेल समाप्त यहां पर और अच्छा स्ट्रोक था नदीम धनोरी के बल्ले से आड़े बल्ले से किया था खेला था लेग के ऊपर से लेकिन वहां पर गलती हुई जिग्नेश पटेल द्वारा और वही अब गेंदबाजी करेंगे जिग्नेश पटेल तो सर कितना मुश्किल होता है कि जब आप आखिरी बॉल पे कैच छूट जाए उसके बाद आपको बॉलिंग आना पड़े पहली गेंद पर आपको नजर आएगा अगर कॉन्फिडेंस के तहत पहली गेंद अगर यहाँ पर डिलीवर करते हैं जिग्नेश तो मैं कहूँगा एक ये बड़े बले बड़े खिलाड़ी की निशानी है और पहली गेंद हमेशा से अगर देखा जाए तो जिग्नेश

तीन गेंदों में तीन रन जरूर बनाए लेकिन कॉन्फिडेंस दिखता हुआ उनके बल्लेबाजी में इस बार आधे बल्ले से खेलने का प्रयास फुटवर्क बिल्कुल भी नहीं था अफाफुल जगह से खेलने का प्रयास था मिड विकेट के ऊपर से नदीम धनोड़ी अक्सर ये शॉट खेलते हैं और इनकी खासियत है कि हर तरफ खेलते हैं हालांकि इस बार शॉर्ट सेलेक्शन मिड विकेट था कामयाब हो नहीं पाए ये चले आगे रखा था इस बार कैश का कॉल है इस बार खिलाड़ी नीचे और यहां पर फिर से एक बार गलती दो बार आ गलती हुई है और लाइन के बाहर चार रन तो पिछले ओवर में जिग्नेश पटेल इस ओवर में उमर खान दो कैच छोड़े जहां आपके पास लो स्कोरिंग मैच हो अगर ऐसे कैच आप छोड़ेंगे तो शायद मुश्किल होगा बाकी गेंदबाजों के लिए मुश्किल तो होगा लेकिन इस बार आसान भी नहीं था पीछे भागकर उमर गए थे ये देखिए एक्शन रिप्ले। राउंड विकेट से एंगल बनाकर वाइड यॉर्कर का प्रयास सीधा खेला था इस बार मिड ऑफ दायरे के अंदर था उमर चारन बटोरे इस बार अच्छा स्ट्रोक इन साइड आउट कवर्स बाउंड्री लाइन को चीरती हुई गेंद जाती हुई वहां पर खिलाड़ी थे इस बार रोका गया एजाज कुरेशी द्वारा और तीन की तलाश थी यहां पर

आगे रखा था इस बार फुल टॉस और ये देखिए फिर से एक बार खराब फील्डिंग गेंद सीधी जाती हुई साइड स्क्रीन की तरफ और ये चौका दुर्गापुर धमाका बिग बैश शारन महेश महेश थे थे एक्स्ट्रा बाउंस बॉल अफसोस कर रहे थे। जैसे बॉल उनके सर के ऊपर से निकली बाउंड्री गई अब ये लक्ष्य आसान यहां पर नजर आता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम एम संबलपुर के लिए डीपी दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स के खिलाफ खेलते हुए इस बार स्विप करने का प्रयास विकेट कीपर पूरी तरह से नाराज क्योंकि उन्हें पता था इस ओवर में जो दो चौके बटोरे गलत फील्डिंग के तहत तो पहले बार से आठ रन दूसरे बार से बारह स्विप करने का प्रयास था जज नहीं कर पाया थोड़े से नाखुश है और चिंता साफ दिख रही है चेहरे पे क्योंकि लो स्कोरिंग टोटल आपके पास और ऐसी अगर बॉलिंग होगी शुरू में जहां विकेट ना मिले दो ओवर बीस आ जाए तो बाकी गेंदबाज क्या करेंगे अब यहां से चालीस रन बनाने जीत के लिए छह ओवरों में ये सब्सक्राइबर मीटर 7070 सेवेंटी स्पोर्ट्स छह लाख छसठ हजार दो सौ चौहत्तर दर्शक और ये सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेवेंटी स्पोर्ट्स पर अगर आप भी नए हो सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स पर तो आइए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को शेयर करना ना भूलिए सेवेंटी सेवनटी स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश ये भी टूर्नामेंट आ रहा है और ये शायद जून में होगा मई से इकतीस मई तक माफ कीजिए ट्वेंटी एट मई से लेकर इकतीस मई तक यह टूर्नामेंट होगा गुजरात में दस लाख इनामी राशि होगी चैंपियंस के लिए और रनर टीम को दिए जाएंगे पांच लाख रुपए गुजरात धमाका बिग बैश हेमंत जी बनियाल निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट स्पोर्ट्स प्रेजेंट गुजरात धमाका बिग बैश 28 मई से लेकर इकतीस मई तक तो पहले दो अफाफुल दो अगर देखा जाए तो खराब फील्डिंग हमें नजर आई और उसी के चलते थॉमस डायस के सात रन नदीम धनोरी के बल्ले से आए रन बारह दो का खेल समाप्त एम संबलपुर की यहां पर स्कोरबोर्ड पर नजर डाले तो रन बन चुके बीस पिछले पारी की अगर बात कीजिए आप योगेश पेनकर 20 बनाए थे उमर खान ने 11 लेकिन उन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज दाही अंक में पहुंच नहीं पाया जिसके कारण टीम पहुंची मात्र उनसठ पे ये देखिए देखिये मूलमंच क्या बेहतरीन दृश्य आपके सामने जो अतिथिगण आज पहुंचे हैं इस दिन मुकाबले के लिए एंजॉय कर रहे होंगे अपने पूरे जोश के साथ दर्शक भी है चारों ओवर राजेश सोरते हैं बॉलिंग के लिए तीसरा ओवर पहले दो ओवर से बीस कोई विकेट नहीं अभी तक तो अच्छी बल्लेबाजी अब तक चलती हुई राजेश व्यक्तिगत तौर पर उनका ये दूसरा ओवर लेकर एंड से आगे रखने का प्रयास हल्के बल्ले से खेल दिया इस बार एक की यहां पर मांग थी और उसे पूरा किया बल्लेबाज नदीम नदीम धनोरी धनोरी ने सेंसिबल क्रिकेट द्वारा दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं यहां से कुछ ज्यादा करना है नहीं नदीम हर मैच में टीम को स्टार्ट दिया जो सबसे खास लगी इस बैटिंग में टीम में खुश होंगे इनके बैटिंग परफॉर्मेंस से क्योंकि स्टार्ट बहुत जरूरी होता है हालांकि ओपनर की भूमिका वही होती है जब आप लिमिटेड ओवर क्रिकेट में खेलते हो स्टार्ट जरूरी होता है पावर प्ले में खासतौर पर और इस बार उल्टा बल्ला फेंक दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर थॉमस के बल्ले से दुर्गापुर धमाका बिग बैश सिक्सर की बात मैं कर रहा था अगर आपके बल्ले से बल्ले के बीचों बीच अगर गेंद लगती है सिंगल डबल आते तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस बार हल्के हाथ से खेल लिया था सिंगल तो ले जाएंगे दूसरे की तलाश होगी जी ही नहीं इस बार रोका नदीम धनोरी ने अच्छा डिसीजन मैं कहूंगा नदीम द्वारा बिल्कुल जहां आपके रन आ रहे हो तेजी से आपको कुछ अलग करना है नहीं रिस्क लेना है नहीं क्यों विकेट के लिए जोखिम दें आप 28 आ चुके हैं टारगेट 60 रन तो आधे रन लगभग बन चुके हैं और ये तीसरा ओवर ही जा रही है और यहां पर एक पार्टनरशिप पनपती हुई टीम के लिहाज से अगर देखा जाए नदीम धोनोरी के बल्ले से तेरह रन चौदह रनों पर थॉमस डायस दो सौ का स्ट्राइक रेट लगभग दोनों बल्लेबाजों का हालांकि नदीम अब थोड़ा सा पीछे चलते हुए थॉमस डायस दो सौ के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए चौदह रन बना चुके जबकि पारी का यह तीसरा ओवर थोड़े से महंगे राजेश सोटे उनके इस दूसरे ओवर में आठ रन अब तक जुड़ चुके थॉमस के बल्ले से एक छक्का दो सिंगल फारेंट से राजेश बल्लेबाजी के बीच में एक अच्छी सर जिस तरह से खेल रहे थॉमस पिछले मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आए थे लेकिन इस मैच में बहुत ही बेहतरीन पारी आठ बॉल से पंद्रह नदीम नौ बॉल से चौदह ओवर की आखिरी बॉल फिर से एक बार हल्के हाथों से महज गेंद को सहलाया पॉइंट की तरफ सिंगल के साथ रन बन चुके थर्टी वन, जीत के लिए रन बनाने यहां से उनतीस जी हाँ बिल्कुल और देखिए पहले बार से आठ रन दूसरे बर्ष से बारह तीसरे बर्ष से ग्यारह तो जो रिक्वायर्ड ज्यादा था उससे बेहतर अभी तक स्टार्ट तीस बॉल बचे उन्तीस जीतने के लिए ट्वेंटी बॉल्स पांच ओवर का खेल से ऐसे ये ग्राफ देखिए ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं आपको क्योंकि आगे चल रहे हैं एमयूसीसी संबलपुर जब तीसरा ओवर समाप्त हुआ था दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स के लिए तब 18 पे तीन थे ये रन वॉर्म ग्राफ यहां पर दिखाता हुआ और हालांकि जब बल्लेबाजी करने उतरी टीम एमयूसीसी संबलपुर तो 31 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर बना चुकी है टीम थॉमस डायस और उनके साथ ही खिलाड़ी नदीन धनोरी के बल्लेबाजी के तौर पर तो विकेट का फर्क देखिए मेरे ख्याल से इस मैच का जो रिजल्ट है वो होगा क्योंकि शुरुआती समय से ही विकेट गवाते गए हर अंतराल पे क्योंकि हमने देखा पिछले पारी में दो तीन ओवर के बाद अठारह रन तीन विकेट था और यहाँ देखिए तीन ओवर इकतीस को विकेट नहीं तो ये फर्क बहुत बड़ा होगा जी हाँ विकेट की तलाश यहां पर जारी टीम के लिए अब गेंदबाज अराफत लेफ्ट सीमर राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे इस बार नदीम धनोरी ने, बिल्कुल क्लियर है, तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी मुश्किल पड़ाव को पार कर ले दोनों क्योंकि जो पार प्ले कवर था वो अच्छा गया उनके लिए थॉमस और नदीम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कंडीशन क्या है पहले पारे में जिस तरह से विकेट गवाते गए दुर्गापुर नाइट वारियर्स, वो गलती यहाँ पे कर नहीं रहे थॉमस जब बल्लेबाजी रखा था।, था इस बार थॉमस ड्रायस को थॉमस डायस को ऐसे डिफेंस करते बहुत कम देखता हूँ मैं लेकिन यहाँ पे प्रयास था बल्ले का फेस खोलना चाहते थर्टमैन की और ये देखिए लेकिन कामयाब नहीं हो पाया बॉल से देख के हाथों में योगेश अगला पैर नहीं गया गेंद पर उसी के चलते इस बार गेंद में अच्छा उछाल भी नजर आया वहां से गेंद की लेफ्ट राउंड विकेट फुल टॉस इस बार आड़े बल्ले से लिया आड़े हाथ से लिया मैं कहूंगा मिड विकेट की तरफ खेला था वहां पर थे पवन के ने सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया बल्लेबाज थॉमस ने रन संख्या तैत आंकड़ों का खेल यहां पर नजर आता हुआ लेकिन विकटों का कॉलम वहां पर आपको जीरो नजर आता हुआ किसी भी टोटल को आप डिफेंड करते हैं अगर आप विकेट नहीं लेंगे तो मैच आपसे दूर चला जाएगा ये मुकाबला थोड़ा सा दूर जाता हुआ दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स के लिए अच्छी खेली टीम संबलपुर की ये अच्छी गेंद थी ये अच्छी गेंद थी वेल बोल कहा था विकेट कीपर योगेश पेनकर ने पेर नहीं चले इस बार नदीम शायद डबल माइंड में थे कहाँ खेलो विकेट या कवर देखिए मन बना रहे थे पहले फिर अंत में अपने आप को बदला तब तक बॉल निकल गई अफसोस कर रहे हैं जी वो एक्सप्रेशन यहां पर नजर आए अफसोस हुआ उनको कट करने का प्रयास था कवर और कवर पॉइंट के बीच में आगे रखा था इस बार इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर पर खेला सिंगल महज सिंगल नदीम धनोरी के बल्ले से ये सिंगल आता रन संख्या एक पारी को बिल्ड के, के लिए आप छोड़ दे रहे हैं कि चलो सिंगल है कोई बात, लेकिन एक एक रन की जो वैल्यू है वो समझ रहे हैं अभी भी एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर देते हुए बल्लेबाज नदीम और थॉमस ये फिर से एक बार उल्टा बल्ला भेज दिया इस गेंद को इट इज मैन बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर का इशारा अब बाउंड्री चेक होगी क्या रन hey, hey, मिलेंगे चौका आता हुआ दुर्गापुर धमाका बिग बैश चार और चार रनों के साथ रन संख्या अब बढ़ती हुई रन संख्या अड़तीस थर्टी एट विदाउट लॉस टीम एमयूसी संबलपुर चौबीस गेंदों में अब रन बनाने जीत के लिए बाईस और समय आ चुका अब फिनोट स्ट्रेटेजी का टाइम आउट का चार ओवर अड़तीस को विकेट नहीं क्या ये समय होगा जहाँ पे कमबैक की कुछ प्लानिंग कर पाएंगे दोनों टीम कम बैक खासतौर पर दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स करना चाहेंगे क्योंकि चौबीस बॉल शेष है और चाहिए जीतने के लिए और जो भी दर्शक आए आपके लिए अब मौका होगा जर्सी दिया जाएगा आप सभी को जी हाँ दर्शकों के लिए भी यहाँ पर अच्छे अच्छे गिफ्ट आपको दिए जाएंगे टी शर्ट के तौर पर और ये देखिए हमारे कमेटी मेंबर्स दुर्गापुर क्लब समन्वय की ओर से दर्शकों के लिए ये टी शर्ट यहाँ पर दिए जाएंगे हालांकि यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चलता हुआ अब शायद ढाई मिनट गेंदबाजों की पिटाई नहीं होगी वापसी किस तरह से करेंगे यही मीटिंग होगी दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स एक तो आपने पहले पारी में रन कम बनाया दूसरे पारी में शुरुआत अच्छा रहा नहीं और दर्शक देखिए चारों ओर बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत सारे दर्शक को मिलेंगे दुर्गापुर पुधमा बिग बैस का जर्सी ग्राउंड पहुंचिए नेहरू स्टेडियम जर्सी आपके लिए भी हो सकता है बस आपको आना होगा ग्राउंड और ये देखिए दर्शक खुश यहाँ पर नजर आते हुए जब उन्हें वो जर्सी मिलती है दुर्गापुर क्लब समन्वय की ओर से और वहां पर परवेज भाई तो ये प्यार है, एक मोहब्बत है क्योंकि सभी दर्शक वेट करते हैं पूरे साल कब होगा दुर्गापुर धमाका बिग बैस और ये वो समय है और कल आखिरी दिन सर तो ये कल तादाद और भी बढ़ेंगे भीड़ जी आ, कल भी तादाद बढ़ेगी इम्पैक्ट किया यहाँ पे एक खिलाड़ी को उमर खान को इम्पैक्ट किया निजाम अली दिल्ली का बेहतरीन गेंदबाज निजाम अली इम्पैक्ट के रूप में अंदर आए उमर खान बाहर गए क्या एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है ये मास्टर स्ट्रोक हो भी सकता है नहीं भी क्योंकि अब 24 गेंदों में 22 रन बनाने पार्टनरशिप बन चुकी है दोनों सेट बल्लेबाज अब ग्राउंड पर नजर आते हुए लेकिन थोड़ी सी देरी हुई शायद क्योंकि बल्लेबाजी तो हो चुकी थी उमर खान की शायद दूसरे ओवर में अगर रिप्लेस करते उमर खान या किसी और खिलाड़ी को तो शायद ये मास्टर स्ट्रोक में कहता कि जी हाँ ये मास्टर स्ट्रोक होता लेकिन अब तो बल्लेबाजी बिल्कुल आसान नजर आती हुई नदीम धनोरी और स्वीच इट दो लगा चुके बल्लेबाजी में थॉमस डायस एक छक्का तौर पर कवर्स के ऊपर से एक चौका लगाया मैन के ऊपर से तो अब जम चुके थॉमस डायस ग्यारह गेंदों में बीस रन सत्रह रनों की पारी के लिए नदीम धनोरी ने रन संख्या चार ओवर के समाप्ति के बाद बगैर किसी विकेट के नुकसान पर अड़तीस टीम एमयूसी संबलपुर और जो उम्मीद लगाए थे राजेश सोते और राजेश सोते जिग्नेश पटेल अराफत से कि विकेट लेंगे शुरुआत में वो प्लानिंग हुआ नहीं यहाँ पे अंपायर कर इस इम्पैक्ट प्लेयर का उमर खान बाहर गए अंदर आए निजाम अली चौबीस बॉल सेस बाईस जीतने के लिए थॉमस बहुत ही बेहतरीन लाइन में देखिए पहले दो मुकाबले अगर उनकी आप देखिए परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा लेकिन बड़े मंच में उन्होंने बेहतरीन स्टार्ट दिया टीम को लेकिन फील्डिंग करने वाली टीम एस टीम में अफाफुल इस टीम के विकेट कीपर देखिए ओवर तक वाले खिलाड़ी है झुंझारू खिलाड़ी है ठीक है तो पहले चार ओवर में रन बने अड़तीस अगले चार ओवर में रन डिफेंड कर रहे बाईस तो हम यहां से प्रयास करेंगे हालांकि इस ओवर में अगर एक दो विकेट ले लेते गेंदबाज तो फिर से एक बार दबाव बन सकता है बिल्कुल सहमत आपकी बातों से पहले बर से आठ रन दूसरे बर से बारह तीसरे बर से ग्यारह और पिछला बर मात्र सात रन तो कुछ हद तक वापसी किए बचिए अब चौबीस बॉल चाहिए बाईस जीतने के लिए एक तरफ नतीन धनोड़ी एक तरफ थॉमस ड्राइस बॉलिंग मार्ग पे तैयार जिग्नेश पटेल इस बार एंड बदला अपना पिछला ओवर बॉलिंग किए थे एंड से इस बार क्लब सेवन एंड से बॉलिंग करेंगे जिग्नेश पटेल ओवर की पहली बॉल पहली बॉल हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था सिंगल चाह रहे थे लेकिन कोई कनेक्शन नहीं कोई रन नहीं पहली बॉल से अच्छी गेंद थी इस बार जिग्नेश पटेल की हालांकि रोका इस बार पहली गेंद पर बल्लेबाज को हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था स्ट्राइक पर लाने का प्रयास था थॉमस डाइस को क्योंकि एक छक्का लगा चुके थॉमस डाइस अगली बॉल स्वीप करने का प्रयास और यहां क्या कुछ अलग हो सकता है क्योंकि कीपर ने अपील की है काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे स्पिन कर क्या यह खतरा हो सकता है तीसरा पार शायद चेक करना चाहेंगे मुझे तो लगता है खतरा हो चुका है नदीम धनोरी अब डगआउट की ओर चलते हुए नजर आ रहे काम तमाम तो शायद बॉल देखने नहीं थी वो बाहर निकल बैठे थे और कीपर ने अपना काम किया ओ यू आउट जाएंगे नदीम धनोडी विकेट नंबर वन वो तो चल पड़े थे बस यहाँ पर सेवनटी सेवेंटी स्पोर्ट्स को दिखाना था लेकिन बेहतरीन कैमरा वर्क था स्लो मूव में यहाँ पर

तो एक प्लान हो सकता है और हालांकि ये प्लान काफी हद तक नजर भी आया सफल भी होता है सुनील चावरी अब फेस करेंगे जिग्नेश पटेल को फार एंड से जिग्नेश पटेल लेफ्ट आर्म सीमर का यहां पर इस्तेमाल होता हुआ लेकिन यहां पर एक ब्रेक जरूर लगेगा पारी पर एम यू संबलपुर फिर से एक बार शुरुआत करनी होगी पार्टनरशिप को बिल्ड करना होगा डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट दुर्गापुर क्लब समन्वय प्रस्तुत दुर्गापुर बिग बिग बैश बैश धमाका 2024 29 मार से लेकर 4 अप्रैल तक टूर्नामेंट यहां पर खेला जा रहा फाइनल, फाइनल। है पहुंचेंगे दो की मांग ये बेहतर कि आप सिंगल को दो में कन्वर्ट करते रहिए अगर बड़े शॉट ना आए तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 40 दूर रखा था इस बार विट थी रूम था बराबर अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेला था वहां से दो रन बटोरे बल्लेबाज सुनील ने हमारे दर्शक लुफ्त ऑफ लेंथ फिर से एक बार करने का प्रयास। की और पीछे मौजूद है आसानी से एक रन मिलेंगे विकेट की तलाश में थे जिग्नेश पटेल हालांकि एक विकेट मिला इस में, नदीम का वो विकेट था उसके बाद कुछ हद तक फिर से कम कर रहे थॉमस और सुनील लेदर क्रिकेट अच्छा खेलते कट खेलना खेलना जानते जानते मेरिट पर क्रिकेट सुनील चावरी दो गेंदों में तीन रन बना चुके रन इकतालीस लॉस ऑफ वन विकेट थॉमस का बल्ला इस मुकाबले में बोलता हुआ ग्यारह गेंदों में बीस रन बना चुके थॉमस डायस ये देखिए बॉल में कुछ देर के लिए सामने जिग्नेश पटेल मौजूद लेकिन आगे बॉल गिरी योगेश अफसोस कर रहे हैं क्योंकि जो आप कह रहे थे कम करने का मौका है अभी भी और गेम को छोड़ेंगे नहीं अच्छा जर्सी देते, देते हुए सामने ड्राइव करने का प्रयास फील्डर कोई कवर से बगल में खेलने का प्रयास था मिड ऑफ फील्डर पहुंचे एक ही सिंगल आसानी से लेके जाएंगे टीम का स्कोर जा पहुंचा अभी तक बयालीस पांच का खेल हुआ समाप्त अब बॉल जीतने के लिए रन रन मैच मैच अभी भी बाकी है गेम जी हाँ, गेम ऑन 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 जी इज़ गेंदे अथारा रन। इतने आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे योगेश पिनकर, उमर खान और उनकी पूरी टीम थॉमस रायस के बल्ले से अगर एक भी बड़ा हिट आता है तो ये मुकाबला आसान होगा इस टीम के लिए हमारा सब्सक्राइबर मीटर आप अभी भी नए हो सेवेंटी सेवेंटी पर तो आइए सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए को हिट करना ना भूलिए क्योंकि एक और बड़ा टूर्नामेंट आपके सामने आएगा मई महीने में गुजरात धमाका बिग बैश पिछले वर्ष आए मात्र चार रन और उससे पहले सात रन तो दो ओवर का जो खेल रहा पिछले दो ओवर में तो कुछ हद तक गेम में वापस आए दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स बॉलिंग में परिवर्तन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अंदर आए थे निजाम अली उनको अब गेंदबाजी करने के लिए। उबर, अथारा अथारा के लिए लिए छठा ओवर बॉल जीतने यह अच्छा मूव मैं कहूंगा कप्तान द्वारा इंपैक्ट प्लेयर के हाथ में अब गेंद को थमा दिया है और यहां से अगर इंपैक्ट प्लेयर एक दो विकेट यहां पर प्राप्त करते तो मैं कहूंगा इस मुकाबले में जरूर फिर कुछ एक ट्विस्ट हमें नजर आएगा निजाम अली बॉलिंग करेंगे दिल्ली से आते हैं निजाम अली काफी सालों से खेल रहे बंगाल में लगातार खेलते रहते हैं इस मिट्टी को समझते हैं लेकिन यहाँ स्थिति कुछ अलग है क्योंकि अठारह में चाहिए अठारह करना होगा दर्शक देखिए खुश है दर्शक जैसे उनको ये टी शर्ट ये जर्सी मिली ओवर की पहली बॉल स्लैश करने का प्रयास पॉइंट की ओर फील्डर मौजूद राजेश सिंगल आसानी से देखिए सर सिंगल रुक नहीं रहा है ये खुद सी आपको सोचने होंगे विचार करने होंगे कैसे आप रनों पे अंकुश लगाएं तभी विकेट का मौका मिलेगा आपको सोच को बदलो दुनिया बदलती है यहाँ पर यही सोच होगी अब गेंदबाज को सामने बुलाया कप्तान विकेटकीपर योगेश स्पिनर उनके पास गए शायद कहना चाह रहे कि थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट में आपको कुछ तब्दीली चाहिए यह बातचीत हुई उसके बाद थोड़ा सा एक अलग रवैया यहां पर अपनाना होगा विकेट कीपर योगेश पेनकर को और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट यहाँ पर होना जरूरी होगा एक दो स्लीप पॉइंट गली के बीच में एक खिलाड़ी तब जाकर ये सिंगल्स रुकेंगे जी बिल्कुल सहमत हूँ और देखिए शॉर्ट कवर बुला लिया गया है ताकि सिंगल सेव करें अगर ड्राइव करें तो कैच का मौका बने ये बेहतर मूव निजाम भी सहमत है और योगेश से लगातार बात कर रहे हैं कि एक और फील्डर को ले लीजिए शॉर्ट मिड विकेट में शॉर्ट फाइनलिक को निकाल कर बुला लिया गया है शॉर्ट मिड विकेट में

चलो मिल गए इनको ये टी-शर्ट दुर्गापुर क्लब समन्वय की ये 7070 -70, स्पोर्ट्स धमाका प्रस्तुत दुर्गापुर धमाका बिग बैश का ये दूसरा संस्करण और खुश है हमारे ये दर्शक तो ये वाइड गेंद फिर से एक बार कट करने का प्रयास था बेहतरीन वापसी पहली बॉल सिंगल उसके बाद वाइड फिर डॉट बॉल तो अच्छा कमबैक मैं कहूंगा गेंदबाज द्वारा ये देखिए थम्स अप दिखाते हुए थैंक यू सो मच यहाँ पर जरूर कहा होगा इन दर्शकों ने पार्टनरशिप छह रनों की रन संख्या चवालीस रन बनाने जीत के लिए सोलह एक वाइट बॉल इस ओवर में एक सिंगल एक डॉट बॉल प्रेशर यहाँ पर जरूर बना एक विकेट का नदीम के आउट होने के बाद टीम थोड़ी सी मुश्किल में दिख रहे इस बार रिवर्स के जानबूझ कर पीछे कोई फील्डर है नहीं तेज खिला शॉट ये निकल जाएगी बार मिलेगा बाउंड्री सुनील चावरी

हल्के हाथों से खेला सिंगल और सिंगल के साथ दौड़ पड़े दूसरे की तलाश में रन संख्या पचास बल्लेबाजी हुई झकास फुल टॉस बॉल यॉर्कर का प्रयास था लीजिए बल्लेबाज चूके साथ में कीपर भी चूके रन आ जाएंगे पीछे भागे फील्डर आउटफील्ड का फिर तेज निकल जाएगी बाहर वाइड साथ में चार यानी पांच रन वाइड के रूप में

बचा कुछ नहीं है जीत के लिए संबलपुर के लिए अगर वो बना लिए तो कहानी खत्म, ये टीम सीधा क्वालिफाई करेगी सुपर थ्री के लिए थॉमस विनिंग शॉट क्या लगाएंगे बर में प्रयास तो किया जी नहीं फंस गए जाल में अच्छा क्या राजेश चेहरे पे मुस्कान वापस जाएंगे थॉमस विकेट नंबर टू कर्स कहा जाता है इसे अफाफुल अभी अभी कह रहे थे कि थॉमस क्या उनके स्टाइल में फिनिश करेंगे लेकिन अब चल बस सीधे डग की ओर थॉमस डायस लेकिन अच्छी पारी खेली थॉमस डायस ने हालांकि एक सेंसिबल पारी थॉमस डायस के बल्ले से दो बड़े स्ट्रोक आए स्विच इट के तौर पर एक छक्का उन्होंने लगाया कवर्स के ऊपर से थर्ड मैन पर चौका लगाया बाईस रन बनाए अपनी टीम के लिए टीम एम यू रन बन चुके छप्पन अब जीत के लिए रन बनाने चार नए बल्लेबाज बंटी पटेल तो पिछले रन उससे पहले दो ओवर खेल को कुछ हद तक काबू में किया गया था सात रन और चार रन लेकिन पिछला चारिवर चौदह छप्पन बारह बॉल जीतने के लिए चाहिए मात्र चार रन बॉलिंग मार्ग पे आराफत आए बैटिंग के लिए बंटी पटेल नॉन सेकेंड पेक पे, पे सुनील चावरी बारह बॉल चार जीतने के लिए ओवर की पहली बॉल सामने सुनील शॉर्ट ऑफ लेंथ कट करने का प्रयास था ठीक से बल्ले पे आई नहीं बॉल पहली बॉल से कोई रन नहीं अब एक ग्यारह बॉल से चाहिए जीतने के लिए चार रन कुणाल सर बता दूं एक मैच ऐसा भी रहा था यहाँ पे आखिरी छह बॉल में चाहिए था छह रन गेंदबाज थे फिरोज से उन्होंने डिफेंड किया था तो यहां से ग्यारह में चार क्या पॉसिबल है अभी भी, भी? उम्मीद पे दुनिया कायम स्लोवर बॉल लेंथ थोड़ा पीछे रखा था पड़ने के बाद उछाल अंपायर की ओर देख रहे हैं दो लगातार डॉट बॉल देखिए राफत का एक उछाल यहाँ पर प्राप्त वो हमेशा से करते लेकिन इस बार छुप कर खेलने का प्रयास था सुनील चावरी द्वारा और अच्छी गेंदबाजी गेंद अब चार ओवर की अगली बॉल तो क्या मैच को क्लोज लेके जा पाएंगे दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स इस बार देखिए दिशा से भट के मुफ्त में एक रन मार जाएंगे तेज करने का प्रयास था इस बार यहां से दिशा से बटके लेक्सम के बाहर इस गेंद को डिलीवर किया तेज रखने का प्रयास था और पूरी तरह से गलत गेंद का इस्तेमाल किया इस बार गेंदबाज ने ये देखिए तेज रखने का प्रयास आम बॉल का प्रयास था और ये वाइड के तहत रन संख्या अब सत्तावन जीत के लिए तीन रन बनाने जीत के लिए टीम एम संबलपुर को जो उसमें होश को बैठे अरफात नेक्स्ट बॉल कट खेला कर, गली की ओर सिंगल जरूर भागना चाहेंगे काफी तेज थ्रो लेकिन आसानी से मुकम्मल करते हुए बंटी और सुनील अब पुश करो खुश रहो बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए उन्हें पता है ये मुकाबला उनके आज रात में वायरल होंगे टेंगे, 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 वो गाने पर भी। तो से से बॉल बॉल हवा में इस सिंगल सिंगल पे ध्यान दे रहे हैं। बंटी और सुनील स्कोर स्कोर आठ जी हाँ आसान रहा यह मुकाबला टीम एमयूसी संबलपुर के लिए गेंदबाजी अच्छी रही बल्लेबाजी थॉमस डायस नदीम धनोरी ने अच्छा स्टार्ट दिया और अब फिनिशिंग टच यहां पर देते नजर आएंगे सुनील चावरी यह हमारी पूरी दुर्गापुर क्लब समन्वय की टीम हर दर्शक के पास जाकर उन्हें टी शर्ट यहाँ पर बांटते हुए शॉर्ट ऑफ लेंथ ले से खेला विनिंग शॉट सिंगल के साथ मैच को पूरा किया बंटी पटेल और सुनील चावरी आठ विकेट से मैं ये मैच जीता एमयूसीसी संबलपुर और क्वालिफाई किए सुपर थ्री में कॉन्ग्रेचुलेशन एमयूसीसी संबलपुर बिल्कुल आसान ये मैच था एमयूसीसी संबलपुर के लिए दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स के खिलाफ खेलते हुए पुर, नाइट वारियर्स पहले बैटिंग किए पूरी टीम ऑल आउट हुई बनाए थे 20 रन छह बॉल से आठ बॉलिंग कार्ड राजेश नायडू कमाल की बॉलिंग एक ओवर बॉलिंग किए तीन रन देकर दो विकेट परवीन दो बारह रन दो विकेट अंकुर सिंह दो बीस रन देकर दो विकेट मंसूर एक

और मैन ऑफ द मैच पिछले मैच के रहे अंकुर सिंह कैप्टन ऑफ एम एम सी सी संबलपुर अंकुर सिंह पिछले मैच के हीरो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे सर आप मंच पे चले आइए मैन ऑफ द मैच का इनाम आपके हाथों में दिया जाएगा सो so, प्लीज अंकुर सिंह आप मूल मंच पे चले आइए ग्राउंड को खाली कर दीजिए अगला मैच शुरू होगा तो ग्राउंड को खाली कर दीजिए प्लीज ग्राउंड को खाली कीजिए प्लीज तो पहला सुपर सिक्स का मैच यहां पे खत्म हुआ है पहले सुपर सिक्स के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे अंकुर सिंह तो अंकुर को बुलाना चाहेंगे मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी है और साथ में दो रुपए का इनाम आपके हाथ में दिया जाएगा और हम लोगों के बीच मौजूद है दुर्गापुर क्लब समन्वय के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री संदीप दे सर तो उनसे गुजारिश है कि सर आप आ जाइए और आपके शुभ हाथों से ट्रॉफी और साथ में इक्कीस रुपए का जो इनाम है वो अंकुर के हाथ में दिया जाएगा দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ে যাদের পরিচালনায় এই টুর্নামেন্ট এগিয়ে চলেছে তাদের সম্মানীয় সভাপতি শ্রী সন্দীপ দে পুরস্কারটা তুলে দিলেন এখান থেকে আমরা পরবর্তী ম্যাচের দিকে এগিয়ে যাব পরবর্তী ম্যাচ টস হয়ে গেছে মাঠটা খালি করতে হবে গ্রাউন্ড কোথা ক্লিয়ার কর দিয়ে তাকি নেক্সট ম্যাচ হমলক শুরু করসাকে গ্রাউন্ড কোথা খালি করে দিজিয়ে তাকি নেক্সট ম্যাচ হমলক শুরু প্লিজ প্লিজ hello, hello. सुपर सिक्स की दूसरा मुकाबला, एक तरफ होंगे नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स और दूसरी तरफ होंगे शिशी साथी फाउंडेशन इससे पहले टॉस हो चुकी है और टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय रहा सुमित ठेकले शि साथी फाउंडेशन उनको पहले आमंत्रित किया गया बैटिंग करने के लिए तो नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स पहले फील्डिंग करेंगे अगर दोनों टीम की ऊपर एक बार नजर डाले नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स आकाश चिंदारिया द कैप्टन ऑफ द टीम केतन मात्रे हैं प्रथमेश मात्रे हैं अमित नायक लोकेश चौहान करण अंबाला राकेश कहार रवि बनारस नाजिम गुल्ली ये नाम आज स्पेशली ऐड हुआ है ये इस टूर्नामेंट में और किस तरह से परफॉर्म करेंगे वो भी देखना है बहुत सारे दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत सारे सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और साथ में रहेंगे धीरज सिंह शिवम कुमार और दूसरी टीम को अगर देखिएगा शिशी शाती फाउंडेशन शिशु साथी फाउंडेशन में बैटिंग के लिए आपके पास एक जबरदस्त ऑप्शन है वो है सुमित ढेकड़े जिन्हें बाहुबली कहा जाता है उनके साथ प्रथमेश ठाकरे जिन्होंने पहले दिन लगातार दो मैन ऑफ द मैच लिए विश्वनाथ जाधव हरफन मौला खिलाड़ी है और अच्छे ऑलराउंडर है ओमकार देसाई टेनिस क्रिकेट विश्व का और एक बड़ा नाम हर्षु आशीष मेहरोल एक अच्छे ऑलराउंडर है उसके साथ राज पासवान एक और एक बड़ा नाम है जो वेस्ट बंगाल क्रिकेट का है नवनीत भी इस टीम में अरशु खान इन्होंने भी काफी अच्छा खेला है रोहित सिंह ने भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला है और हुन हलदार इन्होंने भी जबरदस्त क्रिकेट खेला है इस मैच में और इसी के कारण ये मैच जबरदस्त हो होगा और सकलिन भी इस टीम में तो दोनों टीमें बराबर है मैं तो क्या सुमन तो मैं कहना चाहूँगा एक तरफ़ आकाश चिंदारिया एक तरफ, चिंदा तरफ सुमित ढेकले दोनों अच्छे कप्तान भी है ऑल इंडिया लेवल का क्रिकेट दोनों ने अच्छे लेवल का खेला है बतौर कप्तान भी खुद को साबित किया है मगर आज टेनिस क्रिकेट विश्व की एक ऐसी टूर्नामेंट अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि पच्चीस लाख तो सभी के नजरें जमी हुई है यहाँ दुर्गापुर पर वेस्ट बंगाल पर स्टील सिटी पर और इस सुपर सिक्स के मैच पर एक तरफ है नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स दूसरी तरफ है फाउंडेशन एक टीम ने लगातार दो मैच जीतकर अपनी जगह पक्की की थी सुपर सिक्स के लिए एक टीम पहली मैच आ रही थी उसके बाद क्या जबरदस्त कम किया था लगातार था। लगा एक टीम में लगातार दो मैन ऑफ द मैच लिए थे करण अम्बाले ने और एक टीम में मैन ऑफ द मैच लगातार लिए थे प्रथमेश ठाकरे ने और दो बैलेंस टीमों के बीच एक बड़ा मुकाबला आ रहा है आपके सामने

अच्छा दोनों टीम से एक एक करके ट्वेल्थ मैन आ जाइए पहला ओवर का खेला शुरू होने वाला है राकेश कहर को पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है इससे पहले तीन मैच खेले हैं और छह विकेट उनके नाम है दूसरी तरफ राज पासवान और उनके साथ उनके साथ खोकर हा, हालदार आए हैं बैटिंग करने के लिए तो लेट्स प्ले इज द सिग्नल फ्रॉम द ऑनफील्ड अंपायर्स। राज पासवान स्ट्राइक पे होंगे और नॉन स्ट्राइक पे होंगे खोकन हालदार दोनों ही टीम काफी उम्मीद लेखे ग्राउंड पे पहुंचे हैं कि आज ये मैच जीतना है और कोई दूसरा मौका है नहीं यहां पे आपके पास ये मैच आपको जीतना पड़ेगा डू और डाई वाला कंडीशन है पहला गेंद सामने रखे हल्का हाथों से खेले राज पासवान पहले गेंद से सिंगल रन और लीजिए स्कोर बोर्ड चालू अच्छी शुरुआत की है गेंदबाज ने भी और बैटर ने भी क्योंकि अच्छी लेंथ पर गेंद की और हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला इस गेंद को और एक रन पूरा किया और इस मैच में काफी अहम भूमिका होगी गेंदबाज की बैटर की भी क्योंकि छह आठ ओवर के मुकाबले में आपको सत्तर अस्सी तो करने होंगे जी बिल्कुल और नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स उनके पास अगर आप बॉलिंग ऑप्शन देखिए शिवम कंबोज है धीरज सिंह है नाजिम गुल्ली है राकेश कहा शुरू किए हैं तो एक लंबा बॉलिंग लाइनअप है बढ़िया बॉलिंग क्या बेहतरीन बॉलिंग बिल्कुल फिफ्थ स्टंप को पकड़ के वहां पे गेंद को विकेट कीपर के हाथ तक निकाले पिछले गेंद से थोड़ा सा पीछे रह था लेन पर आए थे इस बार राकेश कहार राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहा थोड़ा सा बाहर की तरफ काटा स्विंग किया डॉट बॉल इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे फिल्टर बैकवर्ड पॉइंट पे धीरज सिंह है एक ही रन मिलने वाला है हालांकि खोकन दूसरे रन की डिमांड कर रहे थे नॉन स्ट्राइक एंड पे पहुंच के लेकिन राज को पता था यहां से दूसरा रन मिलने वाला है नहीं रन बढ़ती हुई दो रन पहला ओवर का खेल प्रगति पे शुरू में थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके कॉन्फिडेंस अर्जित करना चाहते हैं दोनों बैटर और जैसे मौका मिलेगा पावर प्ले है आपको कुछ स्ट्रोक भी खेलने होते हैं डायरेक्ट के ऊपर से भी खेलना होता है मगर यहाँ थोड़ी सी संभल कर खेलना शुरू किया है दोनों बैटर ने राज पासवान और कोकन हलदार दोनों के पास क्षमता है राज पासवान नॉर्मली बड़ा स्ट्रोक खेलना पसंद करते हैं लेकिन थोड़ा सूझबूझ भरी क्रिकेट यहाँ पे खेल रहे हैं देखिए अब जब ग्राउंड पे पहली बार के लिए जहाँ तो हर गेंद पर आप बड़ा हिट लगाना चाहेंगे उठा कर खेलेंगे यहाँ आपको सब स्ट्रोक खेलना जरूरी है और एक देखिए क्या गेंद की है यहाँ बिल्कुल जड़ में मौका ही नहीं था रन लेने का नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाए हैं सभी अभी तक अच्छी किए हैं। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश पुल करना चाहते थे लेकिन जो हाइट उसके लिए जरूरत थी वो मिला नहीं और फील्डर थे करण अंबाला मेकअप कर लिए हैं। एक ही रन थोड़ा सा हाथ खोलने की कोशिश भी जिस तरह से आपने कहा कि आ... यहाँ कोशिश तो जरूर थी पुल करने की जो हाइट नहीं थी गेंद की और उसी के कारण उतना हाइट नहीं ले सकी गेंद मगर वहाँ जिस तरह से फील्डिंग की है करण अंबाला ने काफी जो चुस्तीले खिलाड़ी है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों काफी अच्छा कर लेते हैं और जैसे गेंद जा रही थी चौके की ओर मगर उसे रोका एक ही रन दिया इस बार थोड़ा आगे रखे आगे निकल के खेलना चाहते थे खोकन स्ट्राइक पे आए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे थोड़ा सा बाहर निकल कर खेलने की कोशिश थी जैसे देखा बाहर निकल कर खेल रहे हैं गेंद को थोड़ा सा पीछे लिया गति को थोड़ा सा कम किया और उसी के कारण रन नहीं मिला अच्छी गेंद माइंड से खेले बैटर के इस वक्त गेंदबाज राकेश कर और काफी अच्छी गेंदबाजी रही इस ओवर में रन बने हैं सिर्फ तीन रन बिना कोई विकेट खोए को तीन रन थोड़ा सा प्रेशर किया, दबाव क्रिएट किया है नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स ने पहले ओवर में जी बिल्कुल जहाँ पे आप सुपर सिक्स का मैच खेल रहे हैं इंपॉर्टेंट मैच है आपको जीतना ही है ऐसा कंडीशन है उस जगह से आप पहले ओवर से मात्र तीन रन देते हैं तो आपके लिए एक बड़ा स्टार्ट है दूसरी तरफ बैटर्स भी सोचेंगे अब रन किस जगह से लाया जाए क्योंकि पहला दो ओवर दो है वो मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर है तो वो दो ओवर से आपको रन निकालना है पहला ओवर तो फिलहाल खत्म हो चुका है अब दूसरे ओवर की खेल शुरू होगा तो ये छह गेंद यहाँ से कुछ रिस्क लेंगे कुछ बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहेंगे सवाल रहेगा और दूसरे ओवर जो बोल रहे थे हम लोग कि चेंज किया गया है इस मैच के लिए स्पेशली नाजिम गुल्ली को ऐड किया गया है बहुत ही फेमस है अपने कटर्स के लिए और बड़ा ग्राउंड है तो इस कंडीशन के लिए आई थिंक बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी है बहुत बेस्ट सिलेक्शन है लेकिन किस तरह से गेंदबाजी करेंगे वो भी देखना है नाजिम गुल्ली इस आ, विकेट पर लाया गया है इस मैच के लिए नाजिम गुल्ली मैन ऑफ द सीरीज रहे थे सुप्रीमो ट्रॉफी के फोर व्हीलर कार जीती थी नाजिम गुल्ली ने अपने गेंदबाजी के बलबूते पर गुजरात के जादूगर कहाए जाते हैं नाजिम गुल्ली और 40 प्लस होने के बाद भी आज पूरे भारत में नाजिम गुल्ली के स्पिन के चर्चे होते देखना होगा इस मैच में क्या होगा जी बिल्कुल जादूगर कहा जाता है उनको और ये जादू पूरा देश आ, वेट करते हैं कि कम नाजिम बॉलिंग डालने के लिए आएंगे देखिए जादू शुरू पहले दिन टीम में नहीं थे आज स्पेशली उनको उड़ाके लेके आए और आते ही विकेट को उड़ा दिए पहली गेंद अंदर खिलाड़ी बाहर बैटर बाहर और इसी के पीछे देखिए मात्रे थे तो जैसे उनको पता था एक्सप्रेशन देखिए उनका पहला विकेट शाती फाउंडेशन खोते हुए तीन रन पे पहला विकेट की पतन और राजपासवान आउट होने के बाद नया बैटर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं ओमकार देसाई और ये देखिए सेलिब्रेशन बस इतना ही कह रहे हैं कि कैलेंडर बदला है लेकिन परफॉर्मेंस अभी भी वही है यही तो क्रिकेट है आपको हर एक वक्त हर एक गेंद पर हर एक ओवर पे हर हर एक मैच में हर एक टूर्नामेंट में आपको खुद को साबित करना होता है आपका बायोडाटा बाजू में रह जाता है और आपको हर एक मैच में परफॉर्मेंस करना होता है और परफॉर्मेंस तो या शुरू किया है नाजिम ने मगर ओमकार भी एक टेनिस क्रिकेट विश्व का बड़ा सितारा है पिछले में भी काफी बेहतरीन खेला था और परसों भी काफी अच्छी शुरुआत की थी दोनों मैच में उन्होंने जी बिल्कुल अगर आप चर्चा कर रहे हैं फाउंडेशन की बैटिंग डिपार्टमेंट की तो ओमकार देसाई जब मैच फंसता है तो वो संभालने के लिए खड़े तैयार हैं और ये भी काफी दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी है तो दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस वक्त आमने सामने तो ये क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है ये प्रोफेशनल क्रिकेट है और दोनों ही अपने प्रोफेशनलिज्म को बिल्कुल हाई पे लेके जाते हुए चलिए दो बार तो आप छोड़े हैं लेकिन तीसरे बार नाजिम गुल्ली छोड़ने वाले हैं नहीं इस बार भी अंदर की तरफ लाए और कोई कनेक्शन नहीं बैट और बॉल के बीच उनकी गेंद को पढ़ना आसान नहीं है मुश्किल है और यहां और एक अच्छी गेंद की उन्होंने ओमकार मगर ओमकार की एक खासियत गेंदबाजी काफी अच्छा खेल लेते हैं और इसी के कारण ये मैच काफी भी खेल सकते हैं। शायद उनको पहला विकेट अर्ली विकेट पतन होने के बाद ही उनको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए इस बार स्ट्राइक को बदले एक रन स्ट्राइक में आ जाएंगे खो श्रीनगर टीम के कप्तान भी थे आई में ओमकार देसाई और काफी अच्छा क्रिकेट बहुत सालों से उन्होंने खेला है हल्दार को भी काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ खेलना होगा और थोड़ी सी परिस्थितियाँ उनके तरफ नहीं है क्योंकि नौ गेंदे हो चुके हैं रन तो सिर्फ चार बने हैं दबाव गेंदबाज ने क्रिएट किया है मगर कुछ स्ट्रोक अगर आएंगे तो बैटर भी अच्छा करेंगे आने वाले समय में जी पहले ओवर तीन रन जहां से खर्च किए थे राकेश काहर ने और दूसरी बार दूसरी ओवर में नजीम गुल्ली को लाया गया और अभी तक तीन गेंद डाले हैं मात्र एक रन और एक विकेट इस बार भी उठा के खेलना चाहते थे आपस्रम, आपस्रम से थोड़ा बाहर रहा जो हाइट एक्सपेक्टेड था वो फिर से एक बार मिला नहीं पुल करने गए और पुल करते हुए भूल कर बैठे अच्छी गेंदबाजी नाजिम के जाल में दो बैटर फंस चुके हैं इस बार अंदर की तरफ आ रही थी गेंद स्क्वेयरलेग की दिशा में उड़ाना चाहते थे स्क्वेयरलेग की ऊपर से मगर अच्छा कैच वहाँ पकड़ा गया और क्यों इस टीम में मुझे आज शामिल किया गया है साबित किया है नाजिम गुल्ले ने मगर ये इनिंग खत्म नहीं हुई अभी भी ये बड़ा मैच है देखिए कितना बड़ा बड़ा टर्न मिल रहा है इनको मोहित कर दिए हैं अपने गेंदबाजी से हर कोई नजर जमा के बैठे हुए हैं अगले गेंद में किस तरफ टर्न होने वाला है गेंद अगला गेंद इस बार उठा के खेले हैं फील्डर दायरे के अंदर गैप को ढूंढे करण अंबाला पीछे भागते रह जाएंगे और मिलेगा यहां पे चार रन ओमकार देसाई अच्छा स्ट्रोक जिसका मैंने जिक्र किया था सुमनतोदा स्पिन गेंदबाजी काफी अच्छा खेल लेते थे अपने पूरे करियर में 90 परसेंट क्रिकेट तो उन्होंने स्पिनर के खिलाफ ही खेला है क्योंकि मुंबई में स्टार्ट किया था क्रिकेट का और इसी के कारण यहां थोड़ा सा दबाव बढ़ रहा था मगर एक अच्छा चौका जड़ा है ओमकार देसाई इन्होंने पिछले ओवर की अगर चर्चा करें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ओमकार दो बार स्ट्राइक पे थे सिंगल लिए वो भी कॉन्फिडेंट लगा मुझे और बाउंड्री भी जो खेले वो भी कॉन्फिडेंट लगा लेकिन बाकी जो दो खिलाड़ी स्ट्राइक में थे नजीम गुल्ले के खिलाफ कुछ ज्यादा उनको कॉन्फिडेंट लगा नहीं ऐसा लग रहा था कि बार बार परेशानी में डाल रहे हैं नाजिम गुल्ली दो ओवर का खेल हुआ खत्म दो ओवर के बाद नौ रन दो विकेट स्टार्ट कुछ खास नहीं पावर प्ले हुआ समाप्त अब फील्डर दायरे के बाहर जाएंगे अब कैसे खेल को आगे लेके जाएंगे क्या प्लानिंग होगा सिंगल डबल्स के ऊपर ज्यादा जोर डालेंगे सुमन so, तो धाप प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है कप्तानी भी काफ़ी ज़रूरी होती है प्रेशर को और बढ़ाना है किस गेंदबाज को लाना है किस फील्डर को कहाँ खड़ा करना है किस बैटर को भेजना है और ये सब रणनीतियाँ कप्तान को करनी होती है इसीलिए खिलाड़ी होते हैं हर एक टीम में कप्तान एक ही को किया जाता है और यहाँ से कप्तान की रणनीति काफी अहम होगी आने वाले समय में और देखिए नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें अभी भी धीरज सिंह हैं गेंदबाजी कर सकते हैं लोकेश चौहान है गेंदबाजी कर सकते हैं करण अंबाला है गेंदबाजी कर सकते हैं शिवम कंबोज है गेंदबाजी कर सकते हैं तो ऑप्शन बहुत सारे हैं उनके पास तीसरा ओवर का खेल शुरू होने से पहले थोड़ा सा फील्ड पोजीशन में चेंजेस लॉन्ग ऑफ फील्डर लॉन्ग ऑन फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर बैकवर्ड पॉइंट डीप बिड विकेट और काउ कॉर्नर पोजीशन पे एक फील्डर को रखा गया है सुमित ठेकले के लिए सामने गेंद हल्के हाथों से खेले लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश किए हैं इस बार भी एक ही रन मिलने वाला है एक रन और स्ट्राइक में परिवर्तन। बन चुके है। दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं टेनिस क्रिकेट विश्व में काफी नाम कमा चुके हैं भारत में भारत के बाहर भी और दूसरी तरफ धीरज भी एक बड़े गेंदबाज है उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करते बगर बड़े बड़े टूर्नामेंट में उनकी गेंदबाजी भी काफी अहम रही है और इस वक्त उनका गेंदबाजी के लिए आना भी उनके टीम के लिए काफी अहम है मगर ओमकार है सामने और उनके साथ सुमित पिछले सारे मैचों में पहले गेंदबाजी करते हुए दिखे थे में, में कुछ परिवर्तन इस बार पॉइंट की दिशा पे धकेलते ही दौड़ पड़े थे एक रन दो तो विकेट जा चुके हैं उसी दबाव को यहां हटाना है सिंगल डबल्स को भी लेना है और उसी के तहत उसी रणनीति के तहत इस वक्त तो बैटिंग हो रही है ग्यारह पर पहुंच चुका है स्कोर जबकि इस पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ आठ ओवर का यह मुकाबला है एक तो आठ ओवर का मुकाबला है दूसरी बात बड़ा माटे बड़ा मैदान है और उस रणनीति इस मैदान के रणनीति के तहत ही आपको खेलना होगा जी बिल्कुल इस बार एक्स्ट्रा कवर की ओर ड्राइव लगाए हैं फिल्टर पहुंच जाएंगे लेकिन उसी बीच दो रन तो आप जो रहे थे ना सिंगल डबल्स के भरोसा रखना जरूरी है और उसी के कारण मेरिट पर जादा से जादा सुमित डिगले क्रिकेट खेलते नाइनटी नाइन पॉइंट नाइनटी नाइन परसेंट क्रिकेट मेरिट के तहत ही खेलते थे अभी भी और पीछ कवर्स की दिशा में गैप में खेला दो रन पूरे किए और सिंगल डबल्स भी गेंदबाज पर प्रेशर डालते हैं और वही कोशिश है इस वक्त सुमित की और ओमकार की और देखिए चार ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी आने वाला है तो नौ गेंद अभी भी अवशेष है तो इससे पहले मेरे हिसाब से फाउंडेशन विकेट खोना नहीं चाहेंगे कुछ रन बना, बनाना चाहेंगे अगर खराब बॉल मिलती है तो बड़ा स्ट्रोक के लिए जाएंगे लेकिन सिंगल और डबल्स के ऊपर ही भरोसा रखेंगे इस बार सुमित क्या आपने रडार में गेंद को देख रहे थे फायर के लिए जाना चाहते थे आड़े हाथ लेना चाहते थे मगर गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर स्विंग बेहतरीन बॉल इस बार रख, थोड़ा रुक के आया लगा कि स्टॉपर की तरह गेंद को फेंके हैं लेकिन तैयार थे ओमकार भी हल्के हाथों से खेले देख लिए थे सामने कोई फील्डर है नहीं तो एक रन कम से कम चुराने का मौका था और वो चुरा लिए ओमकार देसाई और सुमित देख ले थोड़ा सा प्रेशर तो है मगर हटाना कैसे है इन दोनों को भली भांति मालूम है और कोशिश यही रहेगी ओमकार की भी और सुमित की भी अपनी टीम को यह जो संकट है इस समय उससे बाहर निकालना है और अच्छे टोटल की तरफ लेके जाना है जी बिल्कुल जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से आगे जाना है और टीम को आगे जीत की दहलीज तक लेके जाने के लिए आपको रन चाहिए लीजिए एक्स्ट्रा के खाते में इस बार एक और एक रन रन और जुड़ता हुआ। धीरज हर गेंद पे देखिए उनके लिए एक अलग प्लानिंग है कभी अंदर ला रहे हैं कभी थोड़ा स्विंग करके बाहर डाल रहे हैं इस बार तो एक्स्ट्रा पे जनरेट करने की कोशिश थी के थोड़ा सा ज्यादा बाहर किया एक दूसरे के माइंड से खेल रहे इस वक्त बैटर और बॉलर फुल टॉस था इस बार भी एक्स्ट्रा पेस जनरेट किए थे बैट का मुंह ठीक से खुला नहीं और इसी बीच थोड़ा सा मिसफील्ड एक रन आसानी से मुकम्मल करते हुए तीन ओवर का खेल हुआ समाप्त तीन ओवर के बाद सोलह रन दो विकेट सिसी शाती, फाउंडेशन धीरे धीरे परिस्थिति को संभालते हुए हाँ जरूर यहाँ परिस्थितियों को संभालने की कोशिश जरूर हो रही है मगर नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स भी इस वक्त थोड़ा सा सिकंजा कर रहे हैं क्योंकि तीन ओवर के बाद सोलह रन बने हैं दो विकेट का नुकसान है यहाँ और

करण को लाने का मतलब है कि आप स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से पहले और एक आध विकेट निकालना चाहते हैं यहां से अगर आप ओमकार देसाई या फिर सुमित ढेकले या फिर दोनों का विकेट ही निकाल पाते हैं तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद आपको दो नया बैटर मिलेगा और वो एक प्रेशर वाला कंडीशन होगा बहुत सारे दर्शक आज ग्राउंड के चारों तरफ थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे जो बिग बैश का स्पेशल एडिशन टी-शर्ट्स है वो दर्शकों तक पहुंचाया जा रहे थे और काफी सारे लोग जो सब आए हैं जिनके हाथ में टी-शर्ट गया बहुत खुश थे और बहुत लोग अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि टी-शर्ट फिट से आने वाला है करण पहला गेंद ऑफ के ऊपर गति के साथ अच्छी लेन पर गेंद किया पहला जो गेंद था अच्छी लेन पर रहा उसे जगह से ही खेलना चाहते थे ओमकार बड़े हिट के लिए और करण अंबाला की गेंद सही 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 लेन पर थी इसी के कारण स्ट्रोक नहीं आ सका और डॉट बॉल शुरुआत अच्छी रही है करण अंबाला की मगर ओमकार देसाई पलटवार करना चाहते हैं इस बार नो का इशारा तो शायद पिचिंग बाहर रहा टूर्नामेंट में और भी कुछ गेंदबाज ऐसे जिन्होंने ऑप्टम के बाहर बार-बार रखने की कोशिश में पिच से बाहर गेंदे की है और यहाँ वही हो चुका है होमकार के लिए बाहर रखना चाहते थे ऑप्टम के मगर पिच के बाहर किया नो बॉल था इस बार जोन में गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन वही जो पेस उसके सामने कैच दे बैठे थे लेकिन फ्री का जो मौका था वो मौका मिलेगा तो विकेट का कोई यहां पे लॉस होने वाला है नहीं और उसी बीच दो रन भी जुड़ेगा फायदा आपको पास आपके पास आपके मौका था बड़ा हिट करे उठाकर खेले वो खेला और फ्री हिट होने के कारण दूसरे के रन के रन लिए पहले ही कॉल दिया था दो रन पूरे किए हर एक रन जरूरी है इस मैच में ये बिल्कुल हर एक रन जरूरी है क्योंकि आपको एक अच्छा टारगेट सेटअप करना है इस बार स्कोट द विकेट बैकवर्ड पॉइंट फील्डर भाग के आएंगे आपको एक अच्छा टारगेट सेटअप करना है कम से कम 60 से 70 के बीच तक तो स्कोर को लेके जाना है ताकि बाद में नवनीत सिंह आशीष मेहरूल प्रथमेश ठाकरे ये लोग जब गेंदबाजी करने आएंगे तो उनके पास लड़ने के लिए वो एक मौका बने एक तरफ आकाश चिंदारिया कैप्टन है जो ओमकार और सुमित दोनों के अंडर खेल चुके हैं और आज उनके खिलाफ खेल रहे हैं तो रणनीतियाँ इन दोनों के प्लस पॉइंट भी मालूम है माइनस पॉइंट भी मालूम है और ये दो ऐसे बैटर है एक बार मैदान पर टिके रहेंगे तो इस इस स्टेज से भी इस मैच को सत्तर अस्सी नब्बे तक भी लेके जा सकते हैं जी बिल्कुल स्ट्रैटेजी सबको पता है कौन क्या कर सकते हैं ये भी पता है लेकिन क्रिकेट दिन दिन की बात है आज आप क्या कर पाते हैं वही मायने रखते हैं ये देखिए है। कितना बेहतरीन स्ट्रोक कितना बेहतरीन स्ट्रोक फ्रंट फुट को आगे लेके गए बॉल, बॉल के ऊपर गए बॉल के लाइन के ऊपर गए और फिर बैट का फेस खोले चार रन दिया है यहाँ जिस तरह से ये खूब खूबसूरत स्ट्रोक आया बैकफुट पर जाके पॉइंट की दिशा में स्ट्रोक खेला और कोई भी स्ट्रोक आता है चलिए आप स्ट्रोक की बात कर रहे थे तो वही कोशिश दूसरे बार भी करना चाहते थे लेकिन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से पहले करण अंबालो को लाना यानी कि विकेट जो चाहते थे थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे तो फिलहाल करण अंबाला ने अपना काम किया फिर एक बार। जिसके लिए जिसने जिक्र आपने किया था विकेट लेने के लिए शायद उन्हें लाया गया है और उन्होंने विकेट हासिल किया स्कोर यहाँ बन चुका है 24, फोर चौबीस रन बने हैं जबकि पारी का चौथा ओवर चल रहा है तीन विकेट वापस लौट चुके हैं और मैदान के अंदर भारतीय टेनिस क्रिकेट का एक युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रथमेश ठाकरे पहले दिन जिन्होंने लगातार दो मैच में मैन ऑफ द मैच लिए थे और साथ ही साथ ने का मौका मिलेगा जो रिदम से गेम गुजर रहा था उसको ब्रेक करने का आपको मौका मिलेगा ओवर का और एक गेंद अभी भी अवशेष आखिरी गेंद गति के साथ ऑफ स्टम्प से बाहर वो पांचवी स्टम्प को टारगेट करते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथ इस बॉल से भी कोई रन नहीं एक बिंदी गेंद और ओवर हुआ समाप्त चार ओवर चौबीस रन तीन विकेट तो क्या चंद्रकांत जी चार ओवर चौबीस रन तीन विकेट बेहतरीन स्टार्ट है बॉलिंग टीम के लिए तो ज़रूर है और बैटिंग टीम के लिए तीन विकेट उनके जा चुके हैं चौबीस रन बने हैं थोड़ा सा दबाव है मगर आने वाले समय में चार ओवर से ऐसे चालीस पैंतालीस भी रन यहाँ से बनते हैं एक टोटल पैंसठ सत्तर की तरफ तो जाना चाहिए क्योंकि हमने देखा है पूरे टूर्नामेंट में और एटी का पीछा भी इस टूर्नामेंट में किया था योगेश पेनकर और एजाज कुरेशी ने और इस टूर्नामेंट में सौ रन भी बने हैं धोनी गंगावती टीम एक ऐसी टीम एकमात्र टीम है जिन्होंने 100 रन बनाए थे 70 -70 स्पोर्ट्स पर जुड़े हुए सभी दर्शकों से हमारी विनती है अगर आप सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स पर नए हैं अगर आपको यह टेलीकास्ट पसंद आया हो तो जरूर आप सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं आगे की अगर आप नेशनल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का मजा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल सेवनटी सेवेंटी स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा में जो पेज है उसको फॉलो कीजिए साथ में दुर्गापुर बिग बैस धमाका का जो पेज है इंस्टा में उसको भी आप फॉलो कीजिए क्योंकि नॉट ओनली एट दुर्गापुर देश के हर कोने में हम लोग देखे हैं बिग बैस धमाका का हर एक एडिशन आया है तो फॉलो करते रहिए साथ जुड़े रहिए सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स के और क्रिकेट का मजा उठाते रहिए चार ओवर का खेल खत्म हो चुका है आने वाले चार ओवर में देखना होगा कितने रन यहाँ से बनेंगे एक तरफ नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स है और उनके खिलाफ शिशिर साथी फाउंडेशन के बीच का यह मुकाबला चार ओवर के बाद तीन विकेट जा चुके हैं चौबीस रन बने हैं मैदान के अंदर प्रथम ठाकरे उनका साथ देने के लिए दस रनों पर खेल रहे ओमकार देसाई गेंदबाजी के लिए गुजरात अहमदाबाद एक्सप्रेस राकेश कर को लाया गया है स्ट्राइक पर मुंबई के ऑफ ऑप्ट के बाहर की एक गेंद थी बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी और पहली गेंद ऑप्टम के बाहर रखी और एक डॉट बॉल से शुरुआत की है राकेश ने जी बिल्कुल देखिए जो वाइड लाइन है बिल्कुल उसके करीब से गेंद गुजरा केतन मात्र एक कॉल तो था वहां पे लेकिन अंपायर ने नकारा टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ कटी अपील भी थोड़ी सी थोड़ी बहुत यह हो चुकी थी डॉट बॉल से शुरुआत की है ओमकार देसाई है और साथ देने के लिए प्रथमेष राकेश के खिलाफ धमाक का बिग बैश। अब चमकी बाहर की गेंद की दिशा में खिला एक रन पूरा किया और हर एक रन यहाँ पे महत्वपूर्ण पहले इनिंग में आप बैट कर रहे हैं आपके ऑपोनेंट कैप्टन आपको आमंत्रित किए थे पहले बैटिंग करने के लिए तो यहाँ पे स्कोर बोर्ड में आपको रन रखना है ताकि बोलर फाइट करने का मौका मिले उनको पहला विकेट एक ओवर के बाद तीन रन पे आउट हुए थे दूसरा विकेट खोखो नालधर आउट हुए थे उसी ओवर में नाजिम गुल्ली ने दोनों विकेट निकाले थे उसके बाद सुमित ढेखले पिछले ओवर में ड्रिंक्स ब्रेक से पहले जाने से पहले सुमित झेखले का विकेट करण अंबाला ने निकाले तो तीन विकेट अभी तक हो चुके हैं शिशी फाउंडेशन स्कोर है ट्वेंटी 25 रन बने हैं देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से बैटिंग होगी सिंगल डबल्स भी जरूरी है यहाँ से कुछ सिक्स और फोर की भी जरूरत है और इस दुर्गापुर धमा का बिग बैश का दूसरा सीजन कौन जीतेगा पहले सीजन में पिरामीटर फ्रेंड्स जे बी एल प्राइगर टीम ने पहला सीजन जीता था जबकि क्लब इंदिरा फाइनल में थी पहले सीजन में इस सीजन का टूर्नामेंट कौन जीतेगा ग्यारहवा सीजन है कुल मिला के बिग बैश का और सिर्फ साढ़े तीन साल में ग्यारह टूर्नामेंट हो चुके हैं बिग बैच बिग धमाका बिग बैच के सेवेंटी सेवेंटी के ज़रिए और हम लगातार दूसरी बार आ चुके हैं दुर्गापुर में काफ़ी अच्छा क्रिकेट इस साल भी और मौसम भी काफ़ी अच्छा है दुर्गापुर का स्टील सिटी है और घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छा सिटी सेंटर हो बहुत सारे उद्यान है दुर्गापुर में खाने के लिए मिष्टी है मिष्टी दोही रसगुल्ला बहुत सारे व्यंजन है क्या जी बिल्कुल तो रसगुल्ला तो आप खा चुके हैं लेकिन घूमने का मौका अभी तक मिला नहीं है कल शायद वो मौका भी मिल जाए तो थोड़ा बहुत घूम लीजिए सामने ही कुमार मंगलम पार्क भी है भार, पूर्वी भारत के जितने भी तेजी से प्रगति कर रहे शहर उसमें से एक, एक है दुर्गापुर और ये देखिए फ्रंट फुट को चेक करना चाहते थे और तीसरे यहां पे बता रहे हैं कि नो बॉल नो no बॉल यानी कि अगला गेंद फ्री हिट का मौका और फ्री हिट के लिए स्ट्राइक पर है प्रथमेश ठाकरे महाराष्ट्र भिवंडी के बारेड गांव से बिलोंग करने वाला है सितारा काफी चर्चा में पिछले दो साल से और अच्छा क्रिकेट खेला है प्रीमियर लीग में अच्छा खेला है बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेला है भारत के बाहर भी खेले हैं प्रथमेश ठाकरे बैटिंग के लिए और प्रथमेश ठाकरे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि दो मैच खेले हैं अभी तक 25 रन बनाए हैं और चार विकेट भी उनके नाम है तो ऑलराउंडर है ऑलराउंड परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में दिए हैं अभी तक जब जब टीम फंसा है तब तब बेहतरीन परफॉर्मेंस मिला है प्रथम ठाकरे फ्री हिट की गेंद अच्छी गेंद थी कवर्स की दिशा में इस गेंद को डकेला एक रन पूरा किया तेजी से आए कवर्स के खिलाड़ी और एक ही रन पर संतुष्ट रहेंगे एक रन से स्कोर आगे सत्ताईस तो सर आप कह रहे थे कि प्रथमेश ठाकरे पिछले दो साल से जिस तरह से उनका नाम उठ के आए हैं टेनिस क्रिकेट सर्किट में ये बहुत बड़े एक बात है और आप कितने दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं इससे भी ज़्यादा है आप कितना मैच्योरिटी दिखा रहे हैं ग्राउंड में देखिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं पिछले गेंद में मैरिट के हिसाब से खेले सिंगल चुराए और अपने पार्टनर को स्ट्राइक रोटेट कर दिया ओमकार, इस बार ओमकार देसाई थे खेला सामने की दिशा में फील्डर थे वहां और अच्छी फील्डिंग देखने मिली एक रन पूरा किया दूसरे रन की भी कोशिश कामयाब रही उठा के खेला था हाँ मैं खेला था ओमकार ने सामने की दिशा में इस बार मगर दो रन पूरे किए और थोड़ी सी हवाई यात्रा के लिए भी सर के लिए भी भेजना जरूरी है गेंद को दो रन से स्कोर आगे उन्तीस पर ओमकार जी बिल्कुल आप हर वक्त ट्रेन या बस से सवारी नहीं कर सकते हैं कभी कभी आपको फ्लाइट में भी चढ़ना चाहिए मजा लेना चाहिए इसीलिए हवाई फायर की एक कोशिश तो किए थे ओमकार ने हालांकि दो ही रन मिला उनतीस तीन विकेट के नुकसान पर पांचवा ओवर प्रगति पर है ट्वेंटी नाइन रन बने हैं तेरह पर खेल रहे ओमकार अच्छी गेंद जड़मी की थी ये गेंद थोड़ा सा सफल होके ऑन साइड में खेलना चाहते थे शॉर्ट फाइनल की दिशा में ये गेंद गई एक रन पूरा किया स्कोर जा रहा है जाके पहुंचा है तीस रनों पर तो एक टाइम पे सर ऐसा लग रहा था कि नाजिम गुल्ली को बैक टू बैक दोनों ओवर किया करवाया जाएगा लेकिन यहाँ पे कैप्टन ने कुछ अलग सोचे हैं ड्रॉप किए हैं उनको और साथ ही साथ ये देखिए ये देखिए कितने खुश हैं सब और इसका कारण शायद यही है कि ओमकार अभी तक विकेट में है तो ओंकार के जाने के बाद शायद उनको फिर से एक बार में लाया जाएगा। ओहो हवा में खेला कैच पकड़ने का मौका भी था और कि हाँ कैच भी छूटा और एक रन पूरा किया प्रथमेश ठाकरे और ओमकार देसाई ने हवा में खेला था उठाकर खेलना चाहते थे बल्ले का किनारा लिया था केतन कोशिश कर रहे थे पीछे जाकर मगर कैच नहीं हुआ केतन मात्रे थे विकेट के पीछे।, रिप्ले में राइजिंग का एज, थोड़ा सा पीछे प्रेशर और ज्यादा हो जाता है लेकिन फिलहाल दोनों ही बैटर सेफ है एक पार्टनरशिप बनाना चाहेंगे और ये देखिए करण अंबाला एक्सप्रेशन देखिए कह रहे हैं वाई ये तो लेना चाहिए आपको क्योंकि आप सुपर सिक्स स्टेज में है इकतीस रन बने हैं ओमकार देसाई मिड विकेट की इस बार 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 एक रन पूरा किया है जिसकी को, कोशिश अब उठा कर खेलने की भी कोशिश हो रही है शोर में ओमकार से मगर उतना टाइमिंग नहीं हो सका मगर एक रन पूरा किया एक रन से स्कोर फिर एक बार आगे देखते देखते पांच ओवर का खेल खत्म हो चुका है तीन विकेट का नुकसान बत्तीस रन बने हैं पहले बैटिंग करते हुए शिशिर साथी फाउंडेशन इस टीम के नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के खिलाफ तीन ओवर अभी भी शेष है यानी 18 गेंदे आने वाले अभी भी है और ओमकार देसाई 15 पर बैटिंग कर रहे हैं साथ में है, प्रथम एस ठाकरे अब वक्त आ चुका है आपको कुछ बड़े स्ट्रोक भी खेलने होंगे 18 गेंदे शेष है इस मैच में सुपर सिक्स का मुकाबला है यहां से जो भी टीम जीतेगी सुपर टॉप थ्री में जाएगी थोड़ी से सफल हुए फाइनल की दिशा में खेला इस गेंद को एक रन पूरा करेंगे की दिशा में गेंद और और वहां काफी अच्छी देखने मिली राकेश कहार द्वारा जब तक फील्ड करते दो रन पूरे किए ओमकार ने तब समय आ गया है खुल के खेलने का और आखिरी तीन ओवर बचा हुआ है यहां से कम से कम आप पर ओवर दस के हिसाब से खेलिए तो तीस रन और जोड़ना चाहिए और साठ से ऊपर रन आपको बनाना है ओमकार ये बात हम लोगों से भी बेहतर समझते हैं अच्छी बैटिंग पारी को संवारा है एक तरफ से तीन विकेट जा चुके हैं मगर उसके बाद ओमकार ने पूरी पारी को संवारने की कोशिश जारी है सामने की दिशा में खेला इस, इस बार एक रन पूरा करेंगे एक से ज्यादा कुछ नहीं आकाश चंदारिया खुद कप्तान वहां आ चुके हैं और एक रन से स्कोर आगे पैंतीस रनों पर तीसरा विकेट सुमित जब आउट हुए थे तब ग्यारह रन और जुड़ा है यानी कि एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं प्रथमेश ठाकरे और ओंकार देसाई और समय आप ये भी आ गया है कि आप सिंगल डबल्स नहीं कभी कभी बीच बीच में बड़ा स्ट्रोक भी खेलिए थोड़ा बहुत रिस्क लीजिए प्रथमेश ऑप्टम के बाहर की गेंद थी जगह से खेलना चाहते थे बड़ा हिट कामयाब नहीं रहे कामयाब रहे गेंदबाज क्योंकि उन्होंने डॉट बॉल की है यहाँ रूसी के तहत थोड़ा सा दबाव बढ़ जाएगा क्योंकि हर एक डॉट बॉल ऑप्टम के देखिए थोड़ा सा सफल हुए थे उसी के कारण ऑप्टम की ज्यादा बार रखी गेंद और भेज दिया केतन माथरे की तरफ फिर एक बार कर्ण अंबाला उठाकर खेला है पटकी हुई गेंद मिड विकेट की दिशा में खेला वहां थे खिलाड़ी उनके ही हाथ में गई और प्रथम इस ठाकरे का विकेट ले लिया है करण अंबाला ने

प्रथमेश ठाकरे मेडन और भी किया था इस टूर्नामेंट का पहला मेडन और प्रथमेश ठाकरे ने किया था ये सारे बहुत सारे दर्शक आ चुके हैं दुर्गापुर क्रिकेट के लिए भी जाना जाता है और हम सभी यहाँ क्यों है क्योंकि हम सभी टेनिस क्रिकेट के दीवाने हैं ये दीवानगी हमें खींच लाई है नेहरू स्टेडियम में और आज नेहरू स्टेडियम में एक बड़ी टूर्नामेंट और आज बड़ा दिन है सुपर सिक्स का ओ थोड़ी सी उछाल ज्यादा थी और इस गेंद को ढकेलना चाहते थे गली के जोन में वहां एक रन पूरा किया शायद डायरेक्ट हिट हो जाता तो खतरे में आ सकते थे ओमकार तो ये दीवानगी और 30 से 35 घंटा आपको पकड़ के रखना है क्योंकि टुमारो द फाइनल डे सेमीफाइनल और उसके साथ फाइनल दोनों ही आप यहां पे दोनों का मजा ले पाएंगे लेकिन कौन तीन टीम सुपर सिक्स से अगले राउंड की तरफ बढ़ेंगे वो देखना है फिलहाल एमयूसीसी संबलपुर वो लोग तो पहुंच चुके हैं थर्टी सिक्स छत्तीस रन बने हैं फिर एक बार करण अंबाला सामने है ओमकार अठारह पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम को संकट से बाहर निकालना है अच्छी टोटल पर लेके जाना है पारी का छटा और है अभी भी तेरह गेंदे से, से इस मैच में ओमकार देसाई इस खिलाड़ी के नाम पर भी तीन फोर व्हीलर कार और तेरह मोटरसाइकिल बाइक मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर है और आज फिर एक बार ओमकार को, को साबित करना है सामने है करण अंबाला द सीरीज आई एस पी एल्ट की बाहर और एक अच्छी गेंद कवर की दिशा में गेंद को ढकेला एक रन पूरा किया रवि बना रहा, रहा है कोशिश कर रहे मगर दूसरे रन का प्रयास पूरा किया तो रवि को यहाँ पे बैकअप फील्डर की जरूरत हुई रन मिला रन पहुंचा 38 पे छह ओवर का खेल हुआ समाप्त छह ओवर के बाद 38 चार विकेट खो चुके हैं सीसी फाउंडेशन तो मैच अभी भी मुश्किल में है दो ओवर हालांकि बचा हुआ है लेकिन ये दो ओवर से आप कितना रन ले पाइएगा और थोड़ी देर पहले ये देखिए स्क्रीन में एक तरफ खेला चल रहे हैं तो दूसरी तरफ मोबाइल स्क्रीन में भी बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में नजर डाले बैठे हैं थोड़ी देर पहले कैमरा पर्सन वही दिखा रहे थे कि ग्राउंड में है लेकिन साथ में मोबाइल में सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स लाइव ब्रॉडकास्ट का मजा भी ले रहे हैं तो सिर्फ मजा ही मत लीजिए उसके साथ सब्सक्राइब कीजिए छह लाख छियासठ हजार चार सौ पचास के करीब हो चुका है क्या सात लाख तक पहुंच पाएंगे अगर सात लाख तक पहुंच पाते हैं तो कल ही होगा सेलिब्रेशन ग्राउंड में और कप्तान ओमकार खेल रहे हैं 20 पर रोहित है एक पर आने वाली 12 गेंदे क्या आने वाले 12 गेंदों में कितने रन बनेंगे अगर 22 भी आते तो 60 हो जाएगा 22 से ज्यादा अगर रन आएंगे तो उसके ज्यादा मगर 22 से कम अगर आएंगे तो टोटल कम रह सकता है तो देखिए प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन करना तो मुश्किल है क्योंकि ये क्रिकेट का खेल है लेकिन जिस तरह से बोलर अभी तक गेंदबाजी किए हैं मेरे हिसाब से चौदह से पंद्रह से ज्यादा चौदह से पंद्रह रन बनेगा उससे ज्यादा बनने वाला लग तो नहीं रहा है हालांकि दो एक बड़ा स्ट्रोक मिलेगा तो मुझे रॉन्ग बनाने का मौका भी मिलेगा शिशिर साधी नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स का प्लस पॉइंट है उन्होंने ओवर में सीमित रखा है मगर एक प्लस पॉइंट शिशिर साधी के पास भी जा रहा है उनके चार ही विकेट जा चुके हैं अभी भी विकेट शेष है देखना होगा आने वाले समय में और हम सभी दुर्गापुर का समन्वय हेमंत जी बनियाल सर के शुक्र गुजार है दुर्गापुर जैसे सिटी में आज ऑल इंडिया लेवल के सभी खिलाड़ी दाखिल हो चुके हैं इस दुर्गापुर धमाका बिग बैश के लिए दूसरे सीजन के लिए रोहित बैटिंग के लिए धीरज के सामने बिग हिट सामने की दिशा में इस गेंद को खेला थोड़ी सी आगे की थी ये गेंद लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आए एक ही रन पर संतुष्ट रहेंगे एक रन से स्कोर आगे ओमकार देसाई सभी की निगाहें इन पर होगी अभी 20 रन पर बैटिंग कर रहे हैं 17 गेंदे खेली 20 रन बनाए पारी को सवारने की कोशिश अब इस टोटल को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी जी बिल्कुल देखिए सातवें ओवर का खेल फिलहाल शुरू हुआ है और ओमकार देसाई 17 गेंद खेल चुका है यानी कि ओमकार देसाई अभी तक 6 ओवर जो खेल हुआ है उनका हाफ तो वो खुद मुकाबला किए हैं तो ओमकार के ऊपर पूरा निगाहें जमा के बैठे हैं टीम के फैंस समर्थक थर्टी नाइन रन बने हैं ओमकार देसाई स्ट्राइक पर सामने है धीरज उत्तर प्रदेश का एक बड़ा गेंदबाज ओहो जर्मे की गेंद एक से ज्यादा कुछ नहीं एक रन और इसी एक रन के साथ रन बढ़ता हुआ चालीस अब बड़ा स्ट्रोक की जरूरत है अब लगाना पड़ेगा आपको अब हिट करना पड़ेगा आपको रोहित सिंह है दो गेंदों से दो रन बना के खेल रहे हैं बाएं हाथ के बैटर हैं बड़ा स्ट्रोक खेलने में माहिर भी है लेकिन कंडीशन कुछ ऐसा है ना कि आप जो करना चाह रहे हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि गेंदबाजी बहुत उमदा हुआ है आज चालीस रन है मगर क्रिकेट है ये इनिंग अब तक खत्म नहीं हुई रोहित रोहित के लिए भी काफी रफ्तार थी फिर एक बार जड़ में करने की कोशिश ब्लॉक करना चाहते थे के बाहर रखना थे, चाहते थे रफ्तार बढ़ाना चाहते थे सभी सही रहा और उसी के कारण और एक अच्छी गेंद धीरज की और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद रोहित बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन वही लाइन आ, कहना चाहूंगा कि जो करना चाह रहे हैं आज वो मिल नहीं रहा है रोहित रोहित का हिट स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन पूरा करेंगे ओमकार और रोहित एक रन से स्कोर आगे एक-एक रन से अब काम नहीं चलेगा अब आपका वो मौका वो वक्त आ चुका है जहां बड़े हिट भी लगाने हैं और बड़े हिट लगाने के लिए नजर जमा के सब बैठे हुए हैं ओमकार देसाई के ऊपर जो कि 18 गेंदों से 21 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं तो 7 ओवर में से 3 ओवर ओमकार खुद स्ट्राइक लिए हैं जो बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले अब जो गेंद बचे हुए उनमें से अगर दो तीन बड़ा शॉट लेते हैं तो एक अच्छी जगह तक पहुंच जाएंगे फाउंडेशन ओमकार देसाई हो 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 फिर एक बार काफी रफ्तार काफी रफ्तार देखते रहे ओमकार ये रफ्तार बेहतरीन थी रफ्तार के राजा है धीरज और इसी के लिए उत्तर प्रदेश से आ चुके हैं वेस्ट बंगाल में और दुर्गापुर में गेंदबाज़ है ऑप्टम के बाहर वाइड और स्कोरर्स जो अपडेट्स दे रहे हैं अभी तक ए, इस इनिंग्स में एक भी छक्का दिखने को नहीं मिला है ओमकार देसाई लोअर फुल टॉस उसे मिड विकेट की दिशा में खेला ओमकार से बैट से ये और छक्का नहीं मगर चौका जरूर आया है और चार रन से स्कोर आगे सात ओवर के बाद रन बने हैं पैतालीस रन बने आखिरी एक ओवर से सुमन दो दा आखिरी एक ओवर से इस ओवर में कितने रन बनेंगे दस पंद्रह या बीस या दस के अंदर देखना होगा आने वाले समय में हर एक गेंद काफी महत्वपूर्ण होगी इस ओवर में जी बिल्कुल हर एक गेंद इस ओवर में काफी महत्वपूर्ण और ये देखिए तो खेला देख रहे हैं ग्राउंड में बैठ के साथ में सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स भी ऑन है लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बिग बैस धमाका फिलहाल तो चल रहा है दुर्गापुर में लेकिन ऑल ओवर इंडिया में ये टूर्नामेंट चलेगा साढ़े तीन साल में ग्यारह एडिशन हम लोग देख चुके हैं दिल्ली में हुआ था यूपी में हुआ था राजस्थान में हुआ था मुंबई ग्रामीण बिग बैस देखे थे हम लोग तो क्रिकेट के साथ जुड़े रहना है तो सेवेंटी स्पोर्ट्स को लाइक करना है एक ओवर अभी भी शेष है अंतिम छह गेंदे ओमकार पच्चीस पर खेल रहे हैं रोहित तीन पर खेल रहे हैं क्या होगा आखिरी एक ओवर में देखना होगा दोनों टीमों ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला है इस तो है, मैच से पहले मगर इस मैच में नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स थोड़ा सा दबाव क्रिएट किया है मगर एक ओवर अभी भी शेष है इंस्टाग्राम पेज सेवेंटी सेवेंटी जिस पर आपको बहुत सारे टूर्नामेंट की जानकारी मिलेगी फोटोज देखने मिलेंगे वीडियोज देखने मिलेंगे तो जरूर आप इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए 7070 स्पोर्ट्स के दुर्गापुर का बिग बैच का दूसरा सीजन एक अहम मैच सुपर सिक्स का मुकाबला एक तरफ शिशिर साथी फाउंडेशन और दूसरी तरफ नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के बीच का एक बेहतरीन मुकाबला और इस मुकाबले में सात ओवर में 45 रन बन चुके हैं और एक आखिरी ओवर शेष है जिसके खेलने के लिए रोहित तैयार है और रोहित के साथ है ओमकार देसाई लोके चौहान शिवम कमोच दुर्गापुर क्लब शिवम कंबोज को लाया गया है आखिरी नेहरू स्टेडियम है काफी बड़ा इतिहास है दुर्गापुर का सबसे बड़ा स्टेडियम जी बिल्कुल और एक समय कपिल देव निखान संजय मंजरेकर जैसे खिलाड़ी खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट में शिवम 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 कम्बोज नॉर्थ इंडिया का और एक बेहतरीन गेंदबाज सामने है रोहित अंतिम छह गेंदे और क्रिकेट का खेल ही ऐसा सुमन एक और भी काफी होता है मैच के अंदर आने के लिए कोशिश 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 करनी चाहिए रोहित रोहित ने हिट किया गेंद सामने की दिशा में पहले गेंद को भेजा सीमा मारे का पार चार रन करते हैं रोहित और रोहित के बैट से ये आखिरी ओवर है दुर्गापुर क्लब समन्वय सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स पर आप ये टूर्नामेंट देख रही है देख रहे हैं और दुर्गापुर क्लब समन्वय के साथ हेमंत जी बनियाल साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं रोहित बैटिंग के लिए हो 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 हो, हो। इस बार शिवम की ये गेंद खाने के बाद अंदर की तरफ आई थोड़ा सा धीमे किया था इस गेंद को डॉट बॉल तो पहला गेंद अगर रहा रोहित के लिए बेहतर तो दूसरे गेंद शिवम कंबोज ने अपना कम करके दिखाए दो गेंद अभी तक चार रन चार गेंद अवशेष बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं रोहित कितना हद तक कर पाएंगे वो भी देखना है रन 49, लॉस्ट ऑफ फोर उनचास रन बन चुके हैं शिवम रोहित के लिए रोहित का और एक हीट मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला एक रन पूरा करेंगे और दूसरे रन की कोशिश में रनआउट के तौर पर ओमकार देसाई जिन्होंने काफी अच्छा क्रिकेट खेला 20 गेंदों में 25 रन किए आउट होकर पैवेलिन की तरफ नहीं आया क्योंकि ओंकार देसाई सेट बैटर थे वो अपना विकेट सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं तो सामने बाएं हाथ के गेंदबाज है इसीलिए रोहित सिंह को रखने का फैसला यहां पे रोहित और एक बड़ा ही स्ट्रोक और क्या प्रयास हुआ है तालियां तालिया बजनी चाहिए धीरज सिंह थे खिलाड़ी और ये खिलाड़ी है लाजवाब कैच को किस तरह से लपके देखिए आई थिंक द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट अभी तक जितने भी सारे कैच लपका गया है जरूर मोहम्मद का कैच याद आ रहा है मगर ये कैच भी लाजवाब था और जिन किसी ने इस कैच फील्ड टाइम टेक्नोलॉजी है आपके पास तो आप आजमा लीजिए ताकि कोई भी गलत डिसीजन ना मिले और कोई भी डिसीजन के कारण कोई ये ना कह सके कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है आप हम मैच हारे वहां पे 70 70 स्पोर्ट्स हर एक एंगल से बेस्ट फुटेज आपके हैंडसेट तक पहुंचा रहे हैं और ये देखिए में देखिए और पिच गेंद थी सामने की दिशा में उसे खेला धीरज सिंह पहले प्रयास में ओ से पहली बार तो ये गेंद रोकने का प्रयास रहा और उसके बाद फिर अंदर आए और लिया कैच और देखिए दर्शक सभी दर्शकों के ने तालियां भी बजाई कैच ऑफ द टूर्नामेंट और अभी भी जायंट स्क्रीन में कैच देख के तालियां बज रहा है यानी कि कितना इंप्रेशन इस कैच से जमा है वो देखिए आसान नहीं होता है जब आप बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहे हैं पहले गेंद पे तो बॉल को सेव किए उसके बाद बाउंड्री से थोड़ा बाहर गए थे फिर भी वापस आए और कैच ले रिले कैच अच्छा कैच शायद धीरज सिंह इस टीम के नहीं हुआ होते तो ये कैच भी नहीं होता था उठाकर खेलना चाहते थे और केतन मात्रे एक दो तीन ओ फिर एक बार रिले कैच एक दो तीन और तीनों के तीनों का प्रयास था यहाँ और लगातार दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन कैच देखने मिला कितना खुश थे वहां पे नाजिम गुल्ली कह रहे थे कि दूसरे ओवर हमको गेंदबाजी करवाए उसके बाद स्लीप में खड़े कर दिए तो कम से कम एक कैच लेने का मौका तो आया बिल्कुल जगलिंग जैसा दिखने को मिला दोनों मात्रे मात्र मात्रे, मात्रे ने कोशिश की और गुल्ली ने कैच लिया एक्चुअली वो कहते हैं ना वो दाने दाने में लिखा होता है खाने वाले का नाम तो यहाँ पे हाथ में किसका कैच जाने वाला है वो लिखा हुआ था शायद? पचास रन बने हैं अभी भी ये इनिंग खत्म नहीं हुई है दुर्गापुर धमाका बिग बैश काफी रफ्तार से और एक गेंद देखने मिली शिवम की और एक रन पूरा करेंगे एक रन से पहली इनिंग खत्म हो चुकी है रन बने है। इक्यावन और बावन की रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए 52 टू आठ ओवर में करने नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स की गेंदबाजी काफी अच्छी रही मगर ये मैच खत्म नहीं हुआ एक पहली इनिंग हो चुकी है दूसरे इनिंग में शायद जल्द से जल्द विकेट शुरू में आए तो दबाव क्रिएट कर सकती है यहाँ शिशिर साथी फाउंडेशन तो रवि बनारस यहाँ पे डी की मांग किए हैं तो चलिए लेग बिफोर विकेट के लिए यहाँ पे डिमांड किया गया है और रवि बनारस छोड़ना नहीं चाहते हैं कह रहे हैं कि दुखी आपके पास अभी भी एक मौका बचा हुआ है तो उसको आजमा लीजिए आप आठ ओवर फिफ्टी वन ऊपर से बनाए हैं 51 सात विकेट खोके 52 इज द टारगेट 52 इज द टारगेट फॉर नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स बेस्ट ऑफ थ्री में अगर आपको जाना है एमएमसीसी एमयूसीसी संबलपुर के बाद अगर आपको अपना नाम उस खाते में लिखना है तो आपको इस मैच में बनाना है 52 राज पासवान चलिए देखते हैं एक बार बैटिंग आ, स्कोर कार्ड राज पासवान नजीम गुल्ली के द्वारा आउट हुए थे चार गेंदों से दो रन खोकोन हालदार चार गेंदों से एक रन उसी ओवर में नजीम गुल्ली ने आउट किए थे उसके बाद ओमकार देसाई काफी देर तक डट के खेले बीस गेंदों से पच्चीस रन सुमित टेकले सात गेंदों से आठ रन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से थोड़ा ही पहले करण अंबाला के शिकार हुए थे प्रथमेश ठाकरे लग रहा था कि वो इस मैच में कुछ मौका बनाएंगे लेकिन वो भी आउट हुए थे पांच गेंदों से दो रन बना के उसके बाद धीरज सिंह आठ गेंदों से आठ और आशीष मेहरुल कोई भी रन बना नहीं पाए एक गेंद का सामना किए सकलेन एक गेंद से एक बॉलिंग कार्ड के ऊपर एक बार नजर डालते हैं किस तरह से हुआ बॉलिंग बॉलिंग में धीरज सिंह दो धीरज सिंह ने चौदह रन दिए कोई विकेट हासिल नहीं किया मगर अच्छी गेंदबाजी रही करण अंबाला कामयाब रहे दो विकेट हासिल किए सिर्फ चौदह रन खर्च किए यहाँ नाजिम नाजिम गुल्ली एक ओवर किया एक ही ओवर किया जिन्होंने शुरुआत अच्छी रही थी दो विकेट हासिल किए सिर्फ पांच रन दिए राकेश कर और राकेश कर यहाँ देखिए राकेश कर ने भी यहाँ दो ओवर में ग्यारह रन खर्च किए अच्छी गेंदबाजी रही विकेट जरूर नहीं मिला मगर इकोनॉमिकली अच्छे रहे शिवम कंबोज आखिरी ओवर में दो विकेट हासिल किए रन खर्च किए हैं तो अच्छी गेंदबाजी आ रही विकेट अगर देखे तो तीन पर पहला चार पर दूसरा चौबीस पर तीसरा पैंतीस पर आ, चौथा विकेट गया था उसके बाद थोड़ा पार्ट, थोड़ी पार्टनरशिप देखने मिली और पचास, 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 पचास पर विकेट आए तो देखिए मेरे हिसाब से सभी अच्छी की लेकिन और मिला नहीं तो फोर्टी गेंदों से बनाना है अब फिफ्टी टू और कॉमेट्री बॉक्स में होगा परिवर्तन आएंगे और उनके साथ जुड़ेंगे कुणाल सर Welcome sir टाइम लास्ट मैच ऑफ सुपर सिक्स एक तरफ होंगे डीजे 11 इलेवन और दूसरी तरफ एंजल कोलकाता द बेंगाल दोनों कप्तान ग्राउंड पे आ जाइए एक तरफ होंगे जॉन्टी सरकार तो दूसरी तरफ होंगे सरोज प्रामाणिक एक तरफ डी जे इलेवन तो दूसरी तरफ एंजल कोलकाता द बेंगल टर्बी और टॉस टाइम में बुलाना चाहेंगे मिस्टर राजा चक्रवर्ती को सीनियर क्रिकेटर भूतपूर्व क्रिकेटर वो रहेंगे मौजूद इस टॉस में काफी जोश के साथ दोनों ही टीम पूरे बंगाल का नजर रहेगा इस मैच के ऊपर इस मैच को लेके काफी सारे चर्चा कल रात से शुरू हो गया था सभी यही कह रहे थे अपने अपने टीम किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे कौन जीतेंगे सभी चाहते हैं कि अपना फेवरेट टीम जीते लेकिन कौन जीतेंगे वो तो मैच के बाद ही पता चलेगा फिलहाल जॉन्टी सरकार जॉन्टी सरकार एंड सरोज प्रामाणिक बोथ कैप्टन प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए टॉस के लिए দুই ক্যাপ্টেন জন্টি সরকার এবং সরোজ প্রামাণিক আপনাদের অনুরোধ করব টসে আসতে সারা বাংলা এই মুহূর্তে ক্রিকেট জরে আক্রান্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে কারণ একদিকে থাকবে জন্টি সরকার ব্রিগেড অন্যদিকে থাকবে সরোজ প্রামাণিক ব্রিগেড বাংলাতে যখন যখন এই দুটো দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে তখন তখন ধুন্ধুমার বেঁধেছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে দুই দলেরই হেভি সমর্থক বেস রয়েছে এবং তারা একে অপরের সাথে লড়াইয়ে মেতেছেন নিজের প্রিয় দলের জয় দেখার জন্য তো ওয়েট করব চান্তি সরকার কে পেয়ে গেছি একদিকে অন্যদিকে সরোজ প্রামাণিকের दोनों कप्तान চলে আইয়ে সরোজ ओके तो okay. so, किसका कॉल रहेगा सरोज किया या फिर जॉन्टी का ओके okay, सरोज सरोज विल कॉल डीएस डीसीएस एंड सरोज प्रामाणिक इट्स डीसीएस दैट मींस एंजल कोलकाता ने यहां टॉस जीता है सरोज फैसला क्या होगा बैटिंग करेंगे सरोज दो मैच में देखे हैं कि चेज किए हैं हर एक टीम यहां पे आप बैटिंग करना चाहते हैं नहीं हम लोग पहले भी दो मैच हमारा बैटिंग кореছিলাম এই ম্যাচটাও আমরা ব্যাটিংই করব तो टीमें कोई परिवर्तन रोचे ना আমাদের सेम टीम যা টিম ছিল সেইండే ঘরের মাঠ আগামী কাল ফাইনাল ডে প্রত্যেকের নজর প্রত্যেককেই চাইছেন সমর্থকেরা সরোজ তার বাহিনী নিয়ে ফাইনাল ডেটা ক্রিকেটটা উপহার দিক চাপ রয়েছে না সেরকম কিছু নেই চেষ্টা করব যেভাবে খেলছি সেভাবে খেলার ओके ऑल द बेस्ट जॉंटी अगर आप टॉस जीतते तो क्या फैसला होता मैं फील्डिंग करता तो देखिए आपके आपके लिए भी वही बात कहना चाहेंगे कि इस मैच को लेके पूरे बंगाल में एक अलग प्रेशर बन जाता है एक अलग माहौल बन जाता है हर एक समर्थक चाहते हैं कि उनका फेवरेट टीम जीते इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कितना प्रेशर है आपके पास भी नहीं प्रेशर तो रहता है हर मैच में कि जीतना होगा तो प्रेशर हर मैच में ही होगा और प्रेशर संभाल के जीतना पड़ेगा तभी आपका रिजल्ट होगा एनी चेंजेस इन टीम Okay, all the best. The news from the center is the captain of Angel Kolkata, Sharoj Pramanik, won the toss and elected to bat first. Thank you, Subantuda. वेलकम बैक आप सभी दर्शकों का स्वागत है दुर्गापुर धमा का बिग बैश 2024 के सेकंड क्वार्टर फाइनल में जहां पर लक्ष्य नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के सामने रनों का आगे रखने का प्रयास इस बार हल्के से खेल दिया ऑन साइड पर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया केतन मात्रे ने और खाता खुलता हुआ मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके समरेज दा वेलकम आपका भी स्वागत बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर आईपीएल मजा बराबर जलने के लिए फ्रॉम मुंबई मराठी लैंग्वेज में आप सुन चुके हैं कमेंट्री आईपीएल का मिस्टर कुणाल दाते से आज हमारे बीच है नेहरू स्टेडियम में बहुत बहुत स्वागत आपका और सारे दर्शकों का आप खेला हो बिल्कुल हर मैच में जान रहेगा यहाँ पर फाइनल मुकाबला है जीतेंगे तो आगे जाएंगे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा आसान सा लक्ष्य यहां पर रखा गया टीम नॉर्थ हिमालय टाइगर के सामने टीम शिशिर साथी फाउंडेशन द्वारा लेकिन क्रिकेट है समझदा आपको बड़ा एक्सपीरियंस है इस बड़ी टूर्नामेंट का क्रिकेट के हर एक मैच का लेकिन यहाँ पर आपको पावर प्ले में विकेट लेना जरूरी होगा प्रथमेश सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से के बाहर ये आता हुआ चौका बल्लेबाज केतन मात्रे के बल्ले से तो बल्लेबाज केतन मात्रे और मंगेश भाई जी शुरुआत करने के लिए आए हैं लक्ष्य इतना बड़ा नहीं पहला दो ओवर काफी अहम होगा इस मैच में इस बार स्विच इट का प्रयास और मोहे मोहे मोमेंट केतन मात्रे के लिए स्विच इट करने अब विक्टो से विकेट खोया पहला नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स ने देखिए एक्शन रिप्ले इसका थैंक यू सो so मच दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2024 ये पहला झटका नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को केतन मात्रे डिपार्ट बड़ा झटका है प्रथमेश की इस गेंद को थोड़ा सा उल्टा, उल्टा उल्टा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था स्विच इट का प्रयास बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद ऑफ स्टंप पर जाकर टकराई और पहला विकेट यहां पर खोया नॉर्थ हिमालयंस ने अब नए बल्लेबाज उनके साथ राकेश कहर आते हल्के हाथों से खेल दिया गली की जानी से निकाल दिया इस गेंद को डीप पर खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकते तब तक दो रनों का प्रयास राकेश कहर द्वारा सेंसिबल क्रिकेट जी हाँ इस मैदान में ये परीक्षित सतह है कि इससे पहले कई सारे मुकाबला में आप देख चुके हैं कपिल रन सिंगल रन अहम हो चुके हैं टीम के लिए और प्रथम ठाकरे की बात याद कीजिए लीग स्टेज में पहला मुकाबला में सिर्फ दो ओवर डाले थे और छह रन एक सफलता और दूसरा मुकाबला में दो ओवर एक मेडन सिर्फ पांच रन तीन सफलता दोनों मैच में ही मैच का हीरो था प्रथमेश ठाकरे तो उस तरह से इस मैच में भी शुरुआत की है प्रथमेश ठाकरे फिलहाल पांच पांच गेंद की खेल हो चुके हैं फिलहाल आठ पे एक तो आखिरी गेंद डालेंगे इस ओवर में प्रथमेश ठाकरे बॉल तो बॉल बाकी अच्छे तो पहले ओवर की एक गेंद शेष रन संख्या स्कोर बोर्ड पर आठ रन गेंदे समाप्त केतन मात्रे, ये पहला विकेट खोया था टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स ने आज का यह दूसरा क्वार्टर फाइनल शिशिर साथी फाउंडेशन बनाम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के बीच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला था नॉर्थ हिमालयन का प्रथम बॉल टा डॉट हो प्रथम बॉल डॉट से ओवर ओवर फर्स्ट बॉल टॉड बॉल थी बिंदी गेंद थी तो पहला ओवर समाप्त पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर आठ रन एक विकेट के नुकसान पर टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स विकेट खोया केतन मात्रे का चौका उन्होंने बटोरा था सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से समरेश जाना मेरे साथ जुड़ चुके एक लीजेंड कमेंटेटर तो पहला ओवर की समाप्ति एक ओवर के बाद स्कोर अब आठ आशीष मेहरुल तो दूसरा ओवर लेकर आशीष मेहरुल उनके सामने बल्लेबाज मंगेश वेती मुंबई के जाने माने खिलाड़ी और बॉटरमैन का इस्तेमाल बढ़िया करते मंगेश वेती जब वो खींच के मारते मिड मिडविकेट के ऊपर से आशीष मेहरुल बड़ी चुनौती होगी क्योंकि रन कम बने एस एस फाउंडेशन के इस बार पीछे गई ये गेंद सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया मंगेश ने रन के स्कोर बोर्ड पर नौ रन एक विकेट के नुकसान पर टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स जी हां लेंथ को थोड़ा सा खींचा था एक और सिंगल थोड़ा सा नाराज है खुश नहीं है फिर भी ये रन भी कीमती है आपके लिए लक्ष्य उतना बड़ा नहीं पहला ओवर से आठ रन आ चुके हैं दूसरा ओवर पहला गेंद से सिंगल कुल मिलाकर नौ पे एक नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स जो हमने पिछले मुकाबले में देखा था सबरे जी बिल्कुल इसी मुकाबले में भी अगर देखा जाए तो विकेटकीपर जो है सुमित ढेकले अब फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली यहाँ पर करते हुए एक स्लिप एक गली एक फाइन लेग आगे रखने का प्रयास इस बार विकेटकीपर के पीछे इस गेंद को रोका गया सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज राकेश कहर ने सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 10 जी हां लगातार दो गेंद से दो रन आए हैं दूसरा ओवर में तो पावर प्ले में अब तक बड़ा हिट आए नहीं लेकिन रनों का जो रफ्तार स्कोर बोर्ड वो चालू है सिंगल कपल सही दिशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं मंगेश वैती और राकेश काहार आशीष मेहरूल इस ओर की तीसरी गेंद आगे रखा सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास मिड ऑफ पीछे भागते हुए गेंद को यहां पर लपक लिया नवनीत नवनीत ने आउट हुए बल्लेबाज मंगेश वैती ये दूसरा झटका नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को में आप देख सकते हैं कि इस तरह से थोड़ा सा बैट अड़ा हो गए थे यहाँ पर जिसके चलते हुए मिड ऑफ के खिलाड़ी दायरे के अंदर था लेकिन थोड़ा सा उल्टा भागे और बहुत अच्छा कैच यहाँ पर नवर्रीत सिंह परिहार द्वारा दूसरा झटका नर्स टीम शिशिर साथी फाउंडेशन के गेंदबाज दूसरे ओवर में आशीष मेहरूल और झटका लगता हुआ टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को मंगेश वेती आउट हालांकि बल्ला हाथ में थोड़ा सा घूमा मंगेश वेती का टाइम नहीं हुआ ये स्ट्रोक और सीधा हाथ में नवनीत के अब कप्तान आकाश इंदारिया इस बार ड्राइव करते हुए पहला रन खाते में आकाश सिंधारिया के खाता खुलता हुआ आकाश का रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 11 जबकि पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ बेहतर क्रिकेट यहाँ पर आकाश सिंधारिया द्वारा दुआ, आए और सिंगल खेले लक्ष्य उतना बड़ा नहीं हड़बड़ाहट की कोई जरूरत नहीं शुरुआती तौर पे दो विकेट अब गवा चुके हैं तो यहाँ से जितना देर तक कम से कम दो तीन ओवर सिंगल खेलेंगे वो बेहतर रहेगा टीम के लिए राकेश कहर तीन गेंदों में तीन रन बना चुके हैं राकेश कहर एक स्लिप उनके लिए बैकफुट पर जाकर कट कर दिया लेकिन वहां पर खिलाड़ी थे बेहतरीन फील्डिंग ये एफर्ट लगाना होगा समरेज भैया अब इस मुकाबले में अगर कम बैक करना है टीम नॉर्थ हिमालयस के खिलाफ शेषीर साथी फाउंडेशन को जी हाँ ये नॉकआउट स्टेज एफर्ट सबको देना होगा और पूरा एफर्ट आपको देना होगा पटकी हुई गेंद थी इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास और वहां पर पाए गए विकेट आता हुआ कम होता हुआ टीम साथी फाउंडेशन का जैसे कि हम अभी अभी यहां पर चर्चाएं कर रहे थे कि यहां पर विकेट चाहिए टिप्पा खाते ही गेंद थोड़ी सी बाहर मुड़ती हुई लेकिन इसे आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास पुल किया था लेकिन यहां पर अनसक्सेसफुल रहे बल्लेबाज आउट राकेश कर पहले पवेलियन की ओर तो शुरुआती तौर पे बढ़िया वापसी यहाँ पर सीसी साथी फाउंडेशन द्वारा तीन विकेट गवा चुके हैं और नए बल्लेबाज के तौर पे प्रथमेस मात्रे बोआ है और आप आपके स्क्रीन पर ये जो स्कूटी देख रहे हैं आप बेस्ट बैटर और बेस्ट बॉलर के लिए और मैड ऑफ द टूर्नामेंट के लिए फोर व्हीलर चैंपियन टीम के लिए 25 लाख की राशि और रनर टीम के लिए 15 लाख की राशि तीसरा स्थान में जो टीम समाप्त करेंगे सफर वो टीम के लिए पांच लाख की राशि ये देखिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का जो इनाम दिया जाएगा फोर व्हीलर जी हाँ ये चमचमाती हुई कार हर खिलाड़ी का सपना होता है जब बड़ा टूर्नामेंट आप खेलते हो कौन होगा मैन ऑफ द सीरीज इस टूर्नामेंट का गेंदबाज प्रथमेश इस बार हल्के हाथों से खेल दिया शॉर्ट कवर की तरफ सिंगल बटोरा बल्लेबाज आकाश चिंदारिया ने अब यहां से रिक्स नहीं लेना है आकाश चिंदारिया को कि पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ तीसरे ओवर की पहली गेंद सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया नए बल्लेबाज उनके साथ प्रथमेश मात्रे हालांकि इस सीजन में बेहतरीन टच में नजर आए प्रथमेश गोवा में एक प्रतियोगिता में बेहतरीन पारी खेली प्रथमेश ने ग्रामीण धमाका बिग बैश सेवेंटी प्रेजेंट्स जो टूर्नामेंट था वहां पर वो बढ़िया खेले और स्पोर्टिनो इवेंट हमारे फ्रेंड जिशान वकील इनकी जो स्पोर्टिनो इवेंट कंपनी है पूरी तरह से इस प्रतियोगिता में चार चांद लगाए स्पोर्टिनो इवेंट्स ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो अब स्पोर्ट्स में भी अपना एक अच्छा परचम यहां पर लहराते हुए नजर आई उनके पूरे कमिटी मेंबर्स स्पोर्टिनो के साथ इस प्रतियोगिता में समझदार ये भी नजर आया कि स्पोर्टिनो इवेंट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जहां पर ढाई मिनट का ब्रेक आपको मिलता है और वहां पर आप प्लानिंग कर सकते हो हालांकि आपके कोई इवेंट्स अगर हो, होंगे या फिर यहाँ पर फ्यूचर में आपको करवाने तो स्पोर्टिनो इवेंट के साथ आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए फॉर योर इवेंट्स

ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है सही वक्त नहीं है अब तीन विकेट अब गवा चुके हैं और चौदह के ऊपर तीसरा ओवर की खेल जा रही है यहाँ से वापसी करना होगा एक छोटा पार्टनरशिप हो टीम के लिए अहम हो उसी तरह आपको आगे जाना होगा अच्छा और ब्रेक डाल देते लिफ्टी बैटर के लिए टिप्पा खाते ही वो लेग कटर होती है होती हुई गेंद बाहर की जानीब मुड़ती है वहां से कट किया इस गेंद को प्रथमेश ने डबल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब सोलह रन बिल्कुल इसी अंदाज में आपको खेलना होगा सिंगल डबल के तहत स्ट्राइक को रोटेट करना होगा पिछला मुकाबला हमने देखा था टीम संबलपुर ने जीता था थॉमस अच्छा खेले उनके साथ नदीम धनोरी एक अच्छा स्टार्ट दिया उसके बाद सुनील चावरी अच्छा खेले थे इस बार ऑफ ड्राइव करते हुए डीप में खिलाड़ी काफी तेजी से आए गेंद पर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दूसरे की तलाश और यहां पर पूरा कर लेंगे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट पटरी पर आगे ट्रेन शुरुआती तौर पे जो तीन विकेट गवा चुके थे ना ये टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स अब ऐसा लग रहा है कि प्रथम इस मात्रे और आकाश चिंदारिया पूरी तरह से लय पकड़ चुके हैं और इसी के साथ ओवर हुआ समाप्त तीन के बाद 18 पे तीन 30 गेंद से जीत के लिए यहाँ से चाहिए चौंतीस रन मैंने कहा भी था सबरेजदा की अच्छे टच में नजर आए इस पूरे सीजन में ये प्रथमेश मात्रे गोवा में अच्छा खेले ग्रामीण धमाका बिग 7070 का जो हुआ भी वंडी में वहां पर अच्छा खेले यहां पर भी आपको परफॉर्मेंस देना होगा हालांकि एक बड़ा मुकाबला द विजिट रूम हमारे जो सोशल मीडिया हैंडलिंग कर रहे हैं अनलॉकिंग योर डिजिटल पोटेंशियल द विजिट रूम बने रहिए हमारे साथ सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग में और थैंक्स स्पोर्टिनो इवेंट्स, विजिट रूम वन स्टॉप इवेंट प्लानर स्पोर्टिनो इवेंट के साथ ये भी एक बड़ी कंपनी द विजिट रूम और जो आप ग्राफिक्स देख रहे हो धमाका बिग बैश से जुड़े हुए इंस्टाग्राम के हैंडल्स पर ये सब जो ग्राफिक्स है द विजिट रूम के तहत बनाए गए जो आप अभी एलईडी वॉल्स पर देख रहे हो जो ग्राफिक्स एक बड़ा नाम है स्पोटिनो के साथ द विजिट रूम का उनको भी हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं ऐसे ही आप अच्छे काम करते रहिएगा पर हल्के हाथों से यहाँ पर सिंगल बटोराय बल्लेबाज आकाश ने आकाश का प्लानिंग बिल्कुल सही है सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे प्रथमेश को अब प्रथमेश जरूर यहां पर चांस लेगा ऐसा मुझे लग रहा है समीजा जी हाँ कप्तान है कप्तान भी पारी आपको खेलना होगा वो वो समझ चुके हैं कि टीम का स्थिति अब कौन जगह पर खड़ा है यहाँ से टीम को बाहर निकाल निकालने के लिए आपको युगेश पेनकर की तरह खास कुछ बैटिंग करना होगा स्विच इट जी हाँ इसी बात का जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा था लेकिन वहाँ पर अच्छी फील्डिंग बैकवर्ड ऑफ पॉइंट पर क्योंकि यहाँ पर गेंदे खेल चुके थे प्रथमेश आकाश सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे तो शायद यहाँ पर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे प्रथमेष रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 19 19 रन 20 20 रन तीन विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर खेल दिया इस गेंद को शॉर्ट कवर की तरफ वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड और इसी के साथ दौड़ पड़े दूसरे रन की तलाश में बल्लेबाज आकाश सेंसिबल क्रिकेट कैप्टन नॉक यहां पर पेश करते हुए आकाश सेंसिबल क्रिकेट आपको खेलना होगा यहां से आगे जाने के लिए जीतना होगा आपको तो रास्ता जो है सीधा साफ दिख रहा है आपके लिए स्टीयरिंग सही पकड़ना होगा गियर का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा यहां से थोड़ा सा गलती करेंगे तो फिसल जाएंगे आप आकाश चिंदारिया प्रथम एक अच्छा साझेदारी बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास था बल्ले और गेंद का कोई मिलाफ नहीं इस बार विजय ये अच्छा कम, कम बैक रहा है विजय द्वारा इसी लेन को हिट करने का प्रयास करेगा अब विजय अगली गेंद पर क्योंकि एक स्लिप में वहां पर ओमकार देसाई मुझे नजर आ रहा है फिर से एक बार विजय ओ इस बार उल्टा पुल्टा स्ट्रोक का प्रयास और अंपायर का डिसीजन उंगली खड़ी एलबीडब्ल्यू के तहत विकेट मिलता हुआ विजय को आकाश चिंदारिया के पारी का खात्मा बिल्कुल बड़ा छटका यहां पर नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के लिए एक और विकेट और ये देखिए यहां पर रिव्यू के लिए मांग किया गया लेग बिफोर विकेट ऑन फील्ड अंपायर का ये फैसला था और चैलेंज किया नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स तो तीसरा अंपायर से क्या फैसला आएगा वो आना बाकी उसके लिए हमारे साथ बने रहिए है स्पोर्ट्स में आज चौथा दिन आज का जो लिखा चुका अब तक इस टूर्नामेंट का बिग बेस्ट धमाका सीजन टू पहला मुकाबला एमय सी पहला टीम के रूप में सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं समृता अगर आप टीम के कप्तान कप्तान होता है डीआरएस लेना यही किया है आकाश ने जैसे पैर से गेंद लगी थोड़ी सी निराश यहाँ पर नजर आई लेकिन उसके बाद डीआरएस उपलब्ध था वहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हुए बचपन में आप क्रिकेट खेले हैं देखे है कि जिसका बल्ला होगा ना वो आगे बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे जी हाँ ये बात तो बिल्कुल सही आपने कही बचपन में आपने क्रिकेट खेला मैंने बहुत क्रिकेट खेला जिसका बल्ला वो दो तीन बार भी बैटिंग कर लेता था <laughs> बिल्कुल और देखिए यहाँ पर वक्त हो गया स्पोर्टिनो इवेंट स्ट्रेटेजी टाइम आउट का तो इधर हम सब तैयार और उधर के के आर है तैयार दो सौ तिहत्तर जी जी हाँ दो सौ बहत्तर रन बनाए दो सौ तिहत्तर रन बनाने जीत के लिए दिल्ली कैपिटल्स को ओ -टी आउट यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर रिव्यू लॉस्ट हिमालयन टाइगर्स का और एक अच्छा डिसीजन था ऑनफील्ड अंपायर द्वारा जी हाँ बिल्कुल आप देख पा रहे स्क्रीन पे मिडिल स्टाफ पर गेंद था पिचिंग था लाइन में सही फैसला एक और विकेट विकेट नंबर चार तेईस पे चार शोकों से तालिया बजी जब करण अंबाला की एंट्री हुई ये बड़े खिलाड़ी है बड़े ऑलराउंडर भारतीय टेनिस क्रिकेट विश्व के अच्छा रहा है सीजन पिछले कुछ सालों में ये उबर कर आए इनका खेल आईएसपीएल में अच्छी पारिया लिए हालांकि सबसे हाईएस्ट बीटिंग उनके ऊपर रहा था आईएसपीएल के फर्स्ट सीजन में 27 लाख लैक्स अब वो बल्लेबाजी करेंगे नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के लिए हाईएस्ट बीटिंग आपकी हाईएस्ट तो बेनिफिट भी आपको दिए है वो जी बिल्कुल बड़ा खिलाड़ी है हालांकि जब रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार हालांकि वो दूसरी तीसरी बार मेरे सामने खेल रहे थे तभी मैंने कहा था कि ये खिलाड़ी इंडियन टेनिस बॉल क्रिकेट में सबसे बड़ा ऑलराउंडर के तौर पर सामने आएगा और हालांकि वो रील्स भी उन्होंने ही शेयर की थी हालांकि वो मैंने मराठी में कहा था और आज देखिए वो खिलाड़ी बेहतरीन खेलता हुआ आते ही लंबे स्ट्रोक का प्रयास लेकिन चकमा दिया विजय की इस गेंद ने बल्लेबाज करनम्बाला को पिछला दो तीन साल में ये भी उभर कर आए हैं विजय सरकार बेंगल टेनिस क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इसका खास तौर पे इस सीजन बेहतरीन गेंदबाजी और यहाँ पर बड़ा मंच बड़ा मुकाबला डू और डाई मैच पहला ओवर जबरदस्त बॉलिंग की है विजय सरकार सिर्फ चार रन एक सफलता जी हाँ सफल रहा था ये ओवर एक ओवर चार रन एक विकेट आकाश चिंदारिया को आउट किया दुर्गापुर धमाका बिग बैश नेक्स्ट मैच एंजल कोलकाता वर्सेस डीजे इलेवन टॉस यहां पर जीता है एंजल कोलकाता ने और टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया सर सरोज ने बिल्कुल डर्बी है ये सबका निगाह है रहेगा इस मैच पर सरोज प्रमाणिक पलटन वर्सेस जोंटी सरकार ब्रिगेड क्या होगा वो मैच में फैसला बने रही हमारे साथ फिलहाल चार ओवर की समाप्ति चार के बाद तेईस पे चार बाईस चार ओवर की समाप्ति चार के बाद बाईस पे चार और जीत के लिए चौबीस गेंद से चाहिए अब तीस रन थर्टी रन रिक्वेड फ्रॉम ट्वेंटी फोर बॉल्स और लीजिए नए भार की शुरुआत होगा पहला गेंद हल्के हाथों में दिशा दिया और ड्राइव मिड ऑफ की दिशा में एक और रन की तक देरी होगा स्कोरबोर्ड में यही सिंगल यही तरीका अपनाइए आगे जाने के लिए दिक्कत नहीं होगा आपको लेकिन दिक्कतें पेश आ भी सकती है क्योंकि चार विकेट खोई है टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स ने यह मुकाबले में अगर एक दो बड़े हिट आते या फिर करण अंबाला के के बल्ले बल्ले से से या फिर देखा जाए तो बल्ले के बल्ले से, तो बल्लेबाज मुकाबला आसान होगा टीम नॉर्थ हिमालय के लिए जी हाँ मुश्किल को आसान करना होगा और आसान काम भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है विश्वनाथ यादव वो आया गेंदबाजी करने के लिए पांचवा ओवर के लिए पहला उनके लिए और सामने होंगे करण अंबाला अभिषेक डालहोर ये नाम भी हम सभी ने सुना पहली बार एस इस एल के द्वारा कौन जानता है इनका नाम अभिषेक डालोर है अंबाला की खिलाड़ी हरियाणा की इससे पहले कुनल सर बता चुके हैं इतिहास उनका लीजिए सेंसिबल क्रिकेट इस बार बल्ला का मुंह खोला

बैकवर्ड पॉइंट से खिलाड़ी आएंगे जब तक उठाएंगे एक और बार दो रन। जी, की खेला था इस गेंद को वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था हालांकि बैकवर्ड पॉइंट से जब तक खिलाड़ी आते तब तक पर्याप्त समय था बल्लेबाज करण अम्बाला के पास ये तरीका जो खिलाड़ी अपना इस टूर्नामेंट में वो सक्सेस रह चुके हैं इससे पहले कई बार फिर एक बार देखिए पहला रन आसानी के साथ मिलेगा करण अंबाला को दूसरे की प्रयास होगा जी नहीं अब शायद एक ही मिलेगा अब इस बार तेज गए थे सकलीन गेंद पर सिंगल के साथ यहां पर अब स्ट्राइकिंग एंड पर प्रथमेश मात्रे सात गेंदों में आठ रन बना चुके हालांकि अब तक थोड़े से खामोश यहां पर नजर आए उनका बल्ला खामोश नजर आया हालांकि बड़े बड़े स्ट्रोक के लिए ये भी जाने जाते हैं लेकिन अब तक गेंदबाजी अच्छी रही है बीस गेंद से चाहिए चौबीस रन गेंद और रन के बीच फर्क इतना दूर नहीं सिर्फ चार, एक वो दूरी मिटाएंगे। तो इस बार लीजिए हवा में गेंद कुछ देर के लिए नोमैन स्लैंड गिरेगा और बाहर भी किया जाएगा जी नहीं इसी बीच एक रन दो रन बैकफुट पर जाकर एक अच्छा पंच लेकिन थोड़ा सा यहां पर ऊपर से खेला था इस गेंद को हालांकि स्वीपर कवर के खिलाड़ी काफी दूर थे इस गेंद से और खेलते ही यहां पर मन बना लिया था कि दो रन यहां पर जरूर हम लेंगे दो रनों के साथ दस पर टीम का कुल योग अब तीस पर थर्टी लॉस ऑफ फोर विकेट तीन कपल दो सिंगल कुल मिलाकर पांच गेंद से आठ रन आखिरी गेंद से क्या यहां पर विकेट मिलेगा जी हां बिल्कुल मिलेगा विश्वनाथ को सफलता ब्रेक थ्रू दिलाए अपने टीम को और जाना होगा डग आउट मात्रे को अब यहां रिस्क नजर आता हुआ अच्छी कटर गेंद थी हालांकि ऑफ ब्रेक था लेकिन लेफ्टी बैटर के लिए लेग कटर बाहर जाने वाली गेंद को स्वीपर कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास और यहां पर बल्ले का ऊपरी सिरा और यहां पर पाए गए बल्लेबाज प्रथमेश मात्रे पांचवा झटका लगता हुआ टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को और इसी विकेट की तलाश थी कप्तान विकेट कीपर ढेकले को अब यहाँ पर पलटवार हो सकता है टीम शिशिर साथी फाउंडेशन द्वारा जीत के लिए 18 गेंद से चाहिए बाईस रन ट्वेंटी टू रन रिक्वेड फ्रॉम एटीन बॉल्स आखिरी तीनों बार रवि बनारस एक और जाबाज़ के बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट में ये भी जाने जाते हैं माहिर हैं अपने करिश्मा क्या दिखा पाएंगे यहां पर 18 गेंद से 22 रन मैच ऑन है दोनों टीम के लिए करण अंबाला उनका रोल क्या होगा इस मैच में बस सोच ये होगी एक बड़ा हिट अगर एक बड़ा हिट आता है तो ये मुकाबला थोड़ा की दिशा में खिलाड़ी तेज भाग रहे गेंद के पीछे वही रणनीति फिर अपनाए पहला रन तेजी के साथ दूसरा रन के लिए निकाल पड़े और दो रन देखिए यहां पर फिर एक बार करण द्वारा रवि बनारस जाकर टकराए गेंदबाज से तो सबसे पहले तो विजय को देखना होगा यही रवि बनारस ने सोचा वो पहले गए विजय के पास उन्होंने कहा आप ठीक तो हो और दो रन यहाँ पर पूरे जी हाँ सब ठीक ठाक यहाँ पर नजर आता हुआ फिर से एक बार गेंदबाज अपनी बोलिंग मार्ग पर ये स्पोर्टिंग स्पिरिट है और इसीलिए क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है कुणाल जी और ये होना चाहिए जब आप फील्ड पर खेलते हो हालांकि ये दूसरे रन की तलाश थी रवि बनारस जाकर टकराए बीचे वो रोकने का प्रयास कर रहे थे गेंद को रवि बनारस का क्या बल्ला लगा विजय को ये यहाँ पर रवि बनारस ने जाके उनसे पूछा आप ठीक तो हो आकर पंच किया और भर का भर में खिलाड़ी मौजूद एक और रन की तब्दील स्कोर बोर्ड में ये अच्छा बैकफुट पंच था बल्लेबाज किरण अंबाला द्वारा सिंगल के साथ अब रन संख्या तैतीस थर्टी थ्री लॉस ऑफ फाइव विकेट और ये देखिए हमारे दर्शक काफी खुश उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल यहाँ पर नजर आती हुई कैमरा की लेंस को हाय हेलो यहाँ पर करते हुए दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2024 का ये दूसरा संस्करण हालांकि 25 लाख की इनामी राशि पहला प्राइज सबसे बड़ा टूर्नामेंट थ यादव एक ओवर गेंदबाजी किए है आठ रन एक सफलता और विजय सरकार आखिरी ओवर अपने कोटे का अब तक सिर्फ सात रन एक सफलता पांच दशमलव दो पांच इकोनॉमी के साथ पेश आए विजय सरकार सामने होंगे इस बार रबी बनारस जीत के लिए यहां से चाहिए सोलह गेंद से उन्नीस रन क्लिक करने के प्रयास था मन बना ले थे पहले, पहले से कि करेंगे जी नहीं रिप्ले में आप देख सकते हैं अच्छी गेंदबाजी साइड में को मोड़ दिया था इस बार जगह से ही बल्लेबाज ने लेकिन गेंद घूमी बाहर निकली और चकमा दिया बल्लेबाज रवि बनारस को इस गेंद ने और फिर एक बार सफल रहे यहां पर विजय सरकार ने लगातार दो बिंदी गेंद और शायद डीआरएस के लिए जाएंगे यहाँ पर विकेट कीपर कप्तान क्योंकि अपील तो उन्होंने ही की थी आपके पास डीआरएस उपलब्ध है तो शायद वो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सुमित ढेकले ऑनफील्ड अंपायर का डिसीजन था नॉट आउट शायद इंपैक्ट जो था अंपायर का कहना होगा कि वो शायद आउटसाइड साइड होगा इस बार चेक होगा हमारे पीसीआर रूम में देखा ही नहीं जाएगा इंपैक्ट क्या था लाइन क्या थी गेंद की तो फिर एक बार बता दो इस मुकाबला के बाद आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा बिग बेस धमाका सीजन टू का एंजल कोलकाता के साथ डीजे 11 पहला टीम के रूप में एमयू संबलपुर पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में दूसरा टीम कौन होंगे इस मैच के बाद पता चलेगा और नो बॉल का फैसला ऑन स्क्रीन तीसरा अंपायर से 52 टू है नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के सामने बाबन रन की लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स कौन टीम क्वालिफाई करेंगे यहां से बने रही हमारे साथ नेहरू स्टेडियम में पहला सीजन पुनाल जी शहीद भगत सिंह स्टेडियम और यादगार वो पल फिर एक बार दर्शकों ने यहां पर दोहराना चाहेंगे और दूसरा सीजन नेहरू स्टेडियम में तो फैसला हो चुके हैं फैसला आ चुके हैं नो बॉल प्लीज मैच को कंटिन्यू कीजिए ही बोलेंगे तो आप लोग को बोला जा रहा है कि मैच कंटिन्यू करने के लिए बोला तो फिर एक बार आपको बता दू कल खेला जाएगा सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला आखिरी दिन कल डे फाइव सीजन टू बिग बैस

फील्डिंग साइड प्लीज डोंट आर्गूमेंट विथ द विल बी द फाइनल डिसीशन प्लीज गेम को आगे बढ़ाइए मैच को आगे ले जाइए आर्गूमेंट मत कीजिए टाइम मत वेस्ट कीजिए आपसे अनुरोध है सारे खिलाड़ी से और कप्तान साहब से नो no बॉल फैसला आ चुके हैं फिर एक बार नो बॉल प्लीज कंटिन्यू द मैच सारे खिलाड़ी से अनुरोध है फील्डिंग साइड प्लीज कंटिन्यू द मैच तो जो फैसला आना था ऑन स्क्रीन आ चुके हैं आप सभी के लिए प्लीज मैच को कंटिन्यू कीजिए आपसे अनुरोध है फील्डिंग साइड से कप्तान साहब आप जाइए और मैच को आगे बढ़ाइए कैप्टन ऑफ द टीम सुमित देख ले आपसे अनुरोध है कि प्लीज मैच को कंटिन्यू कीजिए टाइमर चालू है प्लीज मैच आगे बढ़ाइए इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू सुमित देख ले कैप्टन अगला जो गेंद होगा वो फ्री हिटलोर सो आखिरी तीन गेंद इस ओभर में और स्कोर फिलहाल फोर चौतीस पे पांच अगला जो गेंद होगा वो फ्री हिट फील्डिंग साइड कैप्टन सुमित देख लीजिए जी आपसे अनुरोध है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मैच कंटिन्यू कीजिए प्लीज आपसे अनुरोध है प्लीज मैच कंटिन्यू कीजिए कैप्टन ऑफ द टीम मिस्टर सुमित देख ले आपसे ये अनुरोध है रिक्वेस्ट है प्लीज मैच को आगे बढ़ाइए जो फैसला था ऑन स्क्रीन आ चुके हैं। अंपायर्स डिसीजन मानिए और आगे बढ़िए मैच को आगे बढ़ाइए प्लीज इतना बड़ा टूर्नामेंट पूरा देश देख रहे हैं तो अंपेयर्स का जो डिसीजन, उनके साथ जाइए मैच को आगे बढ़ाइए प्लीज कैप्टन सुमित देख ले अगेन रिक्वेस्ट टू यू और हमारे जो टाइमर इनिंग्स का वो स्टार्ट हो चुके हैं तो मैच को आगे बढ़ाइए प्लीज प्लीज कंटिन्यू द मैच कैप्टन सर इट्स अंबल रिक्वेस्ट टू यू मिस्टर सुमित देख ले प्लीज मैच कंटिन्यू कीजिए स्क्रीन पे अंपायर का फैसला आ चुके हैं प्लीज कंटिन्यू द मैच सुमित देख ले सर फिलहाल 34 में पांच पिछड़ा गेंद नो था और जिसके चलते हुए आगे का जो गेंद वो होगा फ्री हिट तो मौका है यहां पर फ्री हिट का क्या खास इस्तेमाल कर पाएंगे रोफी बनारस और सामने होंगे विजय सरकार पांच दशमलव तीन तीन इकोनॉमी के साथ इस मैच में गेंदबाजी के हैं विजय सरकार ने एक सफलता उनके नाम पर क्या खामोश रख पाएंगे रवि बनारस को अब बड़े हिट के लिए जरूर जाएंगे रवि बनारस क्योंकि फ्री हिट मिला है वो फेस करेंगे इस गेंद को रन संख्या चौतीस थर्टी फोर रन बनाने जीत के लिए बावन जी नहीं बढ़िया बापिस विजय सरकार द्वारा पूरी तरह से खामोश रखा है कुणाल जी रवि बनारस जैसे बल्लेबाज को फ्री हिट में जी हाँ एक डॉट बॉल यहाँ पर डिलीवर किया है विजय ने लेग कटर का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर पैर नहीं चले अब तक रवि बनारस के जगह से जगह से उठाकर खेलने का प्रयास था हालांकि वहां पर चकमा दिया गेंद ने विजय के रवि बनारस को तीन गेंदे डॉट खेल चुके अब सीधे बल्ले से उछाल दिया डाउन दी ग्राउंड बिल्कुल स्ट्रेट याता हुआ लंबा छक्का दुर्गापुर धमाका बिग बैच सिक्सर इस्तेमाल नहीं था लेकिन इस बार हवाई फायर रवि बनारस और कुल मिलाकर इस मैच का ये पहला छक्का था फिर एक बार तेजी के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री को क्लियर करते हुए एक और चौका कुणाल जी बढ़िया बॉटम एंड का इस्तेमाल इस बार थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास था जब छक्का लगाया था पिछली गेंद पर और ये एक ऑन ड्राइव लगाया बल्लेबाज रवि पनारस ने वहां पर खिलाड़ी थे प्रयास हुआ लेकिन गेंद गोली की रफ्तार से चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन क्या ये जो 10 रन मोमेंटम नहीं अब मैच बन चुका है नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स के लिए टाइगर्स के लिए क्योंकि ये टाइगर है इस टीम का पहली तीन बिंदी गेंद खेल चुका था रवि बनारस प्रेशर बिल्ट हो रहा था रवि बनारस पर लेकिन सीधे बल्ले से छक्का लगाया ऑन ड्राइव से चार रन बटोरे पिछली दो गेंदों पर दस रन रन संख्या स्कोर बोर्ड पर ओवर समाप्त फोर्टी फोर छह के बाद चौवालीस पे पांच यानी बारह गेंद से आप जीत के लिए चाहिए सिर्फ आठ रन कौन आएंगे गेंदबाजी करने के लिए सतारा एक्सप्रेस नवनीत सिंह परिहार सतारा एक्सप्रेस आए हैं नवनीत सिंह परिहार और सामने होंगे बल्लेबाज अभी से डल होर, अम्बाला और पिछला जो छक्का था ना ये पूरे मैच का पहला चका. टाइट मैच क्रूसियल मैच होना ही है एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला है एक तरफा मैच नहीं देखेंगे आप सेंसिबल क्रिकेट इस बार Momentum आ गया आपके लिए मैच में यहां से बड़ा शॉट जल्दीबाजी हड़बड़ा जरूरत है नहीं गैप को ढूंढना चाहेंगे अब बल्लेबाज अभिषेक और उसी के चलते पहली गेंद को यहाँ पर सम्मान दिया था हल्के हाथों से खेला था शॉर्ट कवर की तरफ वहां पर थे खिलाड़ी विश्वनाथ और इस बार अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की प्रयास था मिडॉन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद एक और रन जोड़ा जाएगा करण अंबाला के नाम पर एक और रन स्कोर बोर्ड में हिमालयन टाइगर्स को 10 गेंद से सात रन अच्छा प्रयास था फॉलो थ्रू में नवनीत द्वारा हालांकि रोक सकते थे हाइट अच्छी थी और उसी के चलते देखिए निराश नजर आए दोनों हाथ सिर पर चले गए अगर इस गेंद को रोकते तो शायद दबाव यहाँ पर बन सकता था टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स पर लेकिन ये बल्लेबाज अब लंबे प्रयास जरूर करेंगे जी रवि फिर एक बार बार प्रयास था लेकिन इस लेग बिफोर विकेट का मांग उंगली उठी जाना होगा डाकआउट एक और छटका विकेट नंबर सिक्स मैच में क्या ट्विस्ट आएगा क्या मैच आखिरी ओवर तक जाएगा सब कुछ के लिए बने रहिए हमारे साथ सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स में बातचीत हो रही है क्या डीआरएस के लिए जाएंगे लेकिन अभिषेक ने कहा जी नहीं आप तो विक्टो के बीचों बीच बात शायद कही है अभिषेक ने रवि बनारस से जी नहीं आपको जाना होगा फिर से एक बार रवि बनारस फिर भी बड़े स्क्रीन पर देखना चाह रहे और उसके बाद अब चल पड़े है डगआउट की ओर अब यह अच्छा रहा था ये मोमेंट अच्छा था स्क्रीन देखने के बाद थोड़ा सा सुकून मिला दिल को कि कोई दो राय नहीं कि हम जाए लेकिन स्क्रीन देखने के बाद आपको डीआरएस नहीं मिलता था तो जी यहां से भी मैच बन सकता है टीम शिशिर साथी फाउंडेशन के लिए क्योंकि एक मुकाबला ऐसा भी रहा है इस साल दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग में जहां पर आखिरी ओवर में छह रनों को डिफेंड किया गया गेंदबाज सिंह परिहार और फिरोज शेख का बात आप कर रहे हैं फिरोज शेख जो तीसरा मुकाबला था ग्रुप सी का कल खेला गया इस मैदान में डीजे इलेवन के लिए डिफेंड किया है छह रन जी हाँ फिरोज ने आखिरी ओवर में छह रन डिफेंड किए थे इसी ग्राउंड पर इसी टूर्नामेंट में अब यहां से नौ गेंदों में रन बनाने जीत के लिए सात छ 70 -70 का ये सब्सक्राइबर मीटर छे -छे का आंकड़ा यहां पर नजर आ रहा है लेकिन जल्द से जल्द सात को छूना होगा यही मंजिल है सेवनटी सेवेंटी का उनके नाम के साथ साथ जाता है और सब्सक्राइबर संख्या भी साथ होगा जरूर होगा जल्द होगा और जी हाँ सबको साथ लेकर चलते हैं की तारीफ स्पोर्ट्स सात लाख का आंकड़ा जरूर छुएगी इस प्रतियोगिता में 70 -70 स्पोर्ट्स की टीम पैंतालीस रन छह के नुकसान पर, इंस्टाग्राम पर 70 -70 स्पोर्ट्स, दो लाख सोलह हजार फॉलोअर्स वहां पर भी जुड़ चुके हैं सेवेंटी स्पोर्ट्स पर वहां पर जाकर भी आप फॉलो कर सकते हो सेवेंटी स्पोर्ट्स को तो कब बोलेंगे तारिक सैयद की हम साथ, साथ है इंतजार करना पड़ेगा फिलहाल नवनीत अच्छा ओवर अब तक लोकेश चौहान और लीजिए यहां पर एक और झटका मैच में ट्विस्ट आता हुआ जो मोमेंटम यहां पर बन गया था नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के लिए वो मोमेंटम धीरे धीरे पीछे जा रहा है मैच और कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट इस बार आता हुआ शायद इस बार तेज रखने का प्रयास बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर फॉलो थ्रू में एक बेहतरीन कैच नवनीत द्वारा और इस बार पलटवार करती हुई टीम शिशिर साथी फाउंडेशन इस मुकाबले में आउट होकर बल्लेबाज लोकेश डग आउट में और नए बल्लेबाज अमित नाइक बल्लेबाजी के लिए देखिए अब सबरेजदा स्क्रीन पर आंकड़ा भी 7-7 का हो चुका है 7 गेंदों में 7 हम सब 7-7 है सात गेंद से सात रन चाहिए नए बल्लेबाज आए हैं अमित नायक अब नहीं छोड़ेंगे सुमित देख ले ये देखिए फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली यहां पर नजर आती हुई आखिरी गेंद गेंदबाज नवनीत द्वारा बेहतरीन ओवर रहा अब तक इस ओवर में महज 1 रन 2 विकेट उनके खाते में यहाँ पर आखिरी गेंद अगर अच्छी कर लेंगे नवनीत तो आखिरी ओवर में आखिरी गेंद तक ये मुकाबला चलेगा इसी बात का जिक्र हो रहा था थोड़ी देर पहले कमेंट्री बॉक्स में कि आखिरी ओवर तक जाएगा कल जो तीसरा मुकाबला था डीजे 11 एमयूसीसी e. संबलपुर को हराया था वो मुकाबला में छह रन था आखिरी ओवर में इस तरह की कूट स्थितियां बनेंगे जी हां बिल्कुल यह मैच ऑन गेम ऑन और आखिरी ओवर करेगा इस मैच का फैसला ऑन ये देखिए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से इस बार एंगल की तहत अंदर आई गेंद और सीधे जाकर मिडल स्टिक पर जाकर टकराई आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास बल्लेबाज अमित नाइक का और अब डग आउट की राह पर अमित नाइक यानी कि कहानी में ट्विस्ट आखिरी ओवर में रन बनाने जीत के लिए नॉर्थ हिमालयन टाइगर को सात छे गेंदे सात रन यह बेहतरीन ओवर रहा अब तक नवनीत का इस ओवर में महज एक रन और तीन विकेट ऐसे भी हम देख सकते हैं अगर यहां से दो विकेट अगर लेती है टीम तो जीत जाएगी टीम, टीम टाइगर्स। ये 70 -70 का सबस्क्राइबर मीटर। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द कीजिए स्पोर्ट्स को लाइक कीजिए शेयर करना ना भूले और बेल आईकॉन को हिट करना ना भूले कल का मैच का बाद फिर याद दिला रहे सारे दर्शकों को फिर वही पल कल फिर बने थे किसके लिए हीरो डीजे हीरोन के लिए आज कौन हीरो बनेगा सिर साथी के लिए पिछला ओवर में जो कारनामा करके दिखाए है यहाँ पर नवनीत सिंह परिहार वो खास सिर्फ नहीं था इस मैच का गेम चेंजिंग ओवर था नए बल्लेबाज धीरज सिंह वो मैदान पे आए हैं फिलहाल फेस करेंगे करण अंबाला और सामने आशीष मेहरुल अपने कुड़े का पहला ओवर में तीन रन दो सफल था आप चाहिए छह गेंद से सात रन पहला गेंद पे डाले थे इस सवाल का कोई जवाब नहीं था आपके पास परफेक्ट यॉर्कर। खामोश दर्शक अब तालियां बजती हुई टीम शिशिर साथी फाउंडेशन के लिए पहली गेंद परफेक्ट यॉर्कर। और यहां पर बिंदी गेंद आती हुई पांच गेंदे सात रन इतना क्लोज मैच टफ फाइट पांच गेंद से सात रन फिलहाल एक सिंगल यानी आप चाहिए चार गेंद से छ रन और दर्शक इतना शांत क्यों बैठे हैं कुणाल जी इतना अच्छा मुकाबला चल रहा है आवाज कहा आएगी जरूर आएगी आवाज एक लंबा हिट इस मुकाबले में नॉर्थ हिमालयन टाइगर सेमीफाइनल में ट्राइंगुलर में सुपर थ्री में एक विकेट फिर से एक बार दबाव शिशिर साथी फाउंडेशन द्वारा यहां से हर एक गेंद काफी महत्वपूर्ण होगी इस मुकाबले में गेंदबाज आशीष मेहरूल सामने बल्लेबाज धीरज सिंह आखिरी चार गेंद कल ये कारनामा करके हीरो बने थे फिरोज शेख क्या आज यहां पर आशीष मेहरूल हीरो बन पाएंगे या यहां पर धीरज सिंह करण अंबाला जीत की ओर टीम को आगे ले जाएंगे नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को कप्तान की मैं प्रशंसा करूंगा समरेजदा यहां पर अच्छी कप्तानी रही है जो यहां पर वेरिएशन नजर आए गेंदबाजी में परिवर्तन नजर आए गेंदबाजी में वो अच्छे रहे अब तक सुमित ढेकले द्वारा अब चार गेंदे रन मेहरूल धीरज सिंह पूरी तरह से चकमा दिया फिर एक बार मैच में ट्विस्ट कहानी में ट्विस्ट बचे हैं आपके लिए तीन गेंद और जीत के लिए चाहिए छह रन लिख कटर देखिए कहा गेंदगिरी कहा चली गई बिल्कुल भी समझ में नहीं आई ये गेंद धीरज सिंह को अब तीन गेंदों में छह रन मेहरूल धीरज सिंह क्या स्ट्राइक करण अमला को मिलेगा जी नहीं उनके पास ही जी हाँ मिल गया मिल चुके हैं अम्बला को स्ट्राइक उनको जाना होगा डाग आउट धीरज सिंह को जाना होगा डगआउट ये देखिए फिर से एक बार लेग कटर टिप्पा गेंद बाहर निकली हालांकि देखा यहाँ पर परका समझा और उसके बाद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर यहाँ पर रन आउट किया बल्लेबाज धीरज सिंह को तब तक सुरक्षित थे करण अंबाला स्ट्राइकिंग एंड पर दो गेंदे छह रन नए बल्लेबाज आखिरी जोड़ी अब मैदान पर आईएसपीएल आखिरी दो गेंद जीत के लिए चाहिए छह रन एक बड़ा शॉट जीत मुकम्मल करेगा नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स एक बिंती गेंद प्रेशर बढ़ाएगा टीम के ऊपर दो गेंद छह रन दिलचस्प ये मुकाबला इस बार तेज करने का प्रयास जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में वाइट बॉल अंपायर का सिग्नल आता हुआ यह मुकाबला बनता हुआ दोनों टीमें अब बराबरी पर 50-50 मैच दो गेंदे पांच रन जी हां मैच ऑन कड़क मुकाबला पैसा वसूल मैच ओ रुकना होगा शिवम को रुकना होगा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हालांकि आईपीएल में यह बैटल रन बनाने पांच जी नहीं इस बार भी बल्ला और गेंद के बीच कोई कनेक्शन नहीं यानी आखिरी गेंद नहीं अब इस मैच का फैसला करेगा आखिरी गेंद और इसीलिए हम लोग कहते हैं यहां पर जीत और हार के बीच फर्क होगा एक गेंद का जीत और हार के बीच फर्क होगा एक रन का अभी फर्क करेगा एक ही गेंद अगर यहां पर चौका लग जाता है तो मैच टाई एंड देन सुपर ओवर एक गेंद पांच रन छक्का लगाया तो नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स यहां पर विनिंग मोमेंट नजर आएगा आखिरी गेंद बैट का बाहरी सिरा और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन की तरफ मैच टाइ सुपर ओवर यहां पर खेला जाएगा दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग में बारह के बल्ले से चार पहला सुपर ओवर सीजन टू यह देखिए दर्शकों का चेहरा सभी ने यहां पर खुश हो चुके हैं पूरी तरह से मैच हो तो ऐसा मैच पैसा वसूल मैच सुपर ओवर फर्स्ट टाइम सीजन टू बिग बैस धमाका बल्ला हाथ में घूमा ओमकार देसाई थे वहां पर ओंकार देसाई को चकमा देते हुए गेंद मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन और पहला सुपर ओवर अब खेला जाएगा दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2024 में वाह क्या मैच रहा था क्या मुकाबला रहा था पैसा वसूल मोमेंटम लेकिन मिल गया था कुणाल जी नॉर्थ इमाल टाइगर्स को जो मोमेंटम मिला था ना पांच छह ओवर के वक्त वो मोमेंटम खो गया इसलिए क्रिकेट को महान अनिश्चित का खेल कहते हैं लोग एक का खेल ग्लोरियस इसलिए तो कहा जाता है और इसीलिए तो इस खेल के दीवाने आप में हम सब 140 करोड़ जनता और हालांकि आईपीएल भी चल रहा है, अच्छा है। डीसी के सामने चार विकेट खो दिए डीसी ने केकेआर बिल्कुल है तैयार उधर जो सो चलाए आज दो रन ये बातें तो होती रहेगी लेकिन समरजदा ये मुकाबला क्या रहा है क्या मैच था मैच ऑफ द इवनिंग मैच ऑफ द नाइट नहीं है कोई भी डाल सकता है कोई भी बैटिंग कर सकता है तो अब सुपर ओवर में यह मैच खेला जाएगा हालांकि अब लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है कोई भी आके सुपर ओवर डिलीवर कर सकता है कोई भी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर सकते हैं और जब सुपर ओवर टाई होगा तो फिर से एक बार सुपर ओवर ही खेला जाएगा जब सेकेंड सुपर ओवर टाई होगा फिर से एक बार सुपर ओवर खेलेंगे मैच रिजल्ट आने तक सुपर ओवर ही खेला जाएगा और नई गेंद से सुपर ओवर यहां पर खेला जाएगा दोनों टीमों के लिए नई गेंद होगी ओवर सबरे जी छा मेरे जी हाँ जी, हा, जी, हा, जी फास्ट सुपर ओवर है बिग सीजन टू का पहला सुपर ओवर सर पहला सुपर ओवर बिग बैस धमाका सीजन टू दुर्गापुर क्लब समन्वय एंड मिस्टर हेमंत मनल जी प्रेजेंट्स येहडू स्टेडियम फर्स्ट सुपर ओवर दिलचस्पी यह मुकाबला था कांटे का टक्कर था आखिरी गेंद भी फैसला नहीं कर सके इस मैच का अब करेगा सुपर ओवर अगर ये सुपर ओवर नहीं कर पाएगा तो फिर सुपर ओवर वो सुपर ओवर नहीं कर पाएगा तो फिर सुपर ओवर क्या उतना दूर तक हम लोग जाएगा बताना पड़ता है पहले से और ये देखिए सारे दर्शक यहां पर खुश है और कौन गेंदबाज को चुने यहां पर शिशिर साथी फाउंडेशन जो गेंदबाज इस मैच में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की है गेम चेंजिंग ओवर किया नवनीत सिंह परिहार ये चेहरा देखिए दर्शकों का सभी ने यहां पर खुश है मैच हो तो ऐसा मैच क्वार्टर फाइनल मुकाबला कांटे का टक्कर था आखिरी गेंद डिसाइड था फिर भी डिसाइड नहीं कर पाए कौन टीम आगे जाएंगे अब करेगा डिसाइड इस मैच का नतीजा सुपर ओवर सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स में हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स लाइक कीजिए शेयर कीजिए ऐसा रोमांच और कहा नब ने न अंबाला पहला रन तेजी के साथ निकाल पड़े और जी हाँ पहला रन आसानी के साथ केतन माथ्रे वो अब सामना करेंगे तो एक गेंद का खेल हो चुका है सुपर ओवर में एक रन आ चुके हैं खास ये मैच है यह मैच सब मैच से अलग है सब मैच से अलग है सबसे बड़ा मैच है आधे बल्ले से खेलने का प्रयास था करण अंबाला आखिरी गेंद पर चौका लगाया था करण अंबाला ने और इसी के चलते ये सुपर ओवर में आ चुका है पहला सुपर ओवर दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग का समझ जी हाँ जो पहली बार होता है वो खास होता है नील अमस्ट्रम चांद पे गए थे पहली बार वो खास है यहां पर ये पहला सुपर केतन दूसरी गेंद सही ठिकाने पर फिर से एक बार वही प्रयास का इशारा अंपायर की से एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स पहली दो गेंदों पर महज दो रन नफीतुली गेंदबाजी नवनीत द्वारा जी हाँ इसलिए उसी को चुना गया यहां पर वो गेम चेंजिंग ओवर था जिसके चलते हुए वो ओवर के चलते हुए तीन विकेट चटकाए थे उस ओवर से और सिर्फ एक रन और जिसके लिए कप्तान साहब ने सुमित देख लें गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपे उनके ऊपर करण अंबाला कनेक्शन कितना अच्छा है उतना अच्छा नहीं जितना आप चाहते थे और मिल गई विकेट नवनीत को ये नवनीत ने कमाल किया है करण अंबाला डिपार्ट दो रनों पर पहला झटका टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को अब थोड़ी सी कठिनाइया महसूस करेगी टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर सात आठ रन आठ रन के ऊपर अगर बनाने का प्रयास होगा तो जरूर यह मुकाबला और यह सुपर ओवर भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है जी हाँ मैच ऑन रहेगा सात रन आठ रन नौ रन कुछ भी रन बनाइए तीन चार मत बनाइए गेंद से आगे रन को रखिए और यही तो हमने इन मुकाबला हुआ था आखिरी ओवर में सात रन बनाने थे लेकिन ये देखिए नवनीत सेलिब्रेशन देखिए अच्छा कटर का इस्तेमाल और यहाँ पर पूरी तरह से चकमा दिया सीधा खेलने का प्रयास था बल्ला हाथ में घूमा और ये देखिए निराश नजर आए बल्लेबाज करण अंबाला बड़ी विकेट खाते में नवनीत के तीन गेंदों के समाप्ति के बाद दो रन एक विकेट स्पोर्ट्स आप भी सब्सक्राइब कीजिए ट्रिपल सिक्स ट्रिपल सेवन हैट्रिक है और सत्य की भी हैट्रिक है फिलहाल आए हैं प्रथम पहला तीन गेंद आपके पक्ष में गए नहीं आखिरी तीन गेंद के पक्ष में जाएगा लेंथ में कमी था शॉट में चांद फोकती है यह गेंद बाहर जाएगा वाह क्या बल्लेबाजी इस बार पिकिया लेन को और टिकिया छे को दुर्गापुर धमाका बिग बैश सिक्सर जल्दी पोजीशन में आए इस बार इस गेंद पर प्रथमेश हालांकि पहली गेंद यहां पर फेस कर रहे थे नवनीत की ये देखिए शायद बैक ऑफ द हैंड डालने का प्रयास या फिर कटर का प्रयास था और पटकी हुई गेंद को सही नसीहत देते हुए भेज दिया बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए आपका बात सुन लिया प्रथमेश मात्र आठ मांग रहे थे आप

और छोटी गेंद यानी कि खोटी गेंद थी उसे भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर आगे रखने का प्रयास पांचवी गेंद पर सिंगल आखिरी गेंद होगा इस सुपर ओवर का नॉर्थ हिमालयन टाइगर रन बन चुके नौ एक विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद करेंगे नवनीत फेस करेंगे बल्लेबाज के मात्रे, नौ सीधा है उल्टा करेंगे तो छे क्या जोड़ा जाएगा एक साथ नौ और छे देखते हैं सामने तैयार केतन मात्रे बाइकर मैन जी हां गैप का सही इस्तेमाल एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर चौका क्रैकिंग इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर ड्राइव बाय केतन मात्रे ये बेहतरीन स्ट्रोक था केतन मात्रे के बल्ले से आखिरी गेंद पर फिनिश किया नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स ने चार रनों के साथ रन बन चुके तेरह चौदह रनों की चुनौती टीम शिशिर साथी फाउंडेशन को फोर्टीन रन रिक्वायर्ड फ्रॉम सिक्स ये उनके फेवरेट स्ट्रोक के लिस्ट में आता है ये जो आखिरी गेंद पर उन्होंने स्ट्रोक लगाई देखिए एक्शन रिप्ले राउंड विकेट से थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास था इन साइड आउट थ्रू दी कवर्स खेला इस गेंद को बेहतरीन एक स्ट्रक कवर ड्राइव बल्ले को फेंक दिया था गेंद पर और चारों के साथ यहां पर सुपर ओवर समाप्त होता हुआ रन बन चुके हैं नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के, के तेरह रन बनाने जीत के लिए शिशिर साथी फाउंडेशन को चौदह जी हाँ आइए डीजे time. time. का स्वागत है दुर्गापुर धमा का बिग बैश 2024 सीजन टू का पहला सुपर ओवर यहां पर चलता हुआ रन बनाने जीत के लिए चौदह छह गेंदे चौदह रन प्रारंभिक बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे उनका साथ निभाएंगे सुमित ढेकले बाहुबली के नाम से जाने जाते सुमित ढेकले ग्राउंड भी काफी बड़ा है मार्ड काफी बड़ा है मराठी में क्या कहते हैं माठको कुल जी मैदान फिर देखिए सब्सक्राइबर्स माठा को बड़ा अच्छे ये देखिए सब्सक्राइबर मीटर सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स का अब ये जरूर छूने जा रहा है सात लाख का आंकड़ा अगर आप भी नए हो सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स पर तो आइए सब्सक्राइब कीजिए सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को क्योंकि मई एंडिंग में आपके सामने होगी एक और बड़ी धमाका बिग बैश लीग गुजरात धमाका बिग बैश निके स्पोर्ट्स 70 70 एंड धमाका प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश लीग भी आ रही है मई के एंडिंग में तो आइए फिर से एक बार चलते हैं इस मुकाबले की ओर दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग 2024 का यह पहला सुपर ओवर चलता हुआ हालांकि ये दूसरा क्वार्टर फाइनल इसके बाद एंजल कोलकाता खेलेगी डीजे के के खिलाफ टॉस टॉस जीता एंजल कैप्टन सरोज ने जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला एक बढ़िया डिसीजन उनके द्वारा क्योंकि उन्होंने कहा कि पिछले कुछ मुकाबले हमने अच्छी बल्लेबाजी के चलते जीते लेकिन अब रुक करेंगे इस ग्राउंड पर जहाँ पर, पर गेंद को थोड़ा सा चेक करते हुए कितना बाउंस गेंद में कितनी दूरी तय करेगी ये गेंद जब बल्ले से टकराएगी करण अम्बाला के साथ थोड़ी सी यहाँ पर बातचीत होती हुई किस लेन पर आपको गेंदबाजी करनी है कहां पर यहाँ पर खिलाड़ी फील्डर होने जरूरी होंगे रन को रोकने के लिए शायद यही चर्चा है चलती होगी समझदार जी हाँ यही चर्चा होना चाहिए और वही चर्चा के साथ सारे खिलाड़ी बात कर चुके हैं अब अपने अपने जगह पर पहुंचेंगे लेकिन परफॉर्मेंस जो करना है वो बचीत करने से नहीं होता बड़े बड़ा मंच बड़े मैच का प्रेशर लेना होगा आप रीड करना होगा बल्लेबाज को बल्लेबाज का मन में क्या है वो क्या सोच रहे हैं आखिरी वक्त जब रिलीज कर रहे हैं आप, आपके मन पे क्या चल रहे ये आपका तजुर्बा है और अच्छी बात आपने छेड़ी है बिल्कुल सहमत हूं आपके मैं इन बातों से समरजदा और हालांकि देखा जाए ये बड़ा मंच और यहाँ पर एक तो जरूर सरपंच होगा क्या सरपंच होंगे गेंदबाज करण अंबाला अभिषेक हालांकि इनका बल्ला भी अच्छा बोला है इस सीजन में सुमित ढेकले के साथ तो आइए चलते मुकाबले का आगाज अब होगा अंपायर यहाँ पर इशारा करेंगे मैच स्टार्ट जी हाँ छह गेंदे चौदाह रन पहला सुपर ओवर दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग का स्ट्राइकिंग एंड पर प्रथमेश ठाकरे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सुमित ढेकले राइटी बैटर प्रथमेश तो लेफ्टी बैटर होंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सुमित ढेकले पहली गेंद लेकर करण अंबाला छह गेंदे चौदह तेज रखा था इनफील्ड के ऊपर से खेलने का प्रयास एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी काफी तेजी से आए गेंद पर मैं सिंगल जुड़ता हुआ खाते में प्रथमेश ठाकरे के पहली गेंद पर सिंगल यानी कि पांच गेंद तेरह रन जी हाँ पांच गेंदे बचे हुए हैं और तेरह रन चाहिए और पहला गेंद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बाहर डाले लेंथ था और एक्स्ट्रा की दिशा में लेकिन बहुत अच्छा फील्डिंग यही गेंद पर आखिरी जो मैच हुआ था मेन मैच उस पर चौका आया था थर्ड मैन की तरफ वही गेंद पर अब सिंगल आता हुआ यही गेंद पर सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर चौका आया था एक्स्ट्रा कवर की जानी जब केतन मात्रे ने लगाया था समय समय का खेल है सब वक्त क्या आपके साथ जा रहे हैं आपको वक्त के साथ जाना होगा और वक्त बदलने में देर नहीं लगती है क्रिकेट में ये हमने देखा है एक बार नहीं कहीं बार जी हां समरीश जी बिल्कुल ये बातचीत होती रहेगी अब अगली गेंद लेकर गेंदबाजी के लिए करण अंबाला गेंदे बची है पांच पांच गेंदों में रन बनाने हैं तेरह ओ, आगे रखने का प्रयास सीधे बल्ले से खेल दिया ड्राइव डीप में खिलाड़ी थे सिंगल दूसरे का प्रयास होगा थ्रो काफी बढ़िया है और अंपायर तीसरे अंपायर की मदद लेंगे टीवी अंपायर की तरफ रुक किया ऑनफील्ड अंपायर ने जी नहीं मुझे ऐसा लग रहा है बल्लेबाज पहुंच चुके हैं कुनाल जी ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज पहुंच चुके हैं शरीर भाषा देखिए एक्सप्रेशन देखिए करण अंबला का वो खुद पर ही खुश रही है नहीं जी हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा कि थोड़े से लेट हुए करण अंबाला लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो रनिंग बिटवीन द विकेट जब सेकेंड रन की तलाश थी इतनी अच्छी नहीं थी थोड़े से लेट हुए थे प्रथमेश और वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट है शायद इसी के चलते अंपायर ने टीवी अंपायर की यहाँ पर सहायता ली है जी हाँ टेक्नोलॉजी आपके पास है और फैसला आ चुके नॉट आउट ये आपका एक्सपीरियंस है समरेश जी बिल्कुल आपने पहले ही भाप लिया था कि गेंद गेंदबाज जब उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए तो यहाँ पर नजर आ रहा था कि लेट हुए करण अंबाला आप पास में बैठे साथ में बैठे इसलिए ऑक्सीजन मिल रहा है नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है हालांकि मैं आज आया हूँ आप कई सालों से यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हो दर्शकों को लुभाने का काम आप कर रहे हो इस फील्ड में काफी सीनियर हो तो हमारी भी एक पॉलिसी होती है हाँ, हाँ। प्रयासरूनी बूसरे की तलाश पिकअप क्या थ्रो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर पूरा कर लेंगे दूसरा रन वाह क्या मैच यहाँ पर चलता हुआ दो रन सुमित के खाते में रन संख्या बन चुकी है पांच तीन गेंद नौ रन पिछला गेंद का एक्सन रिप्ले था फिर वही दो रन फिर वही देखिए फील्डर भाग रहे बल्लेबाज भाग रहे हैं, तो गैप का जो इस्तेमाल किया है आप दो रन मिले वो सही है लेकिन ये दो रन कभी अहम है क्योंकि पांच रन आ चुके हैं तीन गेंद से अच्छा एक्शन यहाँ पर नजर आया पिकअप गैदर एंड थ्रो और यहाँ पर थोड़े से फिसलते नजर आए किरण अंबाला लेकिन गेंद को रोक दिया था अब तीन गेंद नौ रन एक बड़ा हिट मुकाबले में फिर से एक बार वापसी आगे रखने का प्रयास और कर सीधा खेला है एक रन तो मिलेगा दूसरे की तलाश विकेट कीपर एंड पर जब तक गेंद आती तब तक दूसरा रन यहां पर पूरा होता हुआ अब वही इक्वेशन दो गेंदे रन तो वही ट्विस्ट सात रन वही मैच जिस तरह से खत्म हुआ था ना ये मैच सुपर ओवर में भी उसी तरह की रोमांच भरा हुआ है ऊट कूट, कूट कर भरा हुआ है कमजोर दिल वालों के लिए अब ये मैच नहीं है समृद्ध दो गेंदे रन बनाने जीत के लिए सात या इस गेंद पर अगर सिंगल भी आता है तो यहां पर एक चांस जरूर बनेगा बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए एक ही पिक्चर में बदलाव ये कारनामा मैच में करना था किसको नॉर्थ हिमालयन को अभी करना है किसको सीसीड साथी फाउंडेशन को इसलिए तो हमने कहा था कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती ये क्रिकेट का खेल है ये आपको मजा ही देगा ये देखिए एक्शन रीप्ले पहुंच चुके अपने क्रीज में दो गेंदे सात रन फिर से एक बार यहां पर ड्राइव किया पर पर खिलाड़ी आते एक्स्ट्रा कवर पर दो की यहां मांग होगी और यहां पर पूरे होंगे दो रन दो रन के साथ अब एक गेंद रन बनाने जीत के लिए पांच बिल्कुल वही इक्वेशन जो आखिरी गेंद पर था सेम पिक्चर एक ही पिक्चर एक ही तस्वीर पांच रन चाहिए था नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को मैच जीतने के लिए और यहां पर ये मुकाबला जीतने के लिए सिसर साथी फाउंडेशन को चाहिए आखिरी गेंद से पांच रन वही इक्वेशन और वही यहां पर सब्सक्राइबर मीटर सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स का आइए सब्सक्राइब कीजिए सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स को आखिरी गेंद आखिरी गेंद पे रन बनाने पांच और आखिरी गेंद पर मैं ही कमेंट्री कर रहा था जी हाँ और चौका होगा तो फिर होगा, होगा सुपर ओवर फिर होगा सुपर ओवर क्या होगा यह आखिरी गेंद आखिरी गेंद पर रन बनाने जीत के लिए पांच आखिरी गेंद पर यहां पर ड्राइव किया है सिंगल के साथ यहां पर मुकाबला समाप्त नहीं लिया रन सुमित ढेकले के साथ ने और यह मुकाबला जीत चुकी है टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स वेल प्लेड नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स यह दूसरी टीम बन चुकी है जो प्रवेश करेगी ट्राइंगुलर सुपर थ्री में जी हां पहला टीम के रूप में एमयूसीसी संबलपुर और दूसरी टीम के रूप में नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल पर बिग बैस धमाका सीजन टू ऑर्ग भाई दुर्गापुर क्लब सोमनोय एंड मिस्टर हेमंत बनियल जी ऐसा मौका और कहा ऐसा मजा और कहा कुणाल जी हेमंत जी बनियाल इनकी टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स खुश तो बहुत होंगे आप अच्छी खेली टीम और अच्छा मैच यहां पर नजर आया दर्शक काफी खुश हेमंत जी बनियाल काफी खुश उनकी टीम अब खेलेगी ट्रायंगुलर में वेल प्लेट कॉन्ग्रेचुलेशन लेकिन मैं जरूर कहूंगा हालांकि यह मैच जीता है टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स ने लेकिन दिलों को जीता है टीम शिशिर साथी फाउंडेशन ने वेल प्लेट लक और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी करण अंबाला तीन मैच तीन मैच में मैन ऑफ द मैच के किताब से नवाजे गए करण अंबाला करन well और अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आइए चलते सुमंतोद सुमंतोदा बैनर्जी इनकी ओर थैंक यू सो मच थैंक यू सर मैन ऑफ द मैच फिर से एक बार करण अंबाला আর এ ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারটা তুলে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব সম্মানিয়া সোনা চ্যাটার্জি মহোদয়াকে সম্মানিয়া সোনা চ্যাটার্জি মহোদয়াকে আমি অনুরোধ করব এ ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারটা তুলে দেওয়ার জন্য দিদি একটু চলে আসবেন মূল মঞ্চে আমরা ওনার হাত দিয়ে এ ম্যাচের ম্যান অফ দা ম্যাচ করণ আম্বালা তার হাতে পুরস্কারটা তুলে দেব

मौका आता है और मौका को, मौके को आपको काम में लगाना पड़ता है मौके को काम में लगा के आपको आगे चलना पड़ता है और वही काम किए थे करण अंबाला पिछले मैच की मैन ऑफ द मैच इस टूर्नामेंट में अभी तक तीन मैच खेले हैं और तीनों मैच में करण अंबाला का बोल बला चला तीनों मैच में मैन ऑफ द मैच रहे करण अंबाला करण आप आ जाइए मूल मंच पे आ जाइए मैन ऑफ द मैच

अंबाला वो भी आ रहे हैं नवाजे गए हैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच दीदी एक अनुरोध करवो छोटो अनन्या अपनी दुजन मिले मैन ऑफ द मैच मैचन एक बार नाम के तुम ही दाओ अनन्या सिंह अनन्या सिंह और क्लास कौन सा क्लास केजी टू केजी टू पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पिछले पांच दिन से बस खेला ही देख रहे हैं खेला और पढ़ाई भी बिल्कुल बिल्कुल दोनों ही आ, साथ में करना है बहुत अच्छे रहो यहां पे रहो करण थोड़ा सामने चले आइए करण के हाथ में दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच पिछले मैच के हीरो करण अंबाला क्या बेहतरीन मैच तो करण काफी उम्मीदें थी आपके ऊपर पूरा नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स अगर इस बार बिग बैस धमाके की बात करें, तो हर एक मैच में आप जिस तरह से बैटिंग किए हैं जिस तरह से बॉलिंग किए हैं जिस तरह से फील्डिंग किए हैं एक प्रॉपर क्रिकेटर एज ए क्रिके, क्रिकेट एस एक प्रॉपर क्रिकेट एज ए क्रिकेटर जो परफॉर्मेंस वो दिखने को मिला है ये तीसरा मैच है आपका और ये तीसरा मैन ऑफ द मैच है आपके हाथों में तो टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा चल रहा है फिर भी अभी भी कल फाइनल डे है क्या प्लानिंग कुछ है या फिर आज के रात को ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहेंगे कल की बात कल सोचेंगे नहीं नहीं सर हम लोग ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं हम लोग का नेक्स्ट मैच में फोकस है और थ्रू आउट द टूर्नामेंट पूरी टीम अच्छी खेली पर फॉर्चुनेटली मैन ऑफ द मैच एक ही प्लेयर को मिलता है पर पूरी टीम अच्छी खेली के केतन मात्रे धीरज सिंह और राकेश कर सभी बहुत अच्छा खेला तो पूरा ग्रुप एफर्ट था ये तो हम लोग कभी कल भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे और फोकस रहेंगे सर तो ये देखिए बड़ा खिलाड़ी के साथ साथ मन भी बहुत बड़ा है करण का श्रेय बिल्कुल अपने आप पे नहीं लिए हैं पूरे टीम मेट्स को बांट दिया है करण आगे भी इसी तरह से खेलते रहिए चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ বাংলার ক্রিকেট ডার্বি যেখানে একদিকে থাকবে জন্টি সরকার ব্রিগেড অন্যদিকে তাদের প্রতিপক্ষ দল হতে চলেছে সরোজ প্রামাণিক ব্রিগেড ম্যাচের লড়াই সারা বাংলার নজর জমে থাকবে রাত বেড়েছে তবে রাতের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে চোখ খুলে রেখেছেন মানুষজন প্রত্যেকের নজর সেভেন্টি সেভেন্টি স্পোর্টস এর দিকে কারণ এ ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এ ম্যাচ ডার্বি ম্যাচ একদিকে অ্যাঞ্জেল কলকাতা অন্যদিকে ডিজে ইলেভেন একদিকে জন্টি সরকার দা ওয়ান ম্যান আর্মি ব্রিগেড অন্যদিকে দ্য প্রিন্স অফ দুর্গাপুর সরোজ প্রামাণিক মিস্টার অলরাউন্ডার লড়াইটা হবে চোখে চোখ রেখে এবং এই চোখে চোখ রেখে লড়াইটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন মানুষজন রাত বাড়ছে তবে চোখে ঘুম নেমে আসেনি প্রত্যেকেই জানছেন আজকের রাতটা লেট নাইটেই তারা বিছানায় যাবেন আপাতত চোখ থাকবে যারা মাঠ থেকে দূরে রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের চোখ থাকবে মোবাইলে আর যারা মাঠে রয়েছেন তারা নজর রাখবেন এই হাই ভোল্টেজ ম্যাচের দিকে স্বাগতম জানাবো বক্সে ম্যাচ এর আগেও আমরা দেখেছি ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান ব্রাজিল আর্জেন্টিনা ভারত পাকিস্তান যে উত্তেজনাটা সারা বাংলা জুড়ে তৈরি হয় সারা বাংলা বলা যেতে পারে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়

पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले फील्डिंग करेंगे डीजी इलेवन दोनों टीम की बात करें एक तरफ कैप्टन सरोज तो एक तरफ कैप्टन जॉन्टी तो लड़ाई कठिन होगी दोनों के लिए एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं आप प्लीज एक बार रिपोर्टिंग कीजिए एम्बुलेंस के जो ड्राइवर एक बार आइए एम्बुलेंस ड्राइवर जिन्हें आज दादा एक बार देखा करबुलेंस ड्राइवर जिन्हें आज दादा एक बार देखा करबें तो अगर बात करें अभी तक पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से पूरी टीम खेले और ये आज का दूसरा जो मुकाबला रहा अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स बनाम सीसी साथी फाउंडेशन पूर्व वर्धमान लेकिन अंत में जीत हुई नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स क्या बेहतरीन खेले करण अंबाला पिछले मैच के हीरो रहे अंत तक लड़ाई किए सुमित ढेक लेकिन मैच उनकी नसीब में आया नहीं अब चलते हैं इस मैच में दो सलामी बल्लेबाज जगत सरकार और साथ में कौन है? पहले फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया डीजी को आठ ओवर का मैच होगा दोनों टीम तैयार है जो लोग लेट से जुड़े बता दो फिर से एक बार टीम सुपर सिक्स में क्वालिफाई किए थे आज का ये तीसरा मुकाबला तीसरा मुकाबला जो जीतेंगे वो जाएंगे सुपर थ्री में पहले दो टीम सुपर थ्री में जगह बना चुके हैं एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा दूसरे टीम के रूप में नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स और इन दोनों में से जो जीतेंगे सुपर थ्री के लिए लड़ाई होगी आखिरी मैच आज के इस दिन का

पहला सुपर ओवर आखिरी गेंद तक सुपर ओवर में भी लड़ाई चला इससे बेहतर क्रिकेट और कहा तो लगाए थे कि पहला मैच 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 होगा कांटे की टक्कर जो आप लगातार कर और तीसरा लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आया कौन दूसरा मैच नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स बनाम शाथी फाउंडेशन पूर्व वर्धमान और श्रेय देना होगा दुर्गापुर क्लब समन्वय हेमंत मनियाल जी पूरी यूनिट जिस तरह से एक क्रिकेट का जो तड़का मिला है पूरे बंगालवासी पूरे भारतवासी को इससे दुर्गा बिग बैस के रूप में तो इसीलिए देखिए कहते हम पहले ही दिन बंगाल हैज गॉट देमंत बनियल दादा तो इससे पहले सौरभ गांगुली मिथुन चक्रवर्ती और अब टेनिस क्रिकेट में आपको मिलेगा हेमंत बनियल दादा थैंक यू भैया थैंक यू भैया इतना बड़ा एक टूर्नामेंट पूरे बंगाल में उपहार की तरफ देने के लिए बॉलिंग की भार संभालेंगे पहला ओवर अंकित सिंह कल की गाजीपुर एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और स्ट्राइक पे फेस करेंगे फरदीन काजी महाराष्ट्र से तो नॉन स्ट्राइक एंड पे जगत सरकार प्रिंस ऑफ तारकेश्वर अंकित बॉलिंग के लिए तैयार पहला ओवर आठ ओवर का मैच समझोदा दोनों टीम बैलेंस टीम बिल्कुल दोनों ही टीम बैलेंस टीम दोनों ही टीम सबसे बेस्ट टीम और देखिए रंजीत परिदा और गोपाल तैयार और सिग्नल लेट्स प्ले ओवर की पहली बॉल साइक फेस करेंगे फरदीन काजी एक बड़ी उम्मीद है इनसे क्योंकि पिछला दो मैच टीम के लिए कुछ खास कर नहीं पाए ये बेहतर मौका इनके पास मंच बड़ा काम बड़ा करना होगा सामने फरदीन काजी फर्स्ट बॉल चल पड़े अंकित पहली बॉल हल्की हाथों से खेला सिंगल के लिए भागे काफी तेज मौका बनेगा उज्जवल से मिड मिडॉल पे चिकी सिंगल फर्स्ट बॉल एक रन इसी के साथ टाइमर भी शुरू हो गया टाइम बाउंडेशन है और उसी के बीच आपको खेल को करना पड़ेगा समाप्त पहले गेंद से एक रन तो अफफुल ये भी कह रहे हैं काफी लोग कि आज कुणाल जी आए और क्रिकेट का सबसे दिलचस्प मुकाबिला दिखने को मिला सुपर ओवर दिखने को मिला ओवर की दूसरी बॉल सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज जगत ओहा बेहतरीन शॉट ये चला की बड़ा शॉट ताकत से भी खेलते हैं नजाकत से भी खेलते हैं फिलहाल शायद हाथ लगाओ बॉल पे इसी कारण गति मिली नहीं सिंगल इस बॉल से दो बॉल दो रन तो देखिए फुफुल मेरे हिसाब से दोनों टीम में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर एक मैच को चेंज कर सकते हैं एज ए बैटर इस टीम में जगत सरकार और

जी बिल्कुल मुश्किल वक्त में मुश्किल काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म में खड़े हैं वहां पे इनामी राशि है विनर्स के लिए 25 लैक्स, अप टीम के लिए लिए 25 टीम 15 फिलहाल शायद किसी मसले को लेकर चेक कर रहे हैं देखना होगा निर्णय क्या आता है जगह सरकार फरदीन काजी दो बेहतरीन बल्लेबाज है इस वक्त अंदर एंजल कोलकाता के लिए सबकी निगाह स्क्रीन पे क्या मसला है? चेक कर रहे तीसरे अंपायर रंजीत पड्डा साथ में मिस्टर गोपाल आप देख रहे हैं इस वक्त दुर्गापुर धमाका बिग बैस सीजन टू चार साल ग्यारह संस्करण तो देखिए कुछ मांग हुई थी वहां से लेकिन किस वजह से तीसरे अंपायर की तरफ रोक किया गया था वो कमेंट्री बॉक्स से पता नहीं चला फिलहाल ऑन स्क्रीन में देखा गया है बस ये है फेयर डिलीवरी तो एक्स्ट्रा कुछ होने वाला इस गेंद से हो है नहीं तीन बॉल से चार रन अंकित कल की ये विकेट टेकर गेंदबाज है हमेशा विकेट दिलाते आए हैं टीम को जब जब ये आ, बॉलिंग में सामने फरदीन अगली बॉल सामने खेलने का प्रयास कुछ देर बॉल हवा में अच्छी कोशिश अंकित सिंह कल बेहतरीन गेंदबाजी चार बॉल से मात्र चार रन प्रथम चार बॉलर खेला हुआ प्रथम चार बॉल थे चार रन উইকেট এখনও পর্যন্ত পড়েনি এবং এ মাছে উইকেটের গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বটা প্রত্যেকেই বুঝছেন ফরদিন মাঠের প্রত্যেকটা প্রান্তে শট লাগাতে পারেন অন্যদিকে জগৎ সরকার বড় শট খেলার চেষ্টা বল হাওয়াতে ফিল্টার আকাশ তে বাটিয়া এ ধরনের ম্যাচে এ ধরনের মঞ্চে আপনি আপনি এক নয় দুই বার দুই দুই বার যখন ক্যাচ ছাড়বেন কোথাও কি চাপটা আপনার উপরে পুরোপুরি ঘুরে যাবে পুরো ক্যামেরার ফোকাসটা আপনার উপরে চলে আসবে

तार और, के चाहिए चाहिए। के रन नहीं और उसी बीच देखिए दो मौके बने थे विकेट का हालांकि पहला कैच था। दूसरे कैच में भी कह सकते मौका, लेकिन कैच हुआ फील्डर कौन थे आकाश थे ओवर अच्छा रहा अंकित सिंह कलकी के लिए छह रन कोई विकेट नहीं दूसरे ओवर कौन आएंगे बॉलिंग के लिए

बिल्कुल एक तरफ फिरोज है तो दूसरी तरफ गौरव है और ये दो बोलर निगाहें जमा रहेगी सबकी गौरव शर्मा बॉलिंग करेंगे सामने स्ट्राइक पे होंगे जगह सरकार पहली बॉल पार प्ले जारी एक ओवर एक्स्ट्रा कवर ले रखा है इनके लिए आप अगर देख पा रहे होंगे मिड विकेट पीछे दोनों अंदर है टॉस तो से जीते प्रथम बैटिंग सिद्धांत तो छीलोरो के तरफ थे সে সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকর হবে আগামী সময় তার উত্তর দেবে তবে এক্ষেত্রে সার্কেলের মধ্যে থাকা দুই ফিল্টারকে আগেই দেখে নিয়েছিল জগৎ ব্যাটটা চলেছিল সেইভাবেই এবং চার চারটে রান খেলনা হোক টিমকে লিয়ে মঞ্চ বড়া और जगत रेगुलर खेलते हैं गौरव को बाएं हाथ के बल्लेबाज है ज्यादा मुश्किल होगा नहीं মাঠের বাইরে ছবিটাও কিন্তু চিন্তিত দেখাচ্ছে উৎপল মুখার্জি রয়েছেন চিন্তার সাথে মাঠের দিকে নজর রেখেছেন তার প্রিয় দল প্রিয় খেলোয়াড়েরা কি করবেন সেদিকেই পুরো মাথা রয়েছে এগারো রান এই মুহূর্তে স্কোরবোর্ডে চলে এসেছে অ্যাঞ্জেল কলকাতা দলের কারেন্ট রান রেট আট দশমিক পাঁচ সাত একটা পার্টনারশিপ তৈরির চেষ্টা উইকেট না হারানোর চেষ্টা শুরুতেই

कर, ट्राई करने का प्रयास था कमाल की बॉलिंग कोई मौका नहीं जगत के पास है खुद सरप्राइज हो गए अच्छी गेंद थी और सम्मान देने की कोशिश भी की है ओवर की आखिरी बॉल अब। सामने जगत हल्का तो सिकला यहाँ पे जानटे विकेट के पीछे जो कहते आ रहे हैं हम लोग हर चीज में माहिर हैं फील्डिंग करवा लीजिए कीपिंग करवा लीजिए बॉलिंग करवा लीजिए कैप्टनशिप तो कहना आसान होता नहीं है किसी भी खिलाड़ी के लिए आप ये देखिए जो एफर्ट फुल एफर्ट टीम के लिए आखिरी बॉल से कोई रन नहीं दुर्दंत तो विकेट कीपिंग और इसी के साथ ये भी कहना चाहेंगे इस मैच के बाद। इस मैच मैच के के बाद बाद थ्री विनर्स टीम को लेके होगा लाइव लकी लॉटरी जिनमें से एक टीम सीधे फाइनल पे और ये देखिए स्क्रीन पे थैंक यू भैया हेमंत मनियाल जी जिस तरह से पूरे भारत में एक अलग सी मंच मिली है सभी क्रिकेट प्रेमियों को टेनिस क्रिकेट प्रेमियों को और वो है धमाका बिग बैस और उनमें से एक है दुर्गापुर धमाका बिग सीजन टू और क्या सब बढ़िया मैच दिखने को मिल रहा है एक के बाद एक गजब का मैच हर एक मैच आपको आखिरी गेंद तक नजर जमा के रखना पड़ेगा मैच चलते सरसरी नेहरू स्टेडियम थे धन्यवाद सेल कोर्टिप ऑनरेबल में स्टेडियम আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য ক্রিকেটের জন্য এত ভালো একটা পরিবেশ এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা সব মিলিয়ে একদমই ন্যাশনাল লেভেল একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আমরা উপভোগ করছি কি প্রত্যেকে বল অঙ্কে সিংকল কে বল স্লাইশ কে পিছিয়ে ফিল্ডিং করেন সিঙ্গল প্যালিবল जगह सरकार सेठ एक तरफ एक तरफ फरदीन सुमंतु पहले दो ओवर से दोनों ओवर में छे छे रन यानी बारह रन आए इस ओवर में पहली बॉल सिंगल जी बिल्कुल तीसरे ओवर का खेल प्रगति पे है और दो ओवर से छे छे रन तो अभी तक बॉलर्स ने कोई जगह नहीं दिया है बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए बेहतरीन बॉल वाइड योरकर करने का प्रयास मिड ऑफ की लॉन्ग ऑफ की तरफ खेले पीछे फिरोज मौजूद

যেভাবে আমরা দেখলাম একটা সময় মনে হচ্ছিল কত উপরে চেজ করে দেবে সহজে ইরানটা কিন্তু সেটা মোটেও ভাবেনি নর্থ হিমালয়ান টাইগার্সের খেলোয়াড়েরা তারা শেষ বল পর্যন্ত ম্যাচটাকে নিয়ে গিয়েছিল এবং এই মুহূর্তে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ অ্যাঞ্জেল কলকাতা দলের কর্ণধার শ্রী অরিন্দম ধর তিনি ছিলেন স্ক্রিনের সামনে চিন্তিত মুখটা ভেসে উঠেছিল স্ক্রিনে আর ওদিকে তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তটা আসছে ফ্রন্ট ফুটটা চেক করতে চেয়েছিলেন অনফিল্ড আম্পায়ার আর তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ইটস আ নো বল काफी बाहर और ऐसे मुश्किलें आती हैं लगातार अंकित के लिए तेज गेंदबाज है देखना होगा कैसे वापसी करेंगे फ्रीड बॉल मौका होगा फरदीन के लिए बिना किसी जोखिम के बड़े शॉट खेले अभी तक पंद्रह कोई विकेट नहीं तीसरा जारी फरदीन तैयार स्ट्राइक पे फुल टॉस बॉल बड़े शॉट की तलाश में थे पीछे फील्डर में मौजूद डिप्स का लिख पे संजू कनोजिया दो की मांग कर रहे हैं जगत मना किया सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा फरदीन को फ्रीद का मौका था मौका था यहाँ के खुल खुल के खेलने का मौके का लाभ उठा नहीं पाए एक ही रन स्कोर बढ़ता हुआ सोलह रन एंजल खोए नहीं है दर्शक काफी है चारों ओर बहुत सारे लोग छोटे बड़े सभी एक साथ मैच का लुत्फ उठा रहे हैं ये देखिए झूम रहे हैं डांस कर रहे हैं मुस्कुराई है अगली बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ थोड़ी सी इट विकेट पे खेला पीछे सुबहजीत जाना धोनी मौजूद दो की मांग फिर से एक बार करेंगे नहीं सिंगल ही मिलेगा जी देखिए पब्लिक झूम रहे हैं और क्या पहन के झूम रहे हैं दुर्गापुर बिग बैस धमाका का जो स्पेशल टी शर्ट वो पहन के दो बार चार बॉल सत्रह को विकेट नहीं अंकित अपने कोटे में अभी तक ग्यारह रन खर्च किए विकेट की तलाश में क्या पहला विकेट दिला पाएंगे जॉन्टी क्या सोचेंगे फरदीन चाहेंगे पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखें उठा के खेले हैं गेंद हवा में फिल्टर गेंद के नीचे संस्कार थे फिल्टर पहला विकेट का पतन होता हुआ एंजल कोलकाता फरदीन काजी का विकेट खो चुके हैं बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में फरदीन काजी डगआउट की तरफ नौ गेंदों से सात रन बनाए हैं फरदीन काजी

एक विकेट मिला तीसरे ओवर में पहला झटका छह लाख सड़सठ हजार बाईस उम्मीद करते बिग बैस बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स लाइव जो लोग बने हुए पहले दिन से देखिए थोड़ी देर पहले चंदू जी बोल रहे थे जब कमेंट्री बॉक्स में थे दुर्गापुर यहाँ पर रसगुल्ला खाए हैं मिस्टी दो चुके हैं लेकिन घूमने का मौका मिला नहीं है कल फाइनल डे है थोड़ा बहुत घूमना भी चाहेंगे और समरसदा के साथ बैठे हुए हैं दुर्गापुर का पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन जानकारी देते हुए इस वक्त और आपके स्क्रीन पर देखिए इस वक्त हेमंत जी थैंक यू भैया बस एक ही चीज चारों ओर से हम लोग सुनेंगे थैंक यू भैया तो आज जब मैं स्टेडियम के अंदर आ रहा था तब तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया का घर कहां है वो कहां से बिलोंग करते हैं तो साइड से कुछ लोग बताएं की टेनिस क्रिकेट की चलते भैया का घर अब हर एक टेनिस क्रिकेट प्रेमियों की दिल में है किसी एक जगह से वो बिलोंग नहीं करते हैं इंडिया के हर कोने में जहां पे लोग टेनिस क्रिकेट को पसंद करते हैं उन सभी लोगों के दिलों में बिलोंग करते हैं भैया यानी कि हेमंत बनियाल जी अगली बॉल फुल टॉस बॉल तफा दी बैथरिन फ्लिक पीछे फील्डर बनेंगे दर्शक और दर्शक फील्डर सरोज प्रमाणिक

অপিল হই কাফি তেজ দেখ নাও গম্পায়ার কা নির্ণয় কি হাত হয় সাউথ সাউথ বেগ সাউথ বেগ আপিল বেগ আপিল ষোড়োজের উইকেটের জন্য আবেদন চালু রয়েছে তবে এখনো পর্যন্ত আম্পায়ারদের যা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দুই প্রান্তেই আমরা দেখতে পাচ্ছি অনফিল্ড আম্পায়াররা ইন্টারেস্টেড মোটে তবু তবুও এগিয়ে গেছেন যদি কোনো আলোচনা থাকে সেটা হবে নিজেদের মধ্যে देखिये जो भी फैसला के, के साथ आपको जाना होगा मैच कंटिन्यू करना होगा क्योंकि टाइम के साथ हम लोग को चलना पड़ेगा जी बिल्कुल टाइम के साथ भी आपको चलना पड़ेगा और ग्राउंड में ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन जो भी रहेगा उसको सम्मान करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा जी हाँ वही कुछ बातचीत हुई दोनों अंपायर के बीच में मिस्टर गोपाल साहब और मिस्टर रंजित पैडा और अंपायर ने यहाँ पे नॉट आउट करार दिया तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं पता है कहाँ पे प्रेशर डालना है कैसे प्रेशर डालना है ये सब नोक झोंक चलती ही रहती है जी पार्ट ऑफ द गेम है हर टीम चाहते हैं जितना और अंपायर के ऊपर प्रेशर बनाने का कि उनसे कुछ गलती हो अगली बॉल स्ट्राइक पे तैयार सरोज बॉलिंग मार्क पे गौरव ये देखिए सेंसिबल क्रिकेट ये बेहतर हर बॉल पे रिस्क लेना नहीं चाहते दो की मांग हुई काफी तेज भागे अच्छा रिस्पॉन्ड किया गौरव भागे थे काफी दूर बॉल की तरफ সরোজ আর জগৎ কি कहना দোনো কি যে রানিং হই উইকেট পে এক কো কনভার্ট কিয়া এক্সট্রা রান কে দুটো রানে কনভার্ট করর অর্থ হলো ব্যাটা ভাবছেন কতটা এক্সট্রা রান তুলে নেওয়া যায় স্কোর বোর্ডে রাখা যায় হাত নাড়িয়ে প্রত্যেককে জানান দিচ্ছেন আমরাও আছি এ মাঠে আমরাও আছি ক্লাব সমন্বয়ের সাথে আমরাও আছি দুর্গাপুর বিগ ব্যাশ ধামাকাতে शॉर्ट रन के लिए तीसरे अम्पायर की तरफ फिर से एक बार रोक किया गया है चेक करना चाहेंगे यहाँ पे क्या दो रन मुकम्मल किए हैं तो बॉलिंग रिव्यू यहां पे लिया गया है फील्डिंग रिव्यू फॉर वन शॉट चेक अंपायर कॉल अंपायर चेक करना चाहेंगे अंपायर ने मदद लिया तीसरे अंपायर की चेक करेंगे वन शॉट रन है या नहीं तीसरे पर मौजूद राजा मुखर्जी निर्णय क्या आएगा सुपर थ्री में कौन आखिरी टीम होगी पहले टीम के रूप में एमयूसीसी यू सी सी संबलपुर उड़ीसा दूसरी टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स और इन दोनों में से जो जीतेंगे वो होंगे तीसरी टीम इस मैच के बाद ओपन ड्रॉ होगा और कल का जो शेड्यूल होगा वो आपके सामने पेश किए जाएंगे इस मैच के बाद ओपन ड्रॉ जहां से ये तय होगा कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी और कौन दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा सेमीफाइनल का मुकाबला फिलहाल डिसीजन आया नहीं अभी तक चेक कर तीसरे थे प्लीज वेट बड़ा मैच है दोनों टीम चाहेंगे इस मैच को जीते डीजे इलेवन या फिर एंजल कोलकाता समय लग रहा है प्लीज वेट जी बिल्कुल देखिए बड़ा मैच है बड़ा प्लेटफॉर्म भी है तो कोई भी छोटी सी गलती भी होना नहीं चाहिए यही चाहते हैं और ये देखिए फैसला यहां पे आ चुका है वन शॉट रन जी सम पार्ट शुड बी इनसाइड जो बैट लाइन अंदर होना चाहिए देखिए तो फैंस आ चुके हैं यहां पे और लिखा हुआ है जगोत सरकार आई लव यू। दिल में बसते हैं फैंस के फिर से एक बार अपील हुई काफी तेज अंपायर के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश अंपायर ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं नॉट आउट के सारा ये देखिए इसीलिए इतना फेमस है टेनिस क्रिकेट हर एक समर्थकों के पास अपना सुपर हीरो है और ये देखिए वो चेहरा शायद जल्दी में लिख के लाए हैं अचानक आइडिया आया उनके दिमाग में तीन ओवर पांच बॉल पच्चीस एक विकेट ओवर की आखिरी बॉल सामने तैयार स्ट्राइक पे सरोज बॉलिंग मार्क पे गौरव काफी दूर से खेले बॉल मिड विकेट की ओर गई सामने ड्राइव करने का प्रयास था सिंगल मिलेगा आखिरी बॉल से एक रन ओवर की हुई समाप्ति चार ओवर छब्बीस एक विकेट ट्वेंटी सिक्स फोर वन अपन फोर ओवर एंजल कोलकाता चार ओवर छब्बीस रन एक विकेट यानी कि टाइम हो चुका है अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का स्पोर्टिनो इवेंट्स प्रेजेंट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट तो ये वो समय है जहां पे आपको मौका मिलेगा कि आप थोड़ा बहुत डिसाइड कीजिए कैसे आगे चलेंगे क्या होगा आपका स्ट्रेटेजी कैसे खेलेंगे आगे आप दोनों टीम के पास मौका प्लानिंग करने का शुरुआती चार ओवर 26 रन एक विकेट पहले तीन ओवर से 18 उसके बाद फिर आठ रन तो चार ओवर 26 ठीक ठाक रन कहेंगे क्योंकि पिछला दो मैच देखिए रन बनाने आसान हो नहीं रहे इस पिच पे जी बिल्कुल देखिए जिस हिसाब से आज गेम दिखने को मिला है उस हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है आप विकेट खोए नहीं है चार ओवर से 26 रन बना चुके हैं सिक्स से थोड़ा ज्यादा है आपका आस्किंग आपका करंट रन रेट और अगर बात करें एफफुल इस पूरे टूर्नामेंट की आज से पहले पहले तीन दिन जहां पे 15 मैच 30 इनिंग्स खेला गया था वहां से 2067 रंस आया था यानी कि हर इनिंग्स में इन ऑन एवरेज रन की अगर बात करें 69.8 यानी कि 70 70 70 के आसपास तो आज उससे थोड़ा नीचे चल रहा है स्कोर यानी कि एक प्रेशर हर एक टीम के ऊपर जो बना हुआ है वो प्रेशर भी थोड़ा बहुत दिखना दिखने को मिला है और सबसे बड़ी बात देखिए चार मैडन भी रहे हैं चार मैडन क्योंकि इतनी बड़ी बाउंड्री में चार मैडन लेना ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि बल्लेबाज आराम से सिंगल खेल सकते हैं और पचास से अधिक की पार्टनरशिप तीन बार हुए हैं तो अलग अलग फैक्ट है चार बार छब्बीस एक विकेट बॉलिंग के लिए आप देख रहे हो किसे लाते हैं अभी तक दो ही बॉलर यूज किए गए गौरव और अंकित दो दो बार पूरा किए पांच गेंदबाज आपको यूज करने होंगे तीन गेंदबाज यानी चार ओवर डालेंगे जी बिल्कुल और देखिए आप फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे पंद्रह मैच पहले तीन दिन जहां पे एक सौ छक्का हुआ है यानी कि हर एक मैच में सात छक्का आपको दिखने को मिला है तो यह भी एक बड़ा स्टैट है और हर एक स्टैट मिल रहा है किन से सुमन बॉलिंग के लिए अब बोला अटैक पे राजू मुखिया को एक परिवर्तन बॉलिंग में पांचवा बॉलिंग करेंगे राजू मुखिया और जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं फॉलो कीजिए स्पोर्ट्स और शेयर करना ना भूलें इंस्टाग्राम पे जाएं सर्च करें सेवेंटी सेवन डी स्पोर्ट्स फॉलो जरूर करें बॉलिंग के लिए भाई राजू मुखिया स्ट्राइक पे होंगे सरोज पांचवा ओवर पहले ओवर से छे दूसरे ओवर से छे तीसरे ओवर से छह रन एक विकेट साथ में चौथे ओवर से आठ रन कुल मिलाकर छब्बीस चार ओवर के बाद एक विकेट गवाकर एंजल कोलकाता ओवर की पहली बॉल सामने तैयार सरोज पहली बॉल उठा के ला बॉल हवा में शॉर्ट फाइनल के अंदर खड़े मौका क्या बनेगा जी नहीं बहुत दूर है बॉल से वन बाउंस टू बाउंस निकलेगी बार मिलेगा चौका फर्स्ट बॉल चार रन पहुंचा था लेकिन वो ड्रिंक्स सरोज के लिए काम किया एनर्जी ड्रिंक्स की रूप में और देखिए कितना पावर यहां पे लगाए शॉट में पावर जनरेट किए चौका मिला है आफ्टर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट सरोज तैयार थे मानो ऐसा लगाओ शॉर्ट ऑफ लेंथ के लिए पहली बॉल समझ गए थे राजू मुखिया क्या करने वाले हैं आसानी से चारण हासिल किए

फिलहाल चेक कर रहे हैं तीसरे एम्पायर मौजूद हैं सेवन सेवन स्पोर्ट्स लाइव आप देख रहे हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश चार साल में ये ग्यारहवा संस्करण और दूसरी बार दुर्गापुर के सरजमी पे तीस पे एक फिलहाल स्कोर तीसरे अम्पायर का निर्णय आना बाकी है क्या सरोज विकेट के पीछे गए थे शॉट के लिए या विकेट से आगे थे वही तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं देखना होगा निन्न क्या आता है तीसरा पर बात कर रहे हैं सरोज और जगत अच्छी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तीस पे एक अभी तक स्कोर दर्शक देखिए चारों ओर बहुत सारे लोग हैं खुश हैं मुस्कुराइए आप दुर्गा दुर्गापोधमा का बिग बैस में है ऐसे अप करते रहिए सपोर्ट करते रहिए मैच है ये बड़ा मैच है हर एक रन के लिए फाइट होगा, हर एक विकेट के लिए लिए फाइट फाइट होगा होगा हर हर एक एक विकेट हरकत के लिए फाइट आपको दिखने को मिलेगा अंपार का फैसला आखिरी फैसला प्लीज मैच कंटिन्यू करें शुरू से कहा गया अंपार के फैसले का सम्मान करें जो भी निर्णय हो उस निर्णय के साथ आपको जाना होगा मैच कंटिन्यू करें दर्शक एक्साइटेड है चारों ओर खुशी है झूम रहे गा रहे मैच देख रहे हैं दुर्गा पूजा का बिग बैस जो भी निर्णय प्लीज है अंपायर के निर्णय के साथ आप जाएं और मैच कंटिन्यू करें तो क्या हुआ है क्या हुआ था सब कुछ आपको दिखने को मिला है ऑन स्क्रीन पे अब फैसला क्या होगा उसी का है इंतजार और इस मैच के बाद कल के लिए ड्रॉ निकाला जाएगा कौन सी तीन टीम होंगे सुपर थ्री में पहले टीम के रूप में एमयूसीसी संबलपुर उड़ीसा अंकुर सिंह की अगुवाई में वो टीम दूसरी टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स कैप्टन आकाश चिंदरिया और इन दोनों में से जो जीतेंगे वो होंगे तीसरी टीम ये देखिए क्या घटा था सरोज शॉर्ट के लिए गए थे क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया डेप्थ में गए थे और इसी को लेकर बातचीत हो रही है क्या ये शॉट मान्य है या फिर अमान्य है भाई तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं प्लीज जो भी फैसला अंपायर का उस फैसले के साथ आपको जाना होगा मैच कंटिन्यू करें दोनों टीम से रिक्वेस्ट है प्लीज मैच कंटिन्यू करें सभी लोग देख रहे हैं वेट कर रहे हैं मैच के लिए काफी एक्साइटेड हैं तो चाहेंगे समय के साथ चलें जो भी निर्णय हो उस निर्णय को आप माने चार ओवर एक बॉल अभी तक इस बॉल का निर्णय आना बाकी है तीस पे एक फिलहाल स्कोर तीसरे पर ऑन नंबर पर दोनों कंसल्ट कर रहे हैं दर्शक एक्साइटेड हो रहे हैं वो चुपचाप बैठेंगे नहीं क्योंकि बहुत कीमती वक्त है सबके लिए और अपना वक्त निकाल के यहाँ पाए देखने के लिए कौन कहेगा कि और पंद्रह मिनट बाद कैलेंडर में डेट बदलने वाला है पीएम से एम की तरफ बढ़ेंगे सब कौन कहने वाला है शोर देखिए हल्ला मचा रहे हैं तो जब हल्ला मचाएंगे तभी बल्ला बोलेगा क्योंकि थीम सोंग वही है हल्ला बोल तो इसी बीच एक बार वो म्यूजिक हो जाए ত্বত লিখেই জানা হবে আপনাকে ম্যাচ কন্টিনিউ করে দুটো টিম থেকে রিকোয়েস্ট রে ফিল্ডিং টিম ডিজে প্লিজ ম্যাচ কন্টিনিউ করে একদম খেলাটা শুরু করতে হবে অনফিল্ড আম্পায়ার এবং তৃতীয় আম্পায়ার তারা পর্যবেক্ষণ করেছেন আলোচনার পর যে সিদ্ধান্ত এসেছে সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আপনারা প্রত্যেকেই প্রফেশনাল ক্রিকেটার আপনারা জানেন সো প্লিজ কোনো রকমের কোনো আর্গুমেন্টস এ না গিয়ে ম্যাচটা শুরু করুন पहली बॉल हेलो हेलो पहली बॉल से बाउंड्री अर्थात स्कोर पहुंचा तीस एक विकेट शुरुआत हो चुकी है बाउंड्री के साथ राजू चाहेंगे कम करना अंपायर के कैउंड्री बाउंड्री ओवर की पहली बॉल दूसरी बॉल सरोज स्ट्राइक पे अच्छी राजू मुखिया पहली बॉल बाउंड्री दूसरी बॉल सीधे कीपर के हाथ में चलोमान पंचम ओवर फिफ्थ ओवर का खेल यहां पे प्रगति पे अगले बॉल थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑप्शन से बाहर खड़े खड़े खेलने की कोशिश संपर्क हुआ नहीं मूवमेंट समझ नहीं पाए बॉल की लाइन किधर जाएगी पहली बॉल चौके उसके बाद राजखिया बहुत बेहतरीन दो लगातार डॉट बॉल बॉल अगली बाल के तैयार सरोज स्ट्राइक पे ये देखिए लाजवाब गेंदबाजी एक और एक और बिंदी बॉल पहली बॉल बाउंड्री समझो उसके बाद तीन लगातार डॉट बॉल तो भरपाई कर ली है राजू मुखिया क्या सरोज यहां पे अपना पेशेंस खो रहे हैं पेशेंस से खेलते हुए दिखे थे स्ट्रेटेजिक टाइम के बाद एक बाउंड्री मिला उसके बाद खेल रुका और फिर लगातार डॉट गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ पुल करने का प्रयास था बॉल की लाइन को फिर से समझ नहीं पाए थोड़ी सी लो रही पिछले बॉल की तुलना में पांच बॉल से मात्र चार रन राजू मुखिया ये अपने काम के मुखिया हैं और इनको पता है किस तरह से गेंदबाजी करना है पहले गेंद जहां पे आप बाउंड्री हजम किए थे उसके बाद लगातार डॉट बॉल्स निकाले तो उस बाउंड्री का कुछ खास फायदा ले नहीं पाए सरोज मात्र चार रन पांच बॉल से कम बैक करना चाहेंगे सरोज ओवर की आखिरी बॉल लीजिए यहां पे समझ नहीं पाए बॉल सीधे विकेट पे विकेट नंबर टू सरोज डिपार्ट बिग विकेट जिस तरह से सेटल किया राज्य मुखिया पहली बॉल बाउंड्री उसके बाद चार लगातार डॉट बॉल दबाव में आए जो समुद्र कह रहे थे क्या पैसेंस को बनाए रख पाएंगे और अंत में वही हुआ अपना विकेट खो बैठे डग आउट जाएंगे सरोज अंदर आ रहे बैटिंग के लिए अब सागर अली जगह पाटिल पांच ओवर तीस रन दो विकेट पर्दी पार्टी लाए बैटिंग के लिए तो लेफ्ट राइट जो कॉम्बिनेशन है वो अभी भी जारी है सागर काना बाकी है अभी और बॉलिंग के लिए बुलाया अब आकाश तेवतिया को पहले ओवर से छह दूसरे ओवर से तीसरे ओवर से छ रन चौथे ओवर से आठ रन इस ओवर से आए रन चार रन तो कुल मिलाकर पांच ओवर तीस दो विकेट अभी तक एंजल कोलकाता बचे तीन ओवर यानी अठारह बॉल यहाँ से तो जो हम लोग लगातार बातें करते आ रहे हैं कि पहले दो मैच में ज्यादा रन बने नहीं पहले मैच में बने उनसठ दूसरे मैच में बने इक्यावन इस मैच में अगर यहां से देखिए आप अठारह बॉल में अगर बीस रन या तीस रन भी जोड़ते हैं तो फिर साठ के आसपास ही पहुंच पाएंगे जो अभी तक कह सकते हैं मुश्किल रहा है बैटिंग करना सभी टीम के लिए इस आज के दिन में सामने तैयार जगत आकाश मार्टिया आए हैं आसमानी टोला खेलने की कोशिश फील्डर है डी पॉइंट पे एक रन जी बिल्कुल देखिए अगर 60 रन जोड़ लेते हैं पे 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 स्कोर स्कोर बोर्ड बोर्ड 60 रन आ जाता है वो अगर टारगेट बनता है तो जो कंडीशन है और मैच की अगर इंपॉर्टेंस की अगर बात करें आप और दोनों ही बड़ा टीम है तो कठिन होगा यह मुकाबला बहुत कठिन होगा बिल्कुल सहमत हो आपकी बात से पचपन साठ रन एक फाइटेबल टोटल है आज के लिए कंडीशन बिल्कुल अलग है पहले दो दिन का अगर जिक्र करें अगली बॉल काफी दूर से खेलने का प्रयास पीछे पहुंचे बॉल की तरफ एक तेजी से सिंगल पूरा किया यह बेहतर कि आप रनों के के लिए जाइए सिंगल डबल ट्राई करते रहिए बड़े शॉट साथ साथ इससे पहले दोनों कैच छोड़े थे आकाश थे लेकिन उनका काम है गेंदबाजी करना, करना विकेट निकालना अभी तक दो गेंद दो रन विकेट तो आया नहीं है लेकिन एक लाइन और लेंथ को मेंटेन कर रहे हैं उठा के खेले हैं इस बार हवा में है गेंद फिल्टर क्या पहुंच पाएंगे जी नहीं पीछे रह जाएंगे आखिरी मूवमेंट पे वहां पे बाउंड्री लाइन सेव जी हां बाउंड्री लाइन सेव और दो रन जुड़ता हुआ और देखिए समझौता इस फील्डिंग में मिडॉन से भागे उज्जल और मिड विकेट से भागे संजू जो सपोर्ट मिला हालांकि दो रन नहीं मिलेंगे लेकिन एफर्ट बहुत ही लाजवाब था मिड विकेट से भागना करीब 25-30 मीटर कवर करना काबिले तारीफ इस बार भी वही कोशिश लेकिन दिशा बदले हैं दिशा बदले हैं लेकिन दशा बदला नहीं पिछले गेंद से भी दो रन इस गेंद से भी दो रन पिछले दो गेंदों से चार रन ये बेहतर मैं मैं ये कहूंगा क्योंकि पहले दो सिंगल उसके बाद दो डबल तो बड़े शॉट अगर ना आए तो फिर भी देखिए चार बॉल से छह आ गए अगर दो बॉल में एक बड़ा शॉट आप ले पाएंगे तो ये बड़ा बर होगा आपके लिए और देखिए आप जिस तरह से बोल रहे थे कि सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना डबल से अगर ट्रिपल मिल जाए तो वो भी अच्छा है तो फिल्टर भी यही सोचेंगे कि दो को रोक के एक में कन्वर्ट किया जाए बाउंड्री सेव किया जाए लेकिन यहां पे क्या सेव कर पाएंगे बिल्कुल नहीं फुल टॉस बॉल मौका था मौके पे हाथ खोले हैं जड़ दिए हैं छक्का और जगह सरकार क्या कहना तैयार तो थी इस बॉल के लिए चार मारो छ मारो फैलो देखिए विकेट 4 6 মারার চেষ্টাটা জগৎ চালিয়ে যাচ্ছে একই সাথে বোলাররাও চাইছে উইকেটটা তুলে আনতে তবে দুর্গাপুর জুড়ে সারা বাংলা জুড়ে এই মুহূর্তে একটাই কথা ক্রিকেট ক্রিকেট এন্ড ক্রিকেট इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा पे एक रन और इसी एक रन के साथ ओवर हुआ समाप्त 6 ओवर का खेल समाप्त

बारह गेंद का खेल शेष और अब इंजिन आपको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा क्योंकि माहौल कुछ ऐसा ही है अब आपको रन बनाना पड़ेगा गेंदबाजी की भार संभालने के लिए आ रहे हैं द तो जॉन्टी सरकार तो आई एस पी एल में आपको याद है जब भी वो चैलेंजिंग ओवर की बात होती थी कोलकाता टीम के लिए जॉन्टी सरकार आते थे गेंदबाजी करने के लिए और एक फैक्ट है उनके लिए कि जब भी वो बाएं हाथ के बल्लेबाज देखते हैं तो उनके सामने वो आते हैं बॉलिंग के लिए जगत सामने सेट है उनके लिए है के लिए फर्स्ट बॉल पहली बॉल वाइड बॉलो सरकार, तो सरकार आखिर तक किन की सरकार बनेगी शॉर्ट ऑफ लेंथ मिड विकेट पे खेलने का प्रयास दो की मांग क्या करेंगे तेज भागे पहला रन शायद सिंगल ही लेंगे क्योंकि प्रदीप पाटिल भी अच्छे स्ट्राइक करते हैं और जगत भी यही सोच रहे चलिए आप भी एक ट्राई कीजिए बड़े शॉट लगाइए ये देखिए खूबसूरत ट्रॉफी कौन होंगे इसके हकदार कल आपको पता चलेगा दुर्गापुर बिग बैस सीजन टू चैंपियन कौन बनेंगे जॉन्टी फील्डिंग में कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं अगली बॉल प्रदीप पाटिल प्रयास तो किया बड़े शॉट के लिए दो की मांग क्या करेंगे फील्डर है पे फिरोज से एक दो की मांग करेंगे नहीं बेहतरीन फील्डिंग पहली बॉल डॉट बॉल उसके बाद दो बॉल से दो सिंगल अभी तक इस ओवर में अगर इसी तरह स्कोर बढ़ता रहा तो 55 से 60 के बीच स्कोर रहने वाला है लेकिन प्रदीप पटेल और जगत सरकार दोनों ही चाहेंगे स्कोर को कम से कम और 10 रन ज्यादा लेके जाया जाए सिंगल अवश्य मिलेंगे दो के लिए क्या भागेंगे कोशिश बिल्कुल होगी जगत भागना चाह रहा है यस नो यस नो थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड किए पाटिल सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा चार बॉल अभी तक तीन सिंगल अच्छा बॉल जॉन्टी के लिए डीजे के लिए बिल्कुल सरकार एंड पूरा पूरा टीम बॉलिंग यूनिट अभी तक पिछले ओवर आकाश तिवारी का ओवर को अगर आप छोड़े तो बेहतरीन गेंदबाजी की प्रदर्शन दिखने को मिला है ओवर की अगली बॉल प्रदीप पाटिल ये जाने जाते हैं इस शॉट के लिए कमाल का स्ट्राइक इस बार मिड विकेट पे ओवर बाउंड्री रन मिलेंगे प्रदीप पाटिल को চলতে রে প্রদীপ চলতে থাকুক এটাই চাইছেন প্রত্যেকে অ্যাঞ্জেল কলকাতার সমর্থকেরা প্রদীপ এই মুহূর্তে যেভাবে চলছে আশার আলো আশার কিরণটা মাঠের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে

पहला दिन भी हम लोग यही बोले थे कि एंजेल कोलकाता टीम में पाटिल ब्रदर्स आए हैं क्या ये रिजल्ट्स को चेंज कर पाएंगे क्या ये एक्स फैक्टर होंगे फिलहाल प्रदीप पाटिल एक्स फैक्टर बनते हुए अपने टीम के लिए दो छक्का पिछले दो गेंदों से तो पिछला दो बार बहुत अच्छी वापसी कह सकते हैं आप अश्वमंत उदय पहले ओवर से जिस तरह से चल रहे थे 6 6 रन 8 रन 4 रन और ये देखिए सब्सक्राइबर मीटर्स आपके सामने शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जिए स्पोर्ट्स देखते रहिए छह लाख सड़सठ हजार एक सौ छत्तीस चाहेंगे जल्द से जल्द सात लाख की फैमिली कंप्लीट करें आप लोग सपोर्ट करते रहिए शेयर जरूर करें क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है पूरे भारत वर्ष से स्पोर्ट्स को एक अलग सी प्लेटफॉर्म कह सकते हैं आप टेनिस क्रिकेट जगत में जी बिल्कुल देखिए मानिए तो सात लाख दूर नहीं है बस सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह जुड़े रहिए क्रिकेट के साथ सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स के साथ बॉलिंग में परिवर्तन राजू मुखिया बॉलिंग के लिए पिछला बार रन खर्च पे सामने है, पे, सरकार, की पहली बॉल।, पहली बॉल देखा जाने दिया से बाहर के बाद, और तुरंत जॉन्टी ने फैसला किया रिव्यू के लिए रिव्यू फॉर वाइड चेक फील्डिंग रिव्यू फील्डिंग सरकार और राजू मुखिया दोनों ही डिमांड कर रहे थे कि ये वाइट होना नहीं चाहिए देखते हैं तीसरे एंपेर उनका क्या मानना है तो इस मैच की तरफ

तो यहां चेक करना एक बार बैटिंग रिव्यू फॉर फ्रंट फुट चेक ओके फ्रंट फुट चेक करना चाहेंगे बैटिंग रिव्यू लिया गया इस बार सुमित दादा बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं जी बिल्कुल देखिए ट्विस्ट तो है लेकिन जिस तरह से बैटर दोनों ही बैटर भागे थे काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं वो लोग कि यहां पे कुछ मौका मिलने वाला है कैच टॉस बॉल पीछे फील्डर फिरोज मौजूद है और सीधे हाथ में स्ट्रेट टू तो द फील्डर वापस जाएंगे जगत सरकार विकेट नंबर थ्री मोमेंटम हाथ से गया और रिजल्ट भी देखिए विकेट खोए यहां पे जगत सरकार डगआउट की तरफ सरकार अंदर आए बैटिंग के लिए अब सागरल्ली एक और बेहतरीन बाएं हाथ के बल्लेबाज पश्चिम बंगाल से सागरल्ली बैटिंग करेंगे साथ में प्रदीप पाटिल और राजमुखिया क्या बेहतरीन कमबैक किया इस ओवर में वाइड नो बॉल उसके बाद सेटल किया फिर विकेट लिया जगत का अच्छी गेंदबाजी राजमुखिया साठ पे तीन ओवर की शेष चार बॉल बाकी आखिरी ओवर जारी 60 पे 3 सामना इतिहास सागरल्ली थोड़ा दूर रखने का प्रयास बॉल यानी वाइट साथ में एक मिलेंगे वाइट रूप में ये सब मौका है फुल आखिरी ओवर नो बॉल व्हाइट बॉल अभी तक कुल मिला के पांच रन दो व्हाइट दो नो बॉल यानी कि दो बार आपके पास ये भी मौका आया था फ्री हिट का हर एक गेंद पे नोक छोक हर एक गेंद पे देख रहे हैं कुछ ना कुछ हरकत होता हुआ

डॉट बॉल। शेष तीन बॉल बाकी अब आखिरी तीन गेंद प्रदीप पाटिल दो छक्का लगातार पिछले ओवर के आखिरी दो गेंदों से जॉन्टी सरकार के गेंद से लगाए थे बेहतरीन गेंदबाजी बेहतरीन बॉलिंग एक और बिंदी बॉल लगातार डॉट बॉल अगली बॉल बॉलपति तैयार प्रदीप पाटिल प्रदीप पाटिल कितनी देर आप इनको रोक के रखेंगे एक ना एक तो लगाएंगे ही और इस बार लगाया है शानदार छह रन प्रदीप पाटिल दिखने को मिला राजू मुखिया काफी नाखुश एक अच्छी ओवर की तरफ बढ़ती हुई लेकिन छक्का हजम करने पड़ा इस बार भी प्रदीप वही कोशिश में थे पहला रन बहुत ही तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भागेंगे जी हां भागेंगे इसी बीच फील्डर बीच में आ गए थे एक रन নমস্কার স্বাগত প্রত্যেকে আরো একবার দুর্গাপুরের নেহেরু স্টেডিয়ামে শেষ কোয়ার্টার ফাইনাল বিগ ব্যাস ছিল তাদের আট ওভার থেকে উনসত্তর রান তারা সংগ্রহ করেছে আর সত্তর রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করবে ডিজে ইলেভেন দুর্দান্ত একটা ম্যাচ আমরা পরক করতে চলেছি ইতিমধ্যেই আপনারা শুনেছেন আমরা বারবার বলেছি বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটের এটাকে বলা হচ্ছে প্রচুর প্রচুর সমর্থক দুই দলের জন্য মুখিয়ে রয়েছেন প্রিয় দলের জয়ের আশায় শেষ হাসি কারা হাসবেন কারা পৌঁছবেন এখানে যেহেতু তিনটে দল সেমিফাইনালে পৌঁছবে সেটা জানার জন্য আপনারা আমাদের সঙ্গে চোখ রাখুন সেভেন্টি সেভেন্টি স্পোর্টস লাইভ স্ট্রিমিং এ দুটো দল ইতিমধ্যেই জায়গা পাকা করেছে সেমিফাইনালের জন্য

69. और सत्तर रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए सेवेंटी रन बनाने हैं और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर आ चुके हैं हलचल यादव और उनके साथ संजू कनोजिया कल के दिन भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला था इन दोनों ने मगर इस मैच पर पूरा वेस्ट बंगाल इन तो पूरे भारत की नजरे लगी हुई है क्योंकि भारत पूरे भारत से सभी बड़े बड़े सितारे इन दोनों टीमों में भी शामिल है গৌরব শর্মা তার জায়গায় হালচাল ইম্প্যাক্ট খেলোয়াড় হিসেবে অন্যদিকে অ্যাঞ্জেল কলকাতা তাদের দলে একটু কনফার্ম করে নিতে চাইব সম্ভবত দীপক গাড়পি সাগর আলী তিনি বাইরে যাবেন দীপক গাড়ি তিনি মাঠে আসবেন ইম্প্যাক্ট খেলোয়াড় দুই দলের আপনাদের জানালাম তো আটচল্লিশ বল থেকে সত্তর রান চন্দ্রকান্ত জি আপ দেখি আজ জিসারা আছে মুকাবলা আপ হুয়া হ্যাঁ इस मैदान में क्या कहेंगे क्या ये गुड टोटल है फाइटिंग टोटल यस yes, फाइटिंग टोटल है फिफ्टी फिफ्टी जिस तरह से ये मैदान है ये मार्ट है और उसी तरह उससे तहत ये एक अच्छा मैच बन सकता है यहाँ से पिछले मैच में हमने देखा पचास के आसपास टोटल था मगर उसमें भी सुपर ओवर हुआ है ये ऐसा ही मैदान है और ये वही मैदान है जिसमें सौ रन भी बना है इस टूर्नामेंट में और इस टूर्नामेंट में एटी रनों का पीछा भी हुआ है तो ये मैच यहाँ से बन सकता है और कोशिश वही रहेगी दोनों टीमों की इस मैच को जीतकर अंतिम तीन में अपनी जगह बनाने की हम हैं दुर्गापुर में दुर्गापुर एक ऐसा शहर है भारत में जो तेजी से भी ते, काफ़ी रफ्तार से जो सिटी विकसित हो रही है उसमें से एक दुर्गापुर है स्टील सिटी के नाम से भी पहचाना जाता है यह शहर बड़े बड़े मॉल्स के लिए भी पहचाना जाता है यह शहर अलग अलग व्यंजनों के लिए भी पहचाना जाता है यह शहर और ये शहर और इस दुर्गापुर धमाका बिग बैश के लिए भी पहचाना जाता है और आज दुर्गापुर धमाका बिग बैश का ही चौथा दिन चौथे रात का एक अहम मुकाबला आखिरी पड़ाव और आखिरी इनिंग अभी भी बाकी है सत्तर रन कर रहे हैं आठ ओवर में अड़तालीस गेंदे और सत्तर रनों को जरूरत इस मैच को जीतने के लिए खुद का पहला और पारी का पहला और लेके गेंदबाजी के लिए दिल्ली का एक ऐसा गेंदबाज होनहार गेंदबाज জিসকি কাবিলিয়াত পুরে ইন্ডিয়ানে দেখি হে পুরে ভারত নিয়ে দেখি হে অনুরাগ শারশান আষাঢ় আলো অনেক সময় আমরা নিভে যেতে দেখেছি এই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে অনেক দল ভালো ক্রিকেট উপহার দিয়েছে আবার আশাঢ় প্রদীপে অনেক সময় সেই বাতিটা দীর্ঘক্ষণ জ্বলতে আমরা দেখেছি অনেক ভালো ইনিংস অনেক ভালো পার্টনারশিপ এবং একটা দুর্দান্ত জয় তো সব কিছু মিলিয়ে দুর্দান্ত কিছু মুহূর্ত আমাদের জন্য ইতিমধ্যে গেছে এই টুর্নামেন্টে আজকে নতুন ইতিহাস কোন দল রচনা করবে সেটা জানার জন্য আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন সঞ্জু কোনোজিয়া এক বড় सितारा ব্যাটিং কে liye पहिली गेंद আলকে আতোসে স্টিয়ার किया सिर्फ एक रन पूरा करेंगे संकेत पाटील और पहिली गेंद पर ये अच्छी बात होती है किसी भी बैटर के लिए सर पहली गेंद पर आप एक रन ব্যাট पर बॉल ले একে বড় এটা আলাদা তো বিশ্বাস তোমাকে দেবে একটা রান তুমি করলে এটা বারবাড়ি আমরা বলে থাকি শুরুর দিকে প্রথম দুটো ওভার পাওয়ার প্লে

बड़ा स्टोक्स लेग की दिशा में इस गेंद को खेला और खिलाड़ी वहाँ बहुत दूर से आ चुके हैं और जब तक थ्रो तो तो करते एक ही रन पर संतुष्ट रहेंगे एक रन से स्कोर आगे दो रनों पर सत्तर रनों का पीछा करना है वैसे देखा जाए तो उतना बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है मैच अच्छा होगा कोशिश करनी होगी दोनों तरफ से कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा संजू खनोजिया नाम तो बड़ा है और पिछले दो साल में इस खिलाड़ी ने भी पूरे भारत भर में अपने नाम का परचम लहराया है सामने एक बड़ा दोनों खिलाड़ी दिल्ली से बिलोंग करने वाले अनुराग भी बैकफुट पर गए कवर्स की कवर पॉइंट की दिशा में लॉफ किया है और वाह क्या क्या क्या, क्या लाजवाब कैच पकड़ा है दीपक गढ़वी थे वहां और दीपक गढ़वी ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा जो मांडवी गांव से कच्छ से और गुजरात से आए हैं दुर्गापुर में क्या कहेंगे इस कैच को मोमेंट ऑफ द डे क्योंकि किसका कैच कैच था था ये सबसे बल्लेबाज डीजे संजू का कैच था। आज इसी तरीके से योगेश पेनकर भी आउट हुए थे पॉइंट की दिशा में लॉफ करना चाहते थे और आज देखिए ये कैच उतना आसान नहीं था पीछे गए पीछे गए पीछे गए एटी थ्री के वर्ल्ड कप की कपिल देव की याद दिलाई इस कैच ने इतना बेहतरीन ये कैच था

एक बड़ा विकेट आ चुका है नए बैटर मैदान के अंदर सुबह जाना धोनी आते ही पहले गेंद को हो 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 भेज दिया सीमा रेखा के पार 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 चार रन পূর্ব মেদিনীপুরের ছেলে সৈকতনগরী দীঘার খেলোয়াড় শুভজিৎ জানা ধোনি একজন বাহাতি ব্যাটের বাইরে গেছেন অন্যজন ভিতরে এসছেন এসেই রিভার্সে গেলেন সফল হলেন ধোনি এই চারটা শুধুমাত্র চারটে রান নয় চন্দ্রকান্ধী এটা তোমার দলে শুরুর দিকে প্রথম ওভারে পাঁচটা বলে যে আত্মবিশ্বাসটা তুমি হারিয়ে ফেলেছিলে সেটা আবার ফিরিয়ে আনলো দুর্দান্ত শট মাইন্ড ব্লোয়িং অনবদ্য শট ओवर रनों का पीछा करना है पहले में बहुत कुछ हमें देखने मिला एक विकेट पहले चार गेंदों में दो ही रन थे पांचवे गेंद पर विकेट आई और छठे गेंद पर आते ही यहां धोनी ने बता दिया कि मैं आ चुका हूं सुबह जाना और गेंदबाजी के लिए लाया गया है जिन्होंने पहले दिन काफी अच्छा क्रिकेट खेला मेडन ओवर किया था गेंदबाजी के लिए आते हुए संकेत पाटिल महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट के पनवेल तहसील के गांव से करने वाले बैचित्रे एकदि महाराष्ट्र पाटिल हलचल जदव बैचित्रे मध्य ओक्य काश्मीर थे कन्याकुमारी समस्त जैगा अंश नहीं चंद्रकान जी बारोटा दल

बाउंड्री हलचल चा तो फिर बैठते के संकेत का स्वागत चौके से हुआ है यहां गलती आपको नहीं चलेगी और गलती की सजा चार रन चार रन चार रन जी हाँ गलतियां करेंगे तो सजा भुगतना पड़ेगा आपको वो गलती आप किए हैं हलचल एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी बढ़िया प्लेयर बढ़िया बैटर वो जानते हैं इस वक्त उसका यहां पर जिम्मेदारी क्या है ओहो अंदर की तरफ घूमी गेंद इसी के लिए जाने जाते हैं खिलाड़ी कभी अंदर कभी बाहर पहली गेंद फुल टॉस थी उसके बाद लेन पर किया इस गेंद को और अंदर की तरफ लाए डॉट बॉल बहुत ही बेहतरीन मुकाबला तीसरा टीम के रूप में कौन टीम पहुंचेंगे सेमीफाइनल में वो सब कुछ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ सेवेंटी स्पोर्ट्स में बड़ा ही मिड विकेट की दिशा में गेंद खेली और आ, काफी रफ्तार से आए वाह क्या बढ़िया फील्डिंग जगत सरकार ओहो हो हो, तालिया बेहतरीन फील्डिंग देखने मिली जगत सरकार द्वारा हर एक रन को बचाना जरूरी है यह दिखाते हुए जगत सरकार चंद्रकांत जी जगत सरकार था या हुन बोल्ट था क्या लग रहा है आपको ये जो ए ना सौ में सौ जबरदस्त बड़ा हिट किया था अगर की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे जगत सरकार और बहुत दूर से आए और इस गेंद को हाथ से तो नहीं रोक सके अगर पैर से रोका वहा फीसले फिर उठकर एक थ्रो अच्छा किया संकेत फुल टॉस खराब गेंद और इस गेंद को भी भेज दिया है सीमा रेखा के पार चार रनों के लिए शुरुआती तौर पे जो मोमेंट खोया हुआ था इस ट्रेम का डीजे इलेवन वो मोमेंट धीरे धीरे प्राप्त करते नजर आ रहे हैं खास तौर पे हलचल जादव जैसा नाम ऐसा काम अब तक बेहतरीन शुरुआत उनसे संकेत दो बड़े स्ट्रोक आ चुके हैं इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं कम उन्हें भी करना होगा मगर यहाँ हलचल ने काफी अच्छी बैटिंग की है अच्छी शुरुआत हलचल की रही है इस बार स्क्वेयर लेग की दिशा में खेला इस गेंद को थोड़ा सा झुककर खेले शॉर्ट स्क्वेयर लेग की दिशा दिशा में इमरोज थे और उनकी दिशा में ये गेंद गई डॉट बॉल अच्छा कम जी हां देखिए इस वाले की दिशा में खेलने की प्रयास था एक और बिंदी गेंद तो इस उभार में हलचल जिस तरह से लय के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्या एक बड़ा शॉट आएगा आखिरी गेंद संकित पाटिल ओहो इस बार कम किया है दो चौके जरूर आए मगर कम फिर एक बार किया संकेत पाटिल ने और दो ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं सोलह रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर बराबरी का ये मैच हर वक्त रंग बदलेगा ये मैच का ये मुकाबला देखने के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा पर था पूरा बंगाल क्योंकि ये है क्रिकेट का डार टेनिस क्रिकेट का डार इस टूर्नामेंट की और भी एक खासियत है समरेश शायद ही टेनिस क्रिकेट में पहली बार अठारह राज्य से खिलाड़ी आए हैं इस टूर्नामेंट में वेस्ट बंगाल बिहार झारखंड एमपी, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश उड़ीसा आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात जम्मू कश्मीर, दिल्ली हरियाणा उत्तराखंड राजस्थान केरला तेलंगाना पंजाब अठारह राज्य से शायद टेनिस क्रिकेट की पहली ऐसी टूर्नामेंट होगी शायद जिसमें अठारह राज्य से खिलाड़ी आ चुके हैं वो है दुर्गापुर धमाका बिग बैश जी हाँ सही फरमाए आपने अठारह राज्य से खिलाड़ी आ चुके हैं ये त्योहार है टेनिस क्रिकेट का। दुर्गापुर के लिए बंगाल के लिए पूरे भारत के लिए बिग बैश धमाका सीजन टू ऐसा महल और कहा और देखिए हेमंत बनियाल जी ये जो बड़ा कारनामा उसके पीछे जो चेहरा है हेमंत बनियाल जी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया क्लाब समन्वय की हर एक सैनिक के लिए भैया है तो मुमकिन है पिछले दो तीन सालों में भारत की टेनिस क्रिकेट में हेमंत जी बनियाल सर का काफी का का बड़ा योगदान रहा है नॉर्थ इंडिया से टीम आई और पूरे भारत में काफी अच्छा प्रदर्शन इस टीम का भी रहा है उनके साथ तारीफ सैयद उनकी भी हम सराहना करेंगे और दुर्गापुर क्लब समन्वय उनकी भी जबरदस्त तारीफ होनी चाहिए काफी जबरदस्त क्रिकेट उन्होंने भी पूरी भारत को दिखाया है इमरोज गेंदबाजी के लिए पहले गेंद को थोड़े से सफल हुए खेला फाइनल की दिशा में एक रन पूरा किया फील्डर आए थ्रो किया तब तक दो रन पूरे हुए, और इस तरह की दो रन जब तक अब बनाते चाहेंगे। ये देखिए जगत सरकार का फैन। जगत सरकार ये मैसेज भेज रहे जगत के लिए पिछला जो एफर्ट था ना जगत का उसी के लिए शायद दिए ये तैयार किए है आप यह पहले से बनाकर लाए थे जगत सरकार ये टेनिस क्रिकेट के फैन है और टेनिस क्रिकेट में भी काफी टेनिस क्रिकेट को काफी लोकप्रियता मिल चुकी है भारत के हर एक गांव में टेनिस क्रिकेट खेला जाता है फिर एक बार चेक करना चाहेंगे पिचिंग कहां हुआ था वो देखना चाहेंगे पीछा कहां हुआ था इस गेंद का तो फिर एक बार आपको बता दूं कल इस मैदान पे खेला जाएगा एक सेमीफाइनल मुकाबला और फाइनल मुकाबला बिग बैस कुछ अलग सा रूल्स के साथ पेश आते हैं यहाँ पर भी वही रूल सबको मिलेगा देखने के लिए वो सब आपको पता चलेगा आज इस मैच के बाद जहां पर होंगे हमारे सबके प्यारा सुमंत दा चार दिन काफी जबरदस्त क्रिकेट हमें देखने यहाँ मिला ऑल इंडिया लेवल का क्रिकेट देखने मिला भारत भर से आए हुए खिलाड़ी अठारह राज्य से कोई टूर्नामेंट में शायद ही पहली बार ऐसा हुआ है नो बॉल जी हाँ फैसला आ चुके हैं नो बॉल यानी अगला जो गेंद होगा वो फ्री हिट और सामने होंगे जाना, धोनी एक और उभरता हुआ सितारे बेंगल टेनिस क्रिकेट में सिर्फ बेंगल टेनिस क्रिकेट में नहीं बाहर भी भारत के अलग अलग राज्य में खेल चुके हैं धोनी अपना नाम बनाया सुबोजीतुल टॉस गेंद हवा में खेला फ्रीड तो जरूर है मगर एक रन पूरा करेंगे और एक रन से स्कोर आगे गया है इमरोज फ्रीड के गेंद पर विकेट जरूर आई थी फ्रीड के कारण बच गए इमरूज ओ खिलाड़ी है पहले बिग बैश मुंबई में जो हुआ था उसके मैन ऑफ द सीरीज जीत चुके हैं टू व्हीलर जीती थी अपने गेंदबाजी के बलबूते पर जी हाँ बिल्कुल एक बड़ा नाम इमरूज खान और राशिकाल यहाँ पर बहुत अच्छा फील्डिंग किए हैं तो कुल मिलाकर अच्छा साझेदारी बनते हुए नजर आ रहे हैं हलचल यादव और शुभजीत धोनी दोनों के बीच ग्यारह रन बनाकर नबाद हलचल यादव धोनी का अपना स्कोर सात फिलहाल स्कोर 20 पे एक जीत के लिए यहां से 34 गेंद से 50 रन चाहिए टीम डीजे 11 को एंजल कोलकाता चाहेगी यहां से विकेट हासिल करे और डीजे 11 चाहेगी यहां से रन बनाए कौन सी टीम जीतेगी बड़ा मुकाबला बड़ी टूर्नामेंट बड़ा प्राइस इनाम 25 लाख सभी की निगाहें इस टूर्नामेंट पर दुर्गापुर धमाका बिग बैश सीजन 2 पर हलचल के लिए ओ हो, 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 हो क्या गेंद की बेहतरीन और उससे ही ज्यादा चतुराई दिखाई विकेट कीपर फरदीन काजी ने एक बड़े विकेट का पतन हलचल आउट बजाओ मिली लेन पर किया था इस गेंद को और एक्शन रिप्ले में हम देखना चाहेंगे लेन से थोड़ी सी कट हुई और विकेट कीपर फरदीन काजी एक अच्छे फील्डर भी है फरदीन काजी और विकेट कीपर कीपिंग भी बेहतरीन कर लेते हैं जी हाँ बहुत ही बेहतरीन स्टंपिंग यहाँ पर फरदीन काजी द्वारा और नए बल्लेबाज के तौर पे कौन आए हैं प्रिंस ऑफ मुर्शिदाबाद वन मैन आर्मी कहते हैं लोग इनको जॉन्टी सरकार खास होगा ये मैच उनके लिए सभी का निगाह रहेगा जॉन सरकार के ऊपर फिलहाल क्या फिर बार एक बार अच्छा पाएंगे मुझे याद है सोनाली शिविर कोलकाता जब सुप्रीमो ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा था उस टीम में शामिल थे और जॉन्टी सरकार किस तरह से खेलेंगे साथ में है सुबह जाना और दो विकेट वापस लौट चुके हैं बीस रन है

सत्तर का पीछा करना है अभी भी पचास रन जरूर पचास रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए इमरोज एक नो बॉल भी जरूर आया मगर उसके बाद अच्छा कम किया यही खासियत है इनकी इमरोज खान और के बाहर की गेंद ओह तालमेल में कभी चंद्रकांत जी तालमेल में बहुत ही कमी था यहां पर क्या भुगतना पड़ेगा धोनी का जो शारीरिक भाषा ये बता रहे हैं जी हाँ बहुत पीछे रह गए थे उनको जाना होगा डक आउट तो मोमेंटम जो पकड़ चुके थे आपने पहला ओवर के बाद आखिरी गेंद से पहला ओवर की वो मोमेंटम धीरे-धीरे खोते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर देखिए रिप्ले में किस तरह से रन के लिए निकाल पड़े हां ना हां ना फिर धोनी बहुत पीछे बहुत पीछे एक और विकेट जी हाँ थोड़ा समय लगेगा देखिए लगातार तीन विकेट गिर चुके हैं जो वक्त पर जॉन्टी सरकार अब आए हैं सेट होने में थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन एक बार सेट हो गया फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनता फिर इस वक्त मगर इमरोज खान के लेग कटर का जवाब नहीं जी हाँ बिल्कुल सही भरमाया आपने बेहतरीन लेग काटर डाले इमरोज खान इसी लिए तो इमरोज खान को इतना बढ़िया मंच में बड़ा गेंदबाज के रूप में लोग मानते हैं तो फिर एक बार आपको बता दो तीन ओवर की खेल की समाप्ति तीन के बाद फिलहाल 21 पे डीजे इलेवन जीत के लिए 30 गेंद से चाहिए उनचास रन 49 नाइन रन रिक्वेड फ्रॉम थर्टी बॉल्स और ये देखिए सेवन सेवन स्पोर्ट्स छह लाख सतसठ हजार दो सौ अट्ठानबे छियासठ हजार में काफी देर तक रुके थे लेकिन अब सतसठ हजार की जो पटरी पकड़ ली है काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है सभी दर्शकों से और सभी बंगाल वासियों से भी विनती करना चाहूँगा भारत के टेनिस बॉल क्रिकेट चाहने वालों को भी विनती करना चाहूँगा सभी अगर आपको ये टेलीकास्ट लाइव टेलीकास्ट पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए 21 पे तीन तीन ओवर के बाद अभी भी पाँच ओवर का खेल शेष है और पाँच ओवर में उनचास रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए क्या होगा पहले पारी में पहले पारी का अंतर एक ही था वो था प्रदीप पाटिल प्रदीप पाटिल ने जो छक्के जड़े और लगातार के तीन छक्के जड़े थे और आठ गेंदों में बीस रन किए थे मगर दूसरी पारी में भी किसी को तो प्रदीप पाटिल बनना होगा जी हाँ पहला पारी में एंजल कोलकाता के लिए प्रदीप पाटिल मसीहा बने थे डीजे इलेवन के लिए कौन बनेंगे मसीहा वो सब कुछ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ सेवेंटी सेवनटी स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग में यस और सभी इसमें जितने भी खिलाड़ी आज शामिल हुए अठारह राज्यों से खिलाड़ी आए पूरे टूर्नामेंट में वो अपने अपने गांव के डिस्ट्रिक्ट के राज्य के बड़े सितारे ही है अच्छी गेंद कवर्स की दिशा में इस गेंद को ढकेला एक रन पूरा करेंगे संस्कार अच्छी बात है किसी अच्छी शुरुआत उन्होंने की मिडल किया गेंद को एक रन पूरा किया जी हाँ उभार का स्टार्ट आप सिंगल से शुरुआत किए हैं कॉन्फिडेंट शॉट के साथ शुरुआत किए हैं इससे बड़ा और क्या होता है आपके लिए आगे पांच बॉल आपको मिलेगा लूज बॉल मिलेगा फिर आप बड़े शॉट पे जाइए लेकिन ये जो सिंगल ये छोड़िए मत पहले ओवर में दस रन आए थे संकेत के फिर और विकेट कोई नहीं आया था मगर कप्तान ने फिर एक बार संकेत को ही गेंदबाजी के लिए लाया है उनके पास एक अलग टैलेंट है गेंद को घुमाने में कामयाब रहे थे मगर सामने संस्कार और जॉन्टी सरकार दो बड़े सितारे हैं क्योंकि कप्तान सरोज प्रमाणिक का सोच अब है जो दबाव में विपक्ष टीम है डीजे इलेवन तीन विकेट बाईस पर वही दबाव बनाकर रखना है संकेत अच्छे गेंदबाज भी है और अच्छे अंपायर भी है जो गेंदबाजी के लिए आए तो फिलहाल सामने होंगे सरकार किस तरह से संभालेंगे संकेत पाटिल को क्या एक दो बड़ा इस उभार से आएगा संकेत सामने है जॉन्टी सरकार वेस्ट बंगाल और भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा नाम बैकफुट पर गए इस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला और जब तक थ्रो आता एक रन पूरा किया है और ग्राउंड स्ट्रोक भी अच्छा है यहाँ से जब से हमने पहले दिन से देखा है कि सिर्फ बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने से नहीं होगा आपको कुछ सिंगल डबल्स निकालने होंगे और उसी के प्रयास में यहाँ जॉन्टी सरकार जी हाँ सारे दर्शकों ने फैन हो चुके हैं यहाँ पर खास करके योगेश पेनकर का ये देखिए डीजे 11 का डग आउट थोड़ा सा चिंतित नजर आ रहे हैं तो और हमारे भैया जी थैंक यू भैया फॉर सच ए ग्लोरियस बिग टूर्नामेंट दूसरे साल में बिग बैश सीरीज का एक 11वां टूर्नामेंट संस्कार हवाई यात्रा के लिए भेज दिया इस गेंद को और ये गेंद जाएगी सीमा रे का पार चेरा मौसम धीरे धीरे बदल रहे हैं क्या मौसम बिगड़ेगा उसके लिए आप रहिए हमारे साथ कहीं मत जाइए डिनर कीजिए लेकिन टीवी ऑन रखिए स्क्रीन ऑन रखिए एंड्रॉइड फोन ऑन रखिए सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स के साथ थोड़ी सी आगे गेंद थी ये संकेत ओ हो 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 यहाँ कम किया है टपा खाने के बाद गेंद गोमी और बड़ा टर्न देखने मिला इस बार कोशिश में तो थे फिर एक बार बड़ा हिट करने के मगर यहाँ गेंद बहुत 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 ज्यादा घूमी और इसी के कारण डॉट बॉल। आप जितना बाहर जा रहे गेंद भी आपका पीछे पीछे उतना ही बाहर जा रहा था। पीछा कर रही थी संस्कार का ये गेंद 29 रन बने हैं सत्तर का पीछा करना है संकित पाटिल संस्कार के लिए संस्कार फिर एक बार संस्कार की बल्ले से आता हुआ है बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, बड़ा सिक्सर लगा दो वो बात क्योंकि 70 -70 बॉल लगा तो प्रदीप पाटिल बनना चाहिए किसी ने ऐसे हमने कहा था और, यहां तो जारी है। थे। और इसी के कारण ओवर चौथा है तीन विकेट वापस लौट चुके थे मगर संस्कार के ये दो बड़े हिट टीम को फिर एक बार मैच में लेके आए ये क्रिकेट बहुत सारे चढ़ाव उतार देखने मिलेंगे हमें आज जी हाँ फिलहाल पैंतीस पे तीन आखिरी गेंद इस बार रिवर्स खेलने की प्रयास जी नहीं चूंकि इस बार पिछला दो शॉट कितना कॉन्फिडेंट लग रहा था संस्कार को इस बार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए और चूप ओहो हो कट टू कट मैच किसे कहते हैं सोमरेज ये कट टू कट ही मैच है चार ओवर का खेल खत्म हो चुका है चार ओवर का खेल बाकी है पैंतीस रन हो चुके हैं पैंतीस रन बाकी है आधा काम हो चुका है आधा काम बाकी है एंजल कोलकाता बनाम टीजे 11 इलेवन का एक जबरदस्त मैच शुरू है और आप जो काम करेगा स्पोर्टिनो इवेंट स्ट्रेटेजी टाइम आउट सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेला जाएगा इस मैदान पे आखिरी दिन कल डे फाइव और भी रोमांचकर होगा आपको आना है मैदान पे सीधा ट्रेन पकड़िए दुर्गापुर स्टेशन पर आइए वहां से नेहरू स्टेडियम बस पकड़ेंगे सिटी सेंटर पे उतर जाइए वहां से आ जाइए नेहरू स्टेडियम आ चुके हैं बहुत लोग मेदनीपुर से मुर्शिदाबाद से बीरभूम से बहुत लोग आ चुके हैं टेनिस क्रिकेट कुछ खास मायने रखते हैं। ये जो फैंस आए ना इतना दूर से तीन दिन चार दिन होटल में रुकते हैं खेल का हार पल का मजा लेने के लिए रोमांच लेने के लिए यही वो लोग हैं चंद्रकांत जी जो टेनिस क्रिकेट को आज इस जगह पर लाया है अभी का योगदान है टेनिस क्रिकेट आज पूरे भारत भर में क्यों है उसका कारण है दर्शक भी है अच्छा खेल तो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनका भी योगदान है हमारे दर्शक, ये दर्शक इन ये दर्शक ही क्रिकेट को बड़ा करते हैं खिलाड़ियों को भी बड़ा करते हैं सर पे लेते हैं आप अच्छा खेलेंगे तो आपको सर पे लेंगे आप अगर बुरा खेलेंगे तो आपको डांटने वाली भी ये दर्शक है और ये दर्शकों के बिना क्रिकेट नहीं हो सकता और आज हमारा टेनिस क्रिकेट जो स्वर्णिम दौर से जा रहा है और उसके पीछे खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों का भी योगदान है जी हाँ बिल्कुल आप भी ये सर्निम्पर का हिस्सा बनिए आइए हमारे साथ नेहरू स्टेडियम में और टेनिस क्रिकेट आप ही लोग के बदौलत आज इस जगह पर पहुंचे आप ही लोग हैं इतना प्यार दिया और आज इस मैच का रिजल्ट के बाद ना सोशल मीडिया थोड़ो, थोड़ा फॉलो करना फिर आपको पता चलेगा कितना फैंस है कितना फॉलोअर्स है दोनों टीम के लिए कड़ा संघर्ष कड़ा मुकाबला चार ओवर के बाद 35 रन बने हैं और चार ओवर में आने वाले 35 ही रन करने हैं तीन विकेट वापस लौट चुके हैं सात विकेट हाथ में है गेंदबाजी के लिए केरला के गेंदबाज आशिक अली को लाया गया है आशिक अली और सामने होंगे जॉन्टी सरकार विश्व कपाट की दिशा में पहला रन तेजी के साथ दूसरे की मांग जी हा दूसरा रन भी पूरा कर लिया है ये जोड़ी देखकर एजाज स्पेनकर का वो जोड़ी वो मंजिल तक जाने वाला जो सफर था वो जो कमिटमेंट था डेडिकेशन था नजर आ रहा है आपको जरूर और इन इस वक्त टीम को जरूरत भी है इसी तरीके के रन की शायद डायरेक्ट हिट होता या फर्स्ट अटेम्प में स्टम्प को ये गेंद लगाते तो आउट भी होने की संभावना यहाँ थी और आप देखिए मैदान के अंदर छोटा सा हेलीकॉप्टर घूम रहे और हमारे सारे दर्शकों का तस्वीर भेज रहे स्पोर्ट्स लाइव में फिलहाल से काली जॉन्टिस सरकार जी नहीं पूरी तरह से चकमा दिया इस बार प्रतिदिन काजी की दस्तानों में अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं विकेट विकेट के दोनों तरफ गेंद घुमाने में कामयाब रहते हैं और उनकी ग्रीप देखिए थोड़ी सी अलग है जिस तरह से गेंद को घुमाते हैं और अच्छा कम किया है यहाँ एक डॉट बॉल हर एक डॉट बॉल काफी महत्वपूर्ण है इसके आगे डॉट बॉल भी होगा बड़ा हीट भी होगा सब कुछ होगा यहाँ पर कहीं मत जाइए दिलचस्प मुकाबला होगा फिर एक बार देखिए यहां पर बेहतरीन फील्डिंग बेहतरीन फील्डिंग फिर एक बार कौन था बंदा कौन था उधर संगम तिवारी कुछ देर पहले यहां बैठा था अब मार्ट में दोनों जगह पे आप जो जिम्मेदारी संभाल रहे ना आपके लिए ऑफ सैल्यूट आप बैटिंग करके ही प्रभावित नहीं कर सकते बॉलिंग करके नहीं फील्डिंग करके भी कर सकते और इस संगम, संगम तिवारी संगुण। और सब्सिट्यूट के तौर पर मैदान के अंदर गए हैं झारखंड शायद झारखंड राज्य के एकमात्र खिलाड़ी है और उन्होंने इस टूर्नामेंट में अठारह राज्य से खिलाड़ी खेले हैं तो झारखंड से इस मैदान के अंदर उतरे संगम तिवारी क्या फील्डिंग की है लाजवाब बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत जी खास जानकारी हमारे दर्शकों के लिए और फिर एक बार देखिए पहले से मन बना लिए थे आप कि हम खेलेंगे ऊंचा शॉट दूरी शॉट जी नहीं अच्छी गेंदबाजी हो रही है आशिक अली राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं जितने सफल हो रहे हैं वह, वहां पिचिंग करके बाहर की तरफ निकाल रहे है गेंद उतना आसान नहीं है इस तरह के गेंद खेलना और जॉन्टी सरकार थोड़ी सी तकलीफ में है मगर अच्छे खिलाड़ी है बड़ा सितारा है ये जानते हैं किस तरह से वापसी करना है इनको इस बार काफी बाहर व्हाइट कलर दिया एक और अतिरिक्त रन और इस रनों के साथ स्कोर आप पहुंचे डीजे इलेवन फोर्टी फोर थ्री चालीस पे तीन जीत के लिए यहां से चाहिए बीस गेंद से तीस रन बीस गेंदे तीस रनों की जरूरत एक अच्छा मुकाबला कड़ा संघर्ष दोनों टीमों के बीच आशिक अली फिर एक बार सामने जॉन्टी सरकार सात गेंद से पांच रन राउंड कर नबाद राउंड दिकेट एक दिशा में तेज भागे और पहले रन के लिए भागे थे बहुत तेज जॉन्टी विकेटों के बीच ये खासियत है इनका तेज भागते हैं तेज दौड़ते हैं और जितना ये तेज भागते हैं ना जितना तेज दौड़ते हैं ना उससे काफी ज्यादा इनका दिमाग चलता है इसलिए इनको कहा जाता है वन मैन आर्मी प्रिंस ऑफ मुर्शिदाबाद मगर इस वक्त गेंद थोड़ी सी आगे की थी के बाहर की थी मिड ऑफ की दिशा में खेले वहां प्रिंस ऑफ दुर्गापुर थे सरोज प्रामाणिक अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो भी देखने मिला संघर्ष जारी है अभी भी ये मैच डीजे इलेवन के पास भी जा सकता है एंजल कोलकाता के पास भी जा सकता है कड़ा संघर्ष एक जबरदस्त मैच इस वक्त मैदान के ऊपर चलता हुआ जीत के लिए ना यहां पर सब कुछ आपको अच्छा ही करना है बुरा करेंगे तो नतीजे में आपको नजर आएगा इकतालीस रन बन चुके हैं और इस पारी का पांचवा ओवर प्रगति पर है अभी तक इस ओवर में छ रन खर्च किए हैं आशिक अली ने সংস্কার একদমই চন্দ্রকান্তি বহু মূল্যবান উইকেট এখানে এবং ক্যাশটা কার কাছে গেল কলকাতার ক্যাপ্টেন সরোজ প্রামাণিক দুর্থান্ত একটা ক্যাচ আরো একটা উইকেটের পতন একচল্লিশ চার উইকেটে DJ eleven Current run rate eight point two zero, required run rate. थोड़ा सा आगे 9.67 यही तो क्रिकेट है और यही है प्रोफेशनल क्रिकेट हार आखिरी वक्त कोई किसी को नहीं माननी है कभी इस तरफ कभी उस तरफ बहुत सारे चढ़ उतार चढ़ा उतार देखने मिलेंगे आने वाले समय में अठारह गेंदे उनतीस रनों की जरूरत एक तरफ है डीजे इलेवन एक तरफ है एंजल कोलकाता उनके बीच दुर्गापुर धमाका का बिग बैच सीजन टू का एक बेहतरीन मुकाबला एक तरफ है टीम का ओनर एंजल कोलकाता मिस्टर औरिंदम धौर दूसरी तरफ है डीजे इलेवन का टीम ओनर और मिस्टर डीजे एक तरफ है एंजल कोलकाता का मेंटर कारीगर ऑफ द टीम कौन शेखर त्रिपाठी और दूसरी तरफ कौन है मेंटर ऑफ डीजे जे इलेवन मिस्टर राजन गुप्ता एसर के ऑफ दिस टीम एक तरफ है कप्तान सरोज प्रामाणिक और एक तरफ है कप्तान जॉन्टी सरकार और दोनों मैदान के अंदर मौजूद है पीकू पॉल आ चुके हैं और सही वक्त था पीकू के मैदा, मैदान मैदा, के ऊपर आने का एक और एक बड़ा सितारा भारतीय टेनिस क्रिकेट का पीकू पॉल जिनकी बल्लेबाजी जिनकी पहचान है बहुबली के नाम से भी जाने जाते हैं प्रिंस ऑफ साल किया प्रिंस ऑफ साल किया गेंदबाजी के लिए फिर एक बार अनुराग को आमंत्रित किया है अठारह गेंदे और मैच को जीतने के लिए उनतीस रनों की जरूरत अभी भी है चौंटी सरकार अनुराग पहला ओवर में सिर्फ छह रन एक सफलता जॉन टी सरकार पीछा करने के लिए गए नहीं यहां पर सोच अच्छा था कभी बाहर था गेंद वाइट का इशारा यानी आपके लिए ही रहेगा रन में होगा चाहिए आप। दस का डिफरेंट है और पहली गेंद ज्यादा बाहर थी तो खेलना चाहते थे मगर ज्यादा दूर गई और इसी के कारण एक वाइट बॉल यहाँ आ चुका है अठारह गेंदे और अट्ठाईस रनों की जरूरत कड़ा संघर्ष कड़ा मुकाबला जीत और हार के बीच फर्क है ये दस रन मिटाना है आपको कब मिटाएंगे कौन मिटाएंगे सवाल हजार है जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ फिलहाल एक रन पहला रन तेजी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल करेंगे जॉन्टी सरकार ये ते, तेज भागते हैं और फिर एक बार दो रन की तब्दीली होगा स्कोर बोर्ड में यानी स्कोर आप पहुंच चुके हैं यहां से 44 44 पे आपने सही कहा उस जिस तरह से योगेश पेनकर ने बैटिंग की है उसकी याद थोड़ी सी दिला दी है यहाँ जॉन्टी सरकार ने गेंद अच्छी थी मगर इस अच्छे गेंद को कवेज कवर्स की दिशा में ढकेला और एक के जगह दो तोड़कर पूरे किए स्कोर दो से आगे ये जो ये जो जोड़ी आप देख रहे हैं आप मैदान में ये बंगाल का शान है आज मौका है आपके पास भारत का शान बनने के लिए पीकू पाल जॉन्टी सरकार क्या वो कारनामा करके दिखा पाएंगे क्या खुश कर पाएंगे टीम का ओनर मेंटर को या एंजल कोलकाता जीतेंगे इस मैच में क्या होगा मैच में ओहो oh, oh, और एक बेहतरीन स्ट्रोक कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला एक रन पूरा किया दूसरे की कोशिश और दो रन पूरे ओहो हो 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 हाथ से गेंद फिस रहा एक रन फिस रहा चंद्रकांत जी जरूर यहाँ हर एक रन रोकना जरूरी है और थोड़ा सा ड्यू फैक्टर ज्यादा है इसके पहले हमने देखा दो खिलाड़ी स्लिप भी हुए और यहाँ आपको हर एक किसी भी हालत में कुछ भी हो आपको रन तो रोकनी ही है जी रोकेंगे रोकेंगे तो तो आगे जाएंगे नहीं तो पीछे जाएंगे नहीं पीछे फिलहाल पे गेंद से चाहिए चौबीस रन छह विकेट है आपके पास और यही रनों के अंदर विपक्ष को रोकना होगा एंजल कोलकाता को कप्तान सरोज प्रमाणिक थोड़ा सा बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं अनुराग सरसर के साथ क्या रणनीति अपनाएंगे कैसे ये जो रन रोकेंगे जबरदस्त मुकाबला एक तरफ अनुराग है उनको रन रोक रन को रोकना है दूसरी तरफ है टी जिन्हें रन करना है टी सरकार ओ, हो, हो 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 बहुत दूर छे, 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 छे रन पंद्रह गेंदे अठारह रनों की जरूरत जॉन सरकार जैसे ही मौका मिला एक बड़ा स्ट्रोक खेला उन्होंने अब तक सिंगल डबल्स ले रहे थे और एक गेंद उनके रडार में आई अनुराग के ऊपर हल्ला बोला और हल्ला था छह रनों का जॉन सरकार क्या बैटिंग की है इन्होंने भी सोलह रन बनाए मगर सिंगल डबल्स के साथ एक बड़ा हिट भी लगाया ये ये का उम्मीदों का सूरज है थोड़ा सा बाहर डाले दूर रखे शरीर से की दिशा में एक रन मिलेगा जॉन्टी सरकार को यानी जीत के लिए यहां से चाहिए 14 से चाहिए गेंद रन ये वही टूर्नामेंट टूर्नामेंट है जिस टूर्नामेंट में छह गेंदों में रन भी नहीं बने हैं और देखना होगा इसी कारण आखिरी क्षणों तक कुछ भी हो सकता है और अनुराग को यहाँ कम करना होगा पिकोपॉल जॉन्टी सरकार यहाँ डीजे जे इलेवन अच्छी पोजीशन में इस वक्त तो है मगर कम करना होगा 53 रन बने हैं और पिछला मैच में भी सात रन नहीं बना था वो अलग मैच था ये अलग मैच और यही है इस टूर्नामेंट की खासियत शायद कोलकाता वेस्ट बंगाल में बहुत सारे रन होते हैं और एक ओवर में मगर ये टूर्नामेंट थोड़ा सा अलग है बड़ा हिट फिर एक बार हवाई यात्रा और गेंद जाएगी सीमा रे पार पार था अलग अलग रंग के साथ आप अलग अलग मैच को आप देख पा तो रहे थे उसी ओर आगे बढ़ रहे ये जोड़ी तेरह गेंदे और मैच जीतने के लिए ग्यारह रनों की जरूरत मगर ये मैच खत्म नहीं हुआ यहाँ से भी मैच बन सकता है कोशिश करनी चाहिए पीकू लय में आए आते ही पहले गेंद पर छक्का जड़ा

জয়ের জন্য প্রয়োজন শেষ বারো বল থেকে এগারো রান রেটটা একটু আগে ছিল নয় দশমিক ছয় সাত আর এই মুহূর্তে কারেন্ট পাঁচ দশমিক শূন্য জয় আর পরাজয়ের দদুল দোলায় দুলছে ম্যাচের গতি প্রকৃতি কি হবে শেষ হাসি কারা হাসবে সব কিছুর জন্য আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন স্পোর্টস লাইভ স্ট্রিমিং শেষ কোয়ার্টার ফাইনাল बिग बैस धमाका सीजन टू नेहरू स्टेडियम थे के लाइव आस्ट है सेवेंटी स्पोर्ट्स है 12 गेंदे अभी भी शेष है और 11 रनों को यहां बनाना है आपको इस मैच को जीतने के लिए बेहतरीन क्रिकेट जबरदस्त क्रिकेट पोजीशन तो पीस वक्त इस ये मैच डीजे 11 के पास है मगर कम कर सकते हैं यहां एंजल कोलकाता ये भी एक बड़ी टीम है थोड़ी सी चिंता जरूर है मगर इस मैच को जीतना है किसी भी हालत में इसके पहले मैच में हमने देखा बारह में तो खत्म नहीं हुआ एंजल कर सकती है सामने है टी सरकार और पीकू पॉल दूरतंत्र पार्टनरशिप एक दिखे पीकू पाल और बारो के जॉन्टी सरकार बारह बॉल थे सत्रह रन को अपराजित हो जॉन्टी सरकार पीकू पाल

টানটান উত্তেজনা আমরা বলেছিলাম এটা টুর্নামেন্টের সব থেকে হাই ভোল্টেজ ম্যাচ হয়তো বা হতে চলেছে হ্যাঁ সে রাস্তার দিকেই এগোচ্ছে ম্যাচের গতি প্রকৃতি আশিক জন্টি সরকার কে লিয়ে ओहो और एक बेहतरीन गेंद टपा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ बहुत जबरदस्त घूमी और एक डॉट बॉल दबाओ 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 बढ़ा सकती है डॉट बॉल दस गेंदे और ग्यारह रनों की जरूरत

और एक रन से स्कोर आगे साठ रनों पर तो पिछला ओवर से मोमेंट कभी महंगा एक ही ओवर यहाँ पर जीत और हार के बीच बना देता है नौ गेंदे दस रनों की जरूरत अभी भी इस मैच को जीतने के लिए यह मैच खत्म कहा हुआ है मैच ऑन है कुछ भी हो सकता है सामने पीकू और गेंदबाजी के लिए आशिकाली ओहो हो और एक अच्छी गेंद घुमा गुम, कर खेलना चाहते थे डॉट बॉल और तालियां बजती हुई हर एक गेंद के बाद तालियां बजती हुई कभी यह मैच एंजल कोलकाता की तरफ कभी मैच डीजे इलेवन की तरफ दुर्गापुर धमाका बिग बैश में और एक धमाका इस वक्त मैदान के अंदर चल रहा है आठ गेंदे दस 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 ऐसे हम बोले इंच इंचित लौड़ हो पे छिड़ो प्रतिद्वंदी बटने बेचे बिग बैस धमाका সেখানে এই ধরনের ম্যাচ তুমি আশা করতেই পারো আশিক আলী পরের বলটা করবেন পিকুপাল একবার পরাস্ত হয়েছেন তিনি দুর্দান্ত ম্যাচে দলকে প্রত্যাবর্তন করাচ্ছেন আশিক আলী কেরালার এই খেলোয়াড়টি জি ম্যাচ অন গেম অন সাত বল থেকে প্রয়োজন দশ রান গত ম্যাচের অ্যাকশন রিপ্লে গিয়ে আমরা দেখতে চলেছি जिस तरह ये गेंदबाजी हो रही है आशिक अली के लिए तालियां होनी चाहिए इतनी बेहतरीन गेंदबाजी अब तक उन्होंने की है पांच गेंदों में सिर्फ एक रन खर्च किया है ये क्रिकेट का खेल है क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है आशिक अली और इस बार रिवर्स का प्रयास एक रन पूरा किया संगम तिवारी थे वहां आशिक अली दो रन का और किया है या सिर्फ क्या मैच क्या मैच लाजवाब क्रिकेट बारह गेंदों में গ্যারো রানও আর জরুরতই উসভক্ত দেখিয়ে উইকেট তো ইহা নাই আয়া মাগার রান তো সির দোহি দিয়ে হে কি আ গেন্দবাজি কি হে একদমই সহমত আপনার সঙ্গে দুর্দান্তভাবে দলকে প্রত্যাবর্তন করালো আশিকালই দুর্দান্ত একটা স্পেল দু ওভার বল করেছেন আট রান খরচ করেছেন একটা উইকেট জয়ের জন্য আবারও ডিসাইডেড হবে শেষ ওভার হয়তোবা শেষ বল শেষ ছটি বলের খেলা বাকি জয়ের জন্য ডিজে ইলেভেনের প্রয়োজন ন রান जयलाइजी हाँ क्रिकेट, सोमरे इसके पहले ओवर में अनुराग के अठारह रन आए थे उसके बाद सिर्फ दो रन का ओर किया आशिक अली ने और साबित किया मैं केरला से दुर्गापुर की आया हूँ और काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हुए सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स पर सभी का हम तय दिल से स्वागत करेंगे और सभी से विनती भी अगर आप नए हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आखिरी ओर लेके गेंदबाजी के लिए प्रिंस ऑफ दुर्गापुर दाखिल हो चुके हैं इस मैच को जीतने के लिए अभी भी নৌ রাত জরুরত গেদবাজি সরোজ সরকার ব্যাটিং বেঙ্গল ক্রিকেটকে আর ক্রিকেট ক্রিকেটকে তিন তিনে সিতারে আমনে সামনে চোমরেশ ত্রিভুজ এই মুহূর্তে তৈরি হচ্ছে একদিকে পিকুপাল অন্যদিকে জন্টি সরকার বল হাতে সরোজ প্রামাণিক সব থেকে বড় কথা তিনজনই বাংলার মাটিতে খেলছেন এই মুহূর্তে বাংলার খেলোয়াড় যদিও ইন্ডিয়া লেভেলের টুর্নামেন্ট ছ বল নান सरोज तो पहली गेंद ओ अच्छी गेंद थी फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश कामयाब नहीं रहे और एक रन पूरा किया यहां एक, एक 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 रन जरूरी है हर गेंद की हर रन की एक अहमियत है अभी भी पांच गेंदे आठ रनों की जरूरत शेष बॉल पर की मैच घोड़ा पे नतून इतिहास रूप कथार कहनी कारा लिखे जे दल ही लिखुक जय हो एक बार बिग बैस धमाका सीजन टूट एमोन माहौल एमन चित्र को था इस मैच को जीतकर सुपर टॉप थ्री में जगह बनानी है और देखना होगा कौन जीतेगा यहां आखिरी पांच गेंदे सरोज प्रामाणिक

চার বল থেকে প্রয়োজন সাত রান টানটান উত্তেজনা কি হয় কি হয় জয় আর পরাজয়ের দদুল তোলায় দুলছে ম্যাচের গতি প্রকৃতি ভালোবাসা আবেগ উচ্ছ্বাস উত্তেজনা সব কিছুই রয়েছে এখানে শেষ তিন বলের খেলা বাকি প্রয়োজন সাত রান তিন गेंदे सात रनों की जरूरत और दुर्गापुर वासियों अगर ये मैच आपको पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए क्या जबरदस्त तालिया सीतिया यहां बसती हुई बेहतरीन मुकाबला तीन गेंदे सात रन सात रन तीन गेंदे डीजे इलेवन एंजल कोलकाता बड़ा बड़ा हिट मिड विकेट के दिशा में पीकू पॉल बाहुबली वेस्ट बेंगाल छ পিকু পাল এই শর্টটা শুধুমাত্র ছটি ডানালো না হাজার হাজার সমর্থকের এক রাশ আশা বুকে মনে হৃদয়ে সেটাকে আরো একবার নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করলো পিকু পাল কে ম্যাচ হ র আয় আবি ম্যাচ খতম নেই হুয়া কিয়া ফের একবার ম্যাচ আয় হ अभी भी एक रनों की आवश्यकता है जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए पीकू सामने है सरोज प्रामाणिक हाथों से यहां खेला है और इस मैच को जीता है जॉन्टी सरकार पीकू पॉल डीजे इलेवन टॉप थ्री में दाखिल हो चुकी है एक तो बिग बैस धमाका ते क्वालिफाई कर लो डीजे जे इलेवन प्रथम दल छो एमयूसीसी संबलपुर দ্বিতীয় দল ছিল নর্থ হিমালয়ান টাইগার্স আর তৃতীয় দল হিসেবে পৌঁছে গেল সেমিফাইনালে ইলেভেন সেলিব্রেশন চলছে মাঠের মধ্যে স্বাভাবিক এই চিত্রটা প্রচুর প্রচুর চাপ ছিল এই ম্যাচে সেই চাপটা পিছনে ফেলে পিকু পাল জন্টি সরকার বঙ্গ টেনিস ক্রিকেটের দুই তারকা ক্রিকেটার আরও একবার ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটের মানচিত্রে নিজেদেরকে নতুন করে প্রমাণ করলেন অনবদ্য ম্যাচ আমরা দেখলাম রোমহর্ষক ম্যাচের সাক্ষী থাকলেন প্রত্যেকে সবাইকে আমরা জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা এখান থেকে সরাসরি চলে যাব পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে যেখানে থাকবেন সুমন্ত দা অনেক ধন্যবাদ সমরসদা গর্বের লড়াই আবেগের লড়াই উচ্ছ্বাসের লড়াই বাংলা ডার্বি আমরা বলেছিলাম ভারত পাকিস্তান ম্যাচে যে আবহ ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের যে আবহ এ ম্যাচে সেই আবহ দেখব আমরা এই মুহূর্তে আমরা জুড়বো একদম শুরুতে পিকুর সাথে পিকু পিকুর সাথে জুড়বো আমরা একদম শুরুতে এবং তারপর জন্টির কাছে যাব পিকু সারা পশ্চিমবঙ্গ সারা পশ্চিমবঙ্গ এই মুহূর্তে নজর রেখেছিল এই ম্যাচের উপর এত বড় একটা ম্যাচ দ্রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ কি বলবে এই ম্যাচকে নিয়ে কিছু বলার ছিল না আমাদের জন্য খুব ইজ্জতের ব্যাপার ছিল खेला होते खिलाया जी। क्या बढ़िया बात कहे देखिए यहाँ पे इज्जत की बात थी ये मैच बड़ा था ये। और ये मैच मैच था और जीतना जरूरी था तो जीते हैं अभी भी सांस नहीं ले पा रहे हैं तो ये होता है क्रिकेट क्या माहौल क्या माहौल बढ़िया क्रिकेट चलिए ऑल द बेस्ट तो कहा है जॉनटी सरकार कहा है कैप्टन टीम के ये देखिए सेल्फी के बीच में है जॉन्टी

तो देखिए कैच लाइन देखिए यहाँ पे घर के घुस के घर में घुस के आपको हराएंगे वही काम किए हैं जॉन्टी सरकार और मैं नहीं ये जॉन्टी सरकार का लाइन है जॉन्टी कत तृप्ति तो कत तो आनंदित तो, कत तो उत्तेजित तो। मैच एक्चुअली गोटा आ, वेस्ट बेंगल जमन डार भी छो और गोटा सीजने जे করেছি এই ম্যাচটা না হারাতে পারলে হয়তো লোকে বলতো যে বড় মাঠে এসে তো ঠিক তারা তাদের মতো করে খেলে গেল জন্টিরা ছোট মাঠের প্লেয়ার ছোট মাঠে তো সেটাও প্রমাণ হয়ে গেল যে বড় মাঠ ছোট মাঠ বলে কোনো ব্যাপার না ক্রিকেটে কমিটমেন্টটাই সব থেকে ব্যাপার তো শুভেচ্ছা রইলো জন্টি সরকারের পক্ষেই পুরো ফ্যান্সরা ঘিরে ধরেছে এটমসফিয়ার একবার দেখিয়ে সব লোক চুরচুকে হ্যাঁ ইয়া পেয়ে জন্টি কে লিয়ে জন্টি 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 একই আওয়াজ থ্রি জি ফর জন্টি প্রিন্স सौ मुर्शिदाबाद नवाबों के शहर से मुर्शीदाबाद नवाबों के शहर से आते हैं और नवाब है तो चलिए यहां से जुड़ेंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे तो अगले मैच के लिए माफ कीजिएगा अगले कार्यक्रम के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, तीन टीम मिल चुका है हम लोग आगे बढ़ेंगे और दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा सेमीफाइनल का मुकाबला फिर से एक बार मैं दोहराना चाहूंगा डीजे इलेवन द ऑनर ऑफ डीजे इलेवन या फिर कैप्टन जो कोई भी आना चाहे आ सकते हैं नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स एंड एम संबलपुर आप तीनों से दरखास्त है आप तीनों से गुजारिश है कि आप लोग आ जाइए अंकुर आप भी आ जाइए प्लीज हेलो 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 सब लाइव चल रहा है तो देखिए तीनों टीम के ऑनर टीम के रिप्रेजेंटेटिव दोनों टीम के कैप्टन के भी हम देख पा रहे, रहे हैं अंकुर हैं जॉन्टी हैं तो सब यहां पे पहुंच चुके हैं और सब कुछ ऑन लाइव होगा सब कुछ स्पोर्ट्स 70, 70 में आप लोग देख पाएंगे तो तीन टीम हम लोगों को मिल चुका है सुपर थ्री में और जैसा कि बताया गया था आपको कि तीनों टीम में से एक टीम डायरेक्ट फाइनल में अपना जगह बनाएगा और दो टीम के बीच सेमीफाइनल होगा ओके okay, तो देखिए जो चीट उठेगा वो टीम सीधा फाइनल में पहुंचेगा यानी कि 15 लाख कॉन्फर्म करेगा और बाकी जो टीम रहेगा वो टीम सेमीफाइनल खेलेगा और सारा सब कुछ लाइव पे है अगर अभी भी किसी को कुछ बोलना है तीनों टीम ऑनर हैं आप लोग बोलिए सर बोलिए तो चलिए कौन जाएंगे फाइनल इशरद भाई ओके ओपन यस डीजे इलेवन दे आर इनटू द फाइनल डीजे इलेवन दे आर इनटू द फाइनल खोल के दिखा दीजिए एक बार दोनों टीम का नाम क्या क्या था एक बार दिखा दीजिए नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स एंड एम यू सी सी संबलपुर तो सभी से यही दरखास्त है कि आप लोग अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में जो ऑफिशियल ग्रुप है उस ऑफिशियल ग्रुप में आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा लेकिन मान के चलिए पांच बजे आप लोगों को रिपोर्टिंग करना है पहला सेमीफाइनल मैच एक तरफ आकाश चिंदारिया है तो दूसरी तरफ अंकुर सिंह है और वो फर्स्ट सेमीफाइनल मैच है और कल स्पेशल डे है फाइनल डे है द वर्ल्ड कप विनर टीम के मेंबर संदीप पटेल सर आ रहे हैं तो सब मिला के एक बहुत बड़ा दिन हम सभी के लिए है चलिए यहां से लौटते हैं गुड नाइट टू एवरी कल जुड़ते हैं आपके साथ फर्स्ट सेमीफाइनल लेके और साथ में और बहुत सारा कुछ है जुड़े रहिए देखते रहिए दुर्गापुर बिग बैस धमाका टू के टू फोर हेलो हेलो अच्छा मैन ऑफ़ द मैच लास्ट मैच में मैन ऑफ़ द मैच पीकू मैन ऑफ़ द मैच पीकू पीकू आप आ जाइए हेलो हेलो लाइट्स गुला ऑफ कर देना प्लीज पास्टर मिनी ड्रग बैंड लाइट्स गुला पास्टर मिनी ड्रग बैंड फाइव मिनट्स पीकू पीकू मैन ऑफ द मैच पीकू पीकू पॉल पीकू आप आ जाइए तुरंत पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो बाकी रहेगा वो कर लेंगे उसके बाद फिलहाल अलविदा कल फिर से मिलेंगे আর এই ম্যাচের ম্যান ম্যাচের পুরস্কারটা তুলে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করবো আমাদের ক্লাব সমন্বয় কমিটির অনারেবল মেম্বার মিস্টার গণেশ যাদব মিস্টার গণেশ যাদব চলে আসতে হবে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পিকুর হাতে দ্রুত তুলে দেবো আমরা নক নক বাই পিকু এন্ড গেট দ্যান অব দ্য मैन ऑफ द मैच और पूरे टीम को देखिए एक लाख रुपया का जो इनाम था वो भी मिल चुका है आयुष रॉकर्स की तरफ से पूरे टीम को एक लाख का इनाम घोषणा हो चुकी है तो मैन ऑफ द मैच पीकू फोटो सेशन खत्म करेंगे और यहीं से गुड नाइट बोलेंगे पीकू आज की रात बिल्कुल आराम का नींद उसके बाद कल मिलेंगे फाइनल मैच तो थोड़ा तैयार होके आना है हाँ, थोड़ा टेंशन तो, अच्छा तो चलिए यहां से सबको गुड नाइट कल मिलते हैं